जय दोस्तों वेलकम बैक टू ओपन स्टडी स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से ओपन स्टडी परिवार में जैसा कि आप सभी लोगों को पता है हर एक एग्जाम से पहले हम एक मास्टर क्लास आप लोगों को वो की प्रोवाइड कराते हैं उन्हीं मास्टर क्लासेस में जिसका जो रिजल्ट है वो हमने भरपूर दिया और आप लोगों ने इस चीज़ का जो है रिव्यू भी दिया है कि जो कुछ भी जो जो क्लास हमने एग्जाम से पहले प्रोवाइड कराई हैं उनकी पूरी की पूरी री की जो एक्यूरेसी है एकदम मतलब 95 परसेंट प्लस रही है ऐसी ही एक और शानदार वो कैबलरी आपके पास पहुंचे ये 1000 तो मिनिमम है मतलब वन सिनोनिम्स एंड एंटनिम्स जो वर्ड्स यहां पर लिखे हैं ये जो वर्ड्स है ना ये मिनिमम है इतने तो होने ही होने इसकी तो मैं गारंटी दे दूंगा ठीक है ये तो होगा हो ही होगा लेकिन कोशिश यह रहेगी कि लगभग लगभग 2000 हजार वोकैबलरी आपके पास पहुंचे कैसे पहुंचेगी मैं इसका कैलकुलेशन आप लोगों के सामने रखूंगा थोड़ी देर में ठीक है और वोकैबलरी प्रोवाइड कराने के साथ साथ वोकैब्लरी को याद कैसे रखना है आपको याद करना भी है साथ के साथ याद रखना भी है उसके लिए एक मैं शॉर्ट स्ट्रेटेजी भी आप लोगों को क्लास से पहले ही बता दूंगा ठीक है तो एक ही क्लास के अंदर लगभग कोशिश करूंगा 2000 से भी ज्यादा वोकैब्लरी प्रोवाइड कराने की पूरी कोशिश करूंगा और एक हजार और तो ये, आ, और तो ये से पहले पूरी की पूरी अगर आप देख के जाते हो अच्छा इसमें एक और डाउट मैं आप लोगों को बताऊं पीडीएफ जो मिलेगी ना इस क्लास की पीडीएफ वो मैं आप लोगों को प्रिंटेबल फॉर्म में देने वाला हूं और वही प्रिंटेबल फॉर्म में जो पीडीएफ में आप लोगों को दूंगा क्योंकि इससे पहले जो 120 रूल्स वाली मैंने ग्रामेटिकल रूल्स वाली क्लास कराई थी उसकी प्रिंटेबल जो उसकी जो पीडीएफ थी वो बहुत बड़ी होगी तो साइज ज्यादा बड़ा हो गया ठीक है तो 120 वाली ज्यादा बड़ी होगी इसीलिए मैं आप लोगों को इस क्लास की प्रिंटेबल पीडीएफ प्रोवाइड कराऊंगा मात्र छह से सात पेजेस में आपको पूरी की पूरी वो मिल जाएगी ठीक है चलो तो क्लास की शुरुआत हम लोग करने वाले हैं सबसे पहले वो पढ़ने से पहले हमें उस वो को लर्न करना और याद रखना कि सर एग्जाम हॉल तक पहुंचते पहुंचते हम लोग भूल जाते हैं तो उस टाइम तक हम उन्हें कैसे याद रखें उस पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं उसके बाद कंटेंट की बात करेंगे ठीक है तो देखो दो चार बातें मैं आप लोगों को बताऊंगा कुछ बातें ऐसी बताऊंगा जो अभी क्लास में ही आपको अप्लाई करनी है मतलब कुछ बातें ऐसी होंगी जो क्लास में ही अप्लाई करनी है ठीक है जो क्लास वर्क होता है क्लास वर्क वो क्या रहेगा उस पर पहले बात कर लेते हैं ठीक है क्लास वर्क ये रहने वाला है कि जैसे मैंने एक वर्ड लिखाया ठीक है जैसे मान लो एक स्ट्रेटेजी वर्ड है और इसको आपको पढ़ना है ये वो का एक वर्ड है इसको आपको पढ़ना है और लंबे समय तक याद रखना है दोनों पे काम करना है ठीक है कैसे करेंगे पहली चीज पहली चीज तो इस वर्ड को जैसे ही आपने देखा तो ये चेक करो कि ये वर्ड आप लोगों के लिए कितना फेमिलियर है मतलब आपने पहले कभी इस वर्ड को पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है तो आप कहोगे कि हाँ सर मैंने ये वर्ड पहले कभी पढ़ा है लेकिन मुझे याद नहीं था इंस्टेंटली अभी कुछ वर्ड ऐसे होंगे जो आपको पहले से याद होंगे कुछ ऐसे होंगे जो पहले कभी पढ़े होंगे लेकिन उनको भूल गए होंगे दो तरह के वर्ड्स होते हैं तो अगर आप इससे पहले कभी फेमिलियर हुए हो तो फिर आपको कुछ नहीं करना है इसको बस थोड़ा सा रिवाइज करना है रिवाइज करना है रिवाइज करने का मतलब वोकैबलरी को रिविजन करने का तरीका आप लोगों को पता होना चाहिए रिविजन सबसे ज्यादा जरूरी होता है वोकैबलरी के लिए टाइम टू टाइम अगर रिवाइज करते रहोगे तो वो से आप फेमिलियर रहोगे और वो आप लोगों के पास आती रहेगी वोकैबलरी आती रहेगी ठीक है ये वोकैबलरी और करंट अफेयर एक ऐसा पार्ट होता है जितना भी पढ़ोगे आपको नया ही पढ़ना पड़ेगा मतलब पढ़ना ही पड़ेगा आप उसको छोड़ नहीं सकते एक बार ग्रामर पढ़ के छोड़ दोगे बट वोकैबलरी बिना पढ़े नहीं रह जाता ठीक है मतलब उसको तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा रेगुलर बेस उसको आप छोड़ नहीं सकते जैसे न्यूज है करंट अफेयर है वो ऐसा नहीं है सिलेबस कंप्लीट खत्म हुआ बस टाटा बाय बाय ऐसा नहीं कर सकते ठीक है तो इस वर्ड को पहले तो आपको रिवाइज करना है क्लास में ही क्लास में ही क्या करना है मेरे भाई रिवाइज करना है मतलब दो तीन बार चार बार पांच बार उसको बोलो रिवाइज करो मतलब उसको रिपीट करो साथ के साथ दो चार बार अच्छा कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जिनको आपने पहले कभी देखा ही नहीं है नहीं देखा है तो आप उससे फेवलियर होने के लिए आप क्या करोगे पहले उसको बोलो चार पांच बार उस वर्ड को बोलोगे तो उस वर्ड से आप फेवलियर हो जाओगे ठीक है मतलब आपको उसका प्रोनाउंसिएशन आना स्टार्ट हो जाएगा उसका हिंदी मीनिंग आपको पता होना मतलब पता चल जाएगा तो बहुत सारी बातें होती हैं जब हम उनको वर्ड्स को रिवाइज करते हैं ठीक है तो पहला काम आपको यही करना है कि जो भी वर्ड आपके सामने आता है उसको चार पांच बार रिपीट कर लो उसके प्रोनाउंसिएशन से और उस वर्ड के मीनिंग से आप हो जाओगे तो आप कंफर्टेबल फील करोगे आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा ठीक है वर्ड्स को पढ़ने का क्लियर है इतना तो ये छोटे मोटे काम करने और बाकी जो एक कंप्लीट स्टडीज होती है कि सर मान लो ये क्लास खत्म होने के बाद वो क्या हम भूल जाते हैं उसका क्या करें उसका एक सोल्यूशन सिंपल सा ही है कि एक तो शाम को सोने से पहले जो दवाई की डोज लेते हो और एक सुबह उठने के बाद ये दो टाइम तो फिक्स कर लो अपने लिए सुबह उठने के फ्रेश होने के बाद जो भी आप करते हो अपना उसके तुरंत बाद क्या कर दोगे अपना कैबलरी स्टार्ट कर दोगे रिवाइज करना ठीक है आधा घंटा और आधा घंटा सोने से पहले ये दो काम आपको करने हैं एक घंटा तो सिर्फ लर्न करने के लिए देना है और दिन में कोई एक टाइम ऐसा बनाओ एक घंटा आधा घंटा जिसमें आप वोकैबुलरी का कलेक्शन कर सको कि भैया मुझे आज दिन में ये वाली वोकैबुलरी पढ़नी है मैंने इतनी सारी वोकैबलरी कलेक्ट कर ली अब मैं इनको शाम को रिवाइज करूंगा सुबह रिवाइज करूंगा मतलब डेढ़ से दो घंटे आप वोकैबलरी को दे देते हो तो बहुत सारा टाइम है ठीक है चलो ये है आपकी छोटी सी एक स्ट्रैटेजी आप बोल सकते हैं अब चलते हैं भाई क्लास की तरफ जैसे कि आपको एक वर्ड दिखाई दे रहा है यहां पर ठीक है ये हमारी आज की क्लास का पहला वर्ड है ठीक है ये आज की क्लास का क्या है भाई पहला वर्ड है 45, अब इस 45 से बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे कि भाई आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि नहीं तो भाई सिंपल सी कहानी है यार जब यहां पर कोई वर्ड लिखा हुआ है तो ऑब्वियसली ये इंपॉर्टेंट होगा ठीक है तो सबसे पहले तो मैंने यहां पर जितने भी वर्ड्स लिखे हैं ना इस क्लास में जितने भी वर्ड्स में सेलेक्ट करके लाया हूं भाई इस पर एक दो घंटे का काम नहीं है दस पंद्रह बीस दिन का काम चलता है कम से कम हफ्ता भर तो लगता है सिलेक्शन करने में इसमें इतने सारे वर्ड्स मैंने कलेक्ट करे हैं तो बहुत सारा टाइम दिया होगा तब जाके सेलेक्टेड वर्ड्स में आप लोगों के सामने लेकर के आया हूँ

अब ये यहां पर आपको वर्ड दिखाई दे रहा है फॉर्मेट है तो थोड़ा सा टाइम लग सकता है पहले फॉर्मेट में इतना हर एक फॉर्मेट में टाइम नहीं लगेगा ठीक है इसका मतलब होता है किसी भी चीज में ताकत भर देना मतलब किसी भी चीज को मजबूत बना देना उसकी ताकत को और ज्यादा बढ़ा देना जैसे मान लो आप पहले से ही स्ट्रांग हो और आपको और ज्यादा स्ट्रांग बना दिया गया या पहले से वीक थे अब आपको और ज्यादा स्ट्रांग बना दिया गया तो इसी को कहा जाता है फोर्टिफाई करना ठीक है जिसका इंग्लिश मीनिंग जिसको इंग्लिश मीनिंग समझना होता है वो यहां से समझेगा जिसको हिंदी मीनिंग समझ में आता है वो यहां से समझेगा उसके बाद उसके कुछ सिनोनिम्स होंगे कुछ एंटोनिम्स अगर आप देखो तो इस फॉर्मेट में आपको कितने वर्ड्स दिखाई दे रहे हैं मैं आपको कैलकुलेशन भी बता रहा हूं कि मैं आपको किस तरह से एक हजार और किस तरह से दो हजार वोकेबलरी प्रोवाइड कराऊंगा कभी भी किसी भी वर्ड को जितने भी हमारे सबॉर्डिनेट वर्ड्स होते हैं इनको लाइटली मत लेना सबसे बड़ी गलती

तो हमेशा आपको जितनी इंपॉर्टेंस इसको देनी है उतनी ही आपको हर एक वर्ड को देनी है बराबर बराबर तो अगर आप इस पूरे फॉर्मेट में देखोगे तो कोई सा भी 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 वर्ड वर्ड आपके एग्जाम में आ सकता है कोई भी एक भी word, ऐसा सिंगल वर्ड नहीं है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट ना हो या फिर बेफिजूल हो ठीक है हाँ मान लो दस परसेंट वर्ड ऐसे होंगे भी है ना जो बेसिक है या जिनसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है या नहीं पूछा जा सकता है तब भी नाइनटी तो आपके ऐसे वर्ड होंगे जो हंड्रेड आपके लिए इंपॉर्टेंट है ठीक है अब आप देखोगे इस पूरे फॉर्मेट में कितने वर्ड हैं सबसे पहला शब्द सब स्ट्रेंथन भी आपका एक्यूरेट वर्ड है दो तीन चार पांच छः सात आठ नौ और दस टोटल यहां पे एक फॉर्मेट में दस वर्ड लिखे हैं अगर आप ऐसे से दस फॉर्मेट कंप्लीट कर लेते हो तो आपके पास सौ वर्ड पहुंच जाते हैं कितने भाई हंड्रेड अगर आप हंड्रेड फॉर्मेट कंप्लीट करते हो तो आपके पास वन थाउजेंड ये तो हमारा टारगेट है प्राइमरी ठीक है प्राइमरी टारगेट तो ये है कि कम से कम मिनिमम ये तो करना ही करना है हमें मतलब हंड्रेड तो करने ही करने एटलीस्ट ये तो कम से कम है ये मान लो ठीक है लेकिन कोशिश ये करेंगे कि हम दो या फिर दो सौ पचास दो सौ या दो सौ पचास इतने सारे वर्ड्स हम जो है मैक्सिमम करने की कोशिश करेंगे सब कुछ ठीक रहा तो तो अगर 200 का मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास 2000 वर्ड्स पहुंचेंगे मतलब अगर इनमें से कुछ भी निकालोगे ना तो आपके पास 1800 वर्ड तो आराम से निकल आएंगे मतलब 1800 वर्ड आज की क्लास में आपको ऐसे मिल सकते हैं अगर सब कुछ ठीक रहा मिनिमम एक 1000 तो मैं दे रहूंगा चाहे कुछ भी हो जाए ठीक है चलो भाई अब करते हैं यहां से शुरुआत अपनी कहानी देखो ये तो आपको पता चल गया फोर्टी ये इसके सिनोनिम्स हैं जैसे एक है इनवेग्रोट इनवेगोरेट इनवेगोरेट क्या होता है इसका मतलब भी होता है किसी भी चीज में जान डाल देना उसकी ताकत को और इंक्रीज कर देना ठीक है एक होता है रेंफोर्स. अब रेंफोर्स को कैसे याद करोगे फोर्स से याद कर सकते हैं याद करने का तरीका होता है उसी में से कीवर्ड्स बनाने की कोशिश किया करो अगर कीवर्ड्स बन जाते हैं अच्छी बात तो नहीं बनते है, तो कोई बात नहीं हम उनको याद कर लेंगे ठीक है रेनफोर्स हो जाएगा एनर्जी एनर्जाइज किसी को एनर्जाइज करना मतलब उसके अंदर एनर्जी डाल देना ठीक है जब आप एनर्जल पीते हो तो आपके अंदर एनर्जी आ जाती है ठीक है हाँ। समझ गए अब आ जाते हैं इसके ऑपोजिट मीनिंग्स जैसे वीकन अब देखो वीक जो वर्ड होता है ना वीक एक्चुअली वीक जो वर्ड होता है ये तो हो जाता है आपका एडजेक्टिव ये वर्ड कैसे यूज होता है मेरे भाई एडजेक्टिव की तरह यूज होता है और वीकन जो वर्ड है ये आपका वर्ब की तरह यूज होता है इसके पार्ट ऑफ स्पीच का नाम नहीं लिखा है तो हर एक फॉर्मेट में मैं आप लोगों को पार्ट ऑफ स्पीच का नाम भी बताते चलूंगा यानी कि यहां पर ये जो वर्ड है आपका वर्ब की तरह यूज किया जाता है स्ट्रेंथ जो होता है वो नाउन होता है स्ट्रेंथ जो होता है ना वो आपका नाउन होता है और स्ट्रेंथन जो होती है वो आपकी वर्ब होती है इस तरह से सॉफ्ट जो होता है वो एडजेक्टिव होता है सॉफ्टन जो होती है वो आपकी वर्ब होती है तो इस तरह से आप सारे के सारे वर्ड्स का एक प्रॉपर एनालिसिस आज की क्लास से ले सकते हैं क्लियर है उम्मीद है कि आपको फॉर्मेट भी समझ में आ गया सब कुछ अब इतना टाइम नहीं लूंगा मैं सुपर फास्ट क्लास है तो भाई साहब आपको सुपर फास्ट स्पीड से भागना है आपको इतना टाइम नहीं देना है। इस फॉर्मेट में इतना टाइम नहीं देंगे हम हम इसको थोड़ा सा स्पीडअप करेंगे भी थोड़ी देर में ठीक है उससे पहले मैं दो चार बातें आप लोगों को पहले ही बता देता हूं क्लास आगे बढ़ने से पहले ओपन स्टडी गुरुकुल स्टार्ट हो चुका है दिल्ली नगर की लोकेलिटी में ही है है ठीक अगर कोई भी ऐसा स्टूडेंट है जो एट प्रेजेंट दिल्ली में है और या फिर दिल्ली में आना चाहता है और वो गुरुकुल में एडमिशन लेकर अपनी पढ़ाई को एक कस्टडी के अंदर करके सलेक्शन लेना चाहता है मिनिमम टाइम में अपना टाइम फालतू कामों में बर्बाद ना करके एक सटीक और सही गाइडेंस के अंदर अगर आप पढ़ाई करना चाहते हैं गुरुकुल में आपका वेलकम है सारी चीजें ट्रैक पे हैं एक तारीख से क्लासेस प्रॉपरली स्टार्ट हो जानी है ठीक है और किसी को अगर ऑनलाइन कोर्स लेना है फाउंडेशन क्लासेस जिसमें बेसिक टू हाई लेवल अगर आप लोगों को पढ़ाई करनी है तो इंग्लिश फाउंडेशन बैच अवेलेबल है हमारे ओपन स्टडी एप्लीकेशन पे रिकॉर्डेड बैच भी अवेलेबल है और सभी लोगों से गुजारिश है कि क्लास से पहले ही आप लोग सेशन को लाइक कर दिया करो बाद में ऑफलाइन कमेंट करके बताया करो कि भैया सेशन आपको कैसा लगा चैनल पर जितने भी मेरे प्यारे भाई बंधु हैं उसको सब्सक्राइब कर लेना टेलीग्राम चैनल हमारा यह है ओपन स्टडी जिसके नाम से आपका लिंक भी दे रखा है इंग्लिश बाय अनिल एल जादौन भी है और एप्लीकेशन का भी लिंक दे रखा है ये कुछ बेसिक बातें थी एक मिनट लगता है इन सब बातों को सुनने में ठीक है चलो भाई अब आ जाते हैं यहां से फटाफट फटाफट स्पीडअप करते हुए क्लास को आगे बढ़ाएंगे सभी लोगों के कॉमेंट्स मेरे सामने हैं ठीक है मेरे भाई वर्ड्स को रिपीट करते रहे कॉमेंट बॉक्स में डालते रहे जैसे मैंने कहा कि भैया ये जो वर्ड लिखा हुआ यहां पे डिस्पैरिटी अब डिस्पैरिटी वर्ड को आप रिवाइज करो चार पांच बार बोलो खुद से बोलो कोई सामने बैठा है उससे बोलो अगर कोई नहीं बैठा है तो कमेंट बॉक्स में टाइप कर, करके डालते रहो जितनी भी बार टाइप करोगे आपका ही फायदा है जितनी बार इस वर्ड को आप कमेंट बॉक्स में टाइप करोगे इससे आपका फायदा हो जाएगा क्या पता है आपका स्पेलिंग टेस्ट हो जाएगा और आप जब उसको टाइप करते हैं तो आप मुंह से बोलते हो डिसी मतलब आप उसको प्रोनाउंस भी कर रहे हो तो आप उसके साथ फेमिलियर भी हो जाओगे ठीक है सभी को गुड इवनिंग सभी का वेलकम है तो सभी लोग कमेंट करेंगे एक ही वर्ड दिखाई देना चाहिए पूरे कमेंट बॉक्स में डिस्पैरिटी और बोल बोल के कमेंट करना है खुद से भी बोलना है जिससे आपका प्रोनाउंसिएशन अच्छा हो जाए ठीक है प्रोनाउंसिएशन अगर आप आ, मतलब बोल के वर्ड को याद करते हैं तो आप आपके अंदर का जो कॉन्फिडेंस है वो थोड़ा सा इंक्रीज होता है ये मैंने फील किया इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं तो डिस्पैरिटी का मतलब होता है डिफरेंस डिफरेंस क्या होता है भैया असमानता यानी कि जब हम किसी दो चीजों के बीच में कि भेदभाव होता है इसी को डिस्पैरिटी कहा जाता है ठीक है सभी लोग कमेंट में डिस्पैरिटी डिस्पैरिटी शाबाश ठीक है तो डिस्पैरिटी मतलब असमानता अब देखो उसके कुछ सिनोनिम्स हैं जैसे इनइक्वालिटी है तो ये तो इक्वालिटी का ऑपोजिट हो गया इनइक्वालिटी सबको पता है एक होता है कंट्रास्ट कंट्रास्ट मतलब जब कोई चीज किसी के ऑपोजिट होती है एक होती है डिसिमिलैरिटी सारे के सारे सिमिलर मीनिंग्स एक होता है डिस्टिंक्शन डिस्टिंग जानते हो डिस्टिंक्शन तो डिस्टिंक्शन का मतलब भी भेदभाव होता है ठीक है असमानता एक आ जाता है सेमनेस अगर आपके और मेरे बीच में कोई भी चीज कॉमन है या सेम है तो उसको सेमनेस कहा जाता है इसको हिंदी में समरूपता कहा जाता है इसको क्या कहोगे भाई हिंदी में समरूपता ठीक है ऐसे हाँ, यहां पर सिमिलैरिटी है इक्वेलिटी है लाइकनेस है लाइकनेस इनमें से कोई भी वर्ड आपके एग्जाम में आ सकता है ऐसा नहीं है कि एक एक सिंगल वर्ड जो आपने मेन वर्ड देखा है सिर्फ यही आपके एग्जाम में आएगा ऐसा कुछ नहीं है कोई सा भी वर्ड आपके एग्जाम आ सकता है कोई सा भी एक भी सिंगल वर्ड ऐसा नहीं जिसको आपको लाइटली लेना है या क्या करना है उसको छोड़ देना ऐसा नहीं करना चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पेस्टर एक वर्ड होता है पेस्टो पेस्टो पेस्टो, पेस्टो. ठीक है सर जी आप बिल्कुल एग्जाम वाली मीनिंग करवाते हैं सच्ची में बाकी को कभी भी <laughs> सर आपकी ऑफलाइन कोचिंग मुखर्जी नगर में है हां बिल्कुल <clears throat> जिसको भी ऑफलाइन ऑफलाइन के बारे में जानकारी लेनी हुआ करें आप कांटेक्ट नंबर्स दे रखे होते हैं ये नंबर दे रखें इन पे आप कॉल मैसेज करके जानकारी ले सकते हो जब मैं क्लास लिया करूं

दो हजार बाईस वाला ठीक है अभी चार पांच दिन पहले दस पंद्रह दस पंद्रह दिन पहले नौ नवंबर नौ दस नवंबर ग्यारह नवंबर को उसमें ये एनॉय वर्ड पूछा गया है जबकि एनॉय वर्ड वहां पर मीनिंग में पूछा गया है ठीक है डल जैसा वर्ड पूछा गया बताओ डल जैसा वर्ड ये पूछा गया है तो ये समझ लो कि ऐसे ऐसे सिंपल सिंपल वर्ड भी पूछे जाते हैं तो सबोर्डिनेट वर्ड को कभी भी इग्नोर मत किया करो ठीक है हाँ तो पेस्टर मतलब परेशान करना एनॉय करना किसी को ये वर्ब की तरह यूज किए जाते हैं बोदर मोस्ट इंपॉर्टेंट जिसके ऊपर स्टार बना दूं समझ लो इंपॉर्टेंट है ठीक है ऐसा मत करो क्योंकि मैं सारे के सारे वर्ड से इंपॉर्टेंट लिख के लाया हूं एक सिंगल वर्ड भी ऐसा नहीं मैं किसी के ऊपर स्टार नहीं बना रहा हर एक वर्ड इंपॉर्टेंट है और उसमें से भी ज्यादा एक एक वर्ड ऐसा इंपॉर्टेंट होता है कि उससे बहुत ज्यादा उम्मीद है कर सकते हो ठीक है तो बोदर मीन भी होता है टू इरिटेट इरिटेट तो होता ही, एक होता है बैगर बैगर में क्या होता है डी साइलेंट होता है ठीक है बैगर हो जाएगा एक होता है किसी को हैरी करना किसी को परेशान करना ठीक है प्लीज hmm. डिलाइट ये होता है किसी को शांत करना सॉरी कॉन्सिलेट क्या होता है किसी को शांत करना ठीक है किसी को शांत करना ये इसका मीनिंग होता है समझ है बातें हैं है भाई समझ है कि नहीं बातें सारी की सारी बहुत बढ़िया डिलाइट किसी को प्रसन्न करना किसी को प्रसन्न करना अपीज किसी को मनाना यहां पर लिख लो किसी को मनाना किसी को मनाना प्रसन्न करना ये इसका मीनिंग हो जाता है आ रही है समझ में? हाँ चलो आगे बढ़ते हैं एक और वर्ड है सोवियर सभी लोग सेशन को लाइक जरूर करेंगे और क्लास के बाद ऑफलाइन कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये सेशन कैसा लगा ठीक है अभी फिलहाल तो हम लोग क्लास ले रहे हैं लाइव कमेंट बॉक्स में मुझे सारे के सारे कमेंट्स दिख रहे हैं ठीक है मेरे भाई महफूज आर्यन नेहा चाहत डिफेंस लवर आ गया है भाई मेरा दोस्त और रिया है प्रिंसी है सत्या है सालू ठाकुर अमन सोनी बहुत बढ़िया देखो सोवियर जानते हो सोवियर कौन होता है ये होता है सूरवीर सूरवीर जो होता है यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो दिलेर होता है एकदम रक्षक होता है अगर वो व्यक्ति वहां पर है तो उसके होते हुए आपको कुछ नहीं हो सकता ऐसे लोगों को प्रोटेक्टर कहा जाता है या फिर आप सूरवीर भी कह सकते हो ठीक है सूरवीर जो रक्षक होता है ना सोवियर मीन्स होता है सूरवीर रक्षक ही आपका नाउन की तरह यूज सॉरी एडजेक्टिव की तरह यूज किया जाता है समझ गए प्रोटेक्टर कह सकते हैं ऐसा व्यक्ति या कोई भी ऐसी चीज जो आपको प्रोटेक्ट करता है बस बात खत्म अब रेस्क्यूअर कौन होता है जब आप कहीं पर फंस जाते हैं तो एक ऐसा व्यक्ति आता है जो आपको बचा के लेके आता है ठीक है उसको रेस्क्यूअर कहते हैं लाइफ सेवर होता है एक ऐसा व्यक्ति जो आपकी जान के खतरे को टाल देता है मतलब जान को बचाने वाला व्यक्ति रिडीम करने वाला मतलब किसी परिस्थिति से बाहर निकालने वाला रिडीमर होता है ठीक है प्रोटेक्टर होता है किसी भी खतरे से आपको प्रोटेक्ट करने वाला तो हर एक वर्ड का एक प्रॉपर एनालिसिस बहुत जरूरी होता है ठीक है और इन वर्ड्स का कलेक्शन सबसे ज्यादा मैटर करता है इन वर्ड्स का कलेक्शन सबसे ज्यादा मैटर करता है कि चुनिंदा वर्ड्स उठा के लाना वही वर्ड्स उठा के लाना जो आपके एग्जाम में हिट मारने वाले हैं ठीक है हाँ। ये ये दावा है ये दावा करते हैं हम झूठा दावा नहीं ये दावा करते हैं जब आप एग्जाम हॉल में हॉल में बैठोगे तब आपको ये सब चीजें दिखाई देंगी वहां पर सपने से आ रहे होंगे कि अरे यार ये तो कुछ 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 सुना सा लग रहा है ठीक है जब आप पूरी क्लास देख के जाओगे तो ये सत्य है इस चीज का मैं दावा कर रहा हूं कि जब आप एग्जाम हॉल में बैठोगे तो आपको फील होगा कि हाँ यार ये तो कुछ कुछ दिखाई सा दे रहा है कुछ कुछ सुना हुआ सा लग रहा है शायद ओपन स्टडी पे वो एक हजार वाली क्लास देख ली होती शायद ये उसी से पूछा गया है फिर आकर के चेक करोगे यही मिलेगा टेंशन मत लो ठीक है बाद में आकर के चेक कर लेना एक होता है सतन सतन का मतलब होता है मतलब शैतान जिसको कहते हैं डिवास्टेटर जानते हो किसी चीज को डिवास्टेट करना मतलब क्षतिग्रस्त करने वाला उपद्रवी कह सकते हो आप इसको सैडिस्ट होता है दुखी करने वाला ठीक है हाँ तो आप लिख सकते हैं उपद्रवी ठीक है उपद्रवी उपद्र लिख सकते हो या उधमी लिख सकते हो उद्धमी एक ऐसा व्यक्ति होता है जो आपको परेशान करता है ठीक है एक होता है बचाने वाला क्लियर है आगे बढ़ते हैं एक और वर्ड है यहां पर डेफर मैं कभी भी किसी वर्ड को एम्फेसाइज और पर्टिकुलर नहीं कर रहा क्योंकि मुझे पता है यहां पर जितने भी वर्ड्स लिखे हैं सारे के सारे इंपॉर्टेंट है ठीक है तो हर एक वर्ड को बराबर की इंपॉर्टेंस देनी है एक भी सिंगल वर्ड आपको छोड़ना नहीं है ठीक है डेफर जो वर्ड है इसका मीनिंग होता है किसी भी चीज को आगे के लिए टाल देना यानी कि किसी भी चीज को क्या कर देना पोस्टफोन कर देना अब यहां पर जो बाकी के वर्ड्स हैं उनको देखते चलो मेरे भाई जो बाकी के वर्ड्स हैं उनको देखते चलो ठीक है जैसे यहां पर लिखा हुआ है डिले करना तो किसी भी चीज को डिले करना ठीक है किसी भी चीज को क्या कर देना डिले करना पोस्टपोन करना है ना एक होता है डिले करना ये आप लोगों को समझ में आ गया पुट ऑफ कर देना मतलब टाइम आउट कर देना किसी भी चीज को पुट ऑफ कर देना होता है किसी भी चीज को समय पर रख देना कि भाई दस बजे के बाद ही आना मतलब आपको टाइम दे दिया गया है ऐसे ही किसी भी चीज को सस्पेंड कर देना सस्पेंड होता है कुछ टाइम के लिए आपको बर्खास्त कर दिया गया है रिटर्न वापस करना होता है रेफर होता है किसी दूसरे को पहुंचा देना हरी मतलब होता है जल्दबाजी करना accelerate मतलब Accelerator जब गाड़ी स्लो चल रही होती है कॉमेंट बॉक्स बोल बोल में डाला करो टाइप करके कॉपी पेस्ट नहीं टाइप करके जिससे आपका स्पेलिंग टेस्ट भी हो जाएगा ठीक है हाँ एडवांस होता है किसी भी चीज को आगे बढ़ाना प्रोग्रेस में ले जाना एक्सपीडिएट सॉरी मतलब होता है किसी भी चीज में इंक्रीमेंट करना बात समझ में? चलो फॉरवर्ड होता है आगे बढ़ाना नेक्स्ट डेलिबरेट जान आई डिडिबरेटली मैंने ये किया जानबूझकर। जब कोई काम जानबूझकर किया जाता है तो हम बोलते हैं हमने इस काम को डेलिबरेटली किया है तो डेलिबरेट वर्ब की तरह यूज किया जाएगा किसी भी काम को जानबूझकर करना किसी भी काम को जानबूझकर करना डेलीवरेट डेलीबरेट deliberate और डेलीवरेटली मतलब किसी भी काम को जानबूझकर करना अगर डेलीवरेटली लिख दोगे तो एडवर्ब हो जाएगा डेलीवरेट होता है एक्शन यानी कि मेन वर्ब की तरह यूज किया जा रहा है ठीक है जैसे इंटेंशनल अगर कोई भी ऐसा काम है जो इंटेंशनल किया जा रहा है मतलब इंटेंशन के साथ किया जा रहा है तो बोलते हैं कि यार ये मेरा इंटेंशन ऐसा नहीं था तो अगर मैंने इंटेंशनली किसी काम को किया है तो मैं कहूंगा भैया इंटेंशनल और डेलीवरेट बोल सकते हो पौंडर मतलब सोच समझ कर एक होता है बिना सोचे समझे एक होता है सोच समझ कर पॉन्डर थिंक पॉन्डर इंपॉर्टेंट है कंसिडर होता है किसी भी चीज को कंसिडर करते हुए प्री मेडिटेटेड प्री मेडिटेटेड जानते मेडिटेट करना है? तो प्री मेडिटेट मतलब पहले से आपने डिसाइड कर रखा था एक होता है अचानक से एक्सीडेंटल तो एक्सीडेंटल मतलब अचानक से ठीक है हाँ, हर एक वर्ड को बार बार कमेंट करना है जो वर्ड आपको याद करने में दिक्कत दे रहा है जो आपको टफ लग रहा है उसको रिवाइज करो चाहे भले ही कमेंट में मत डालो आप खुद से बोलो खुद से बोलो रिवाइज करो सामने जो बैठा है आपके आसपास बैठा है उससे बात करो अगर उससे बात नहीं कर पा रहे तो फिर अपने अप, अपने आप से खुद से बात करके कॉमेंट बॉक्स में उस वर्ड को टाइप करते रहना जरूर ठीक है अन इंटेंशनल होता है एक होता है इन एडवर्टेंट इन एडवर्टेंट मतलब होता है बिना सोचे समझे बिना पिछली तैयारी के विदाउट प्रीवियस प्रेपोरेशन एक्सीडेंटल इंस्टेंट ऐसे करके आगे बढ़ोगे डेयरिंग मैंने कहा ये बंदा बड़ा डेयरिंग है भाई भाई ये बंदा कैसा है है डेयरिंग मतलब हिम्मत वाला है साहसी व्यक्ति है कैसा है साहसी व्यक्ति है एडजेक्टिव की तरह इसको हम लोग यूज करते हैं देखो जितना ज्यादा कंटेंट डिस्कस किया जाएगा क्लास में उतना इस टाइम पे आपके लिए फायदेमंद है ये आप भी जानते हो क्यों क्योंकि एग्जाम आपके पास है ठीक है दूसरी चीज अगर मैं यहां पर कुछ भी लिखता पेन से तो मुझे लगता है कि उसमें समय ज्यादा लगता है इसलिए मैं ज्यादातर चीजें आप लोगों को फटाफट फास्ट फॉरवर्ड करने वाला हूं अभी थोड़ी थोड़ी जैसे ही रिदम में आएंगी चीजें चीजें बढ़ती जाएंगी ठीक है टेंशन मत लेना देखो बोल्ड हो गया ब्रेव हो गया ऑडेशियस हो गया ये वर्ड्स मैंने कितनी बार आप लोगों को कराए हैं गैलेंट हो गया देखो गैलेंट एक बहुत प्यारा शब्द है मैं क्या कहूं आप लोगों को इनको इंपॉर्टेंट टेक कर लेना एक एक शब्द बड़ा ही कीमती है मेरे दोस्त एक एक शब्द बड़ा ही कीमती है इससे बाहर अगर कुछ भी नहीं मिलेगा अगर आप इनको अच्छे से पढ़ के जाते हो तो भाई वोकैबुलरी की टेंशन आप यहां से छोड़ सकते हो आप ये कह सकते हो ये दोनों चलो कॉमन वर्ड बट ऑडी कार रखने वाले लोग बड़े ही ऑडेशियस होते हैं आप ऐसे करके ट्रिक भी बना सकते हो फियरलेस जिसको कोई डर नहीं होता गैलेंट होता है कोई काम अगर आपने गैलेंटली किया है मतलब आपने हिम्मत के साथ किया है तो गैलेंटली एडवर्ब की तरह यूज किया जाता है गैलेंट एक वर्ड होता है जिसका मतलब होता है कि ये बंदा बहुत ही गैलेंट है मतलब एकदम दिलेर है कैसा है दिलेर है साहसी है अब आ जाते हैं टिमिड कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो बड़े ही कायर टाइप के होते हैं ठीक है भाई कायर लोग होते हैं तो ऐसे लोगों को डरपोक कहा जाता है क्या कहा जाता है डरपोक यानी कि कायर क्या कह सकते हो भाई कायर कह सकते हो जानते 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 सारे के सारे वर्ड सिमिलर सिमिलर हैं सबसे पहले ऑटोक्रेसी समझ लेते हैं क्रेसी वर्ड्स अगर आप लोगों ने नहीं पढ़े हैं क्रेसी वाले बहुत सारे वर्ड्स होते हैं कि भैया इस तरह के शासन को क्या कहते हैं इस तरह के शासन को क्या कहते हैं तो आप क्या करोगे ओपन स्टडी चैनल को विजिट करके प्लेलिस्ट में जाना वहां पर आपको मिलेगा रूट वर्ड होगी उसमें ऑटोक्रेसी सारे सारे तो का मतलब होता है एक तंत्र मतलब एक ऐसा शासन जिसमें एक ऐसा शासन जिसमें सिर्फ इकलौता राजा होता है एक व्यक्ति और उसी की चलती है ठीक है हाँ उसी की चलती है और किसी की नहीं चलती है निरंकुश शासक तो उस शासन को तो कहा जाता है ऑटोक्रेसी और, और उस शासक को कहा जाता है ऑटोक्रेटिक ठीक है 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 डिक्टेटर 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 बोल सकते हो एडजेक्टिव की तरह यूज किया जा रहा है। और नाउन होता है। होता निरंकुश शासक और ये आपका एडजेक्टिव होता है इसका मतलब होता है निरंकुश ठीक है इसको आप शासन के लिए भी लगा सकते हो पर्सन के लिए भी लगा सकते हो जैसे यहां पर लिखा हुआ है टायरानिकल टायरानिकल मतलब एक व्यक्ति का एक व्यक्ति के मतलब जिसमें एक ही व्यक्ति का जो है शासन होता है किसी भी चीज में ले लो एक ही व्यक्ति चलती है कोई ऐसी कंपनी जिसमें एक ही व्यक्ति मालिक है तो उसको आप कह सकते हैं है है एक है डेस्पोटिक डेस्पोटिक मतलब निरंकुश जिसमें सिर्फ एक तरह की तरीके से भी देखोगे आप उसमें बहुत सारी चीजें दिखाई देंगी बॉस ही जिसमें एक व्यक्ति बॉस होता है ठीक है एरोगेंट घमंडी टाइप होता है एक होता है डेमोक्रेटिक जिसमें बहुत सारे लोगों की सलाह इंक्लूडेड होती है भाई साहब हम जब चाहेंगे तभी हमारे हिसाब से ही प्रधानमंत्री चुने जाते हैं हम चाहें तो सारे के सारे लोग इकट्ठे हो जाएंगे कोई दूसरा प्रधानमंत्री चुन सकते हैं हमबल इलेक्ट्रेबल इलेक्ट्रिबल एक होता है इंडिपेंडेंट ठीक है मतलब किसी का भी उस पर शासन नहीं है ये इंडिपेंडेंट है चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट अब आ जाते हैं डर्थ डर्थ जो होता है ये क्या है डर्थ का मतलब होता है किसी भी चीज की हद से ज्यादा कमी आ जाना जैसे मैंने कहा कि हमारे देश में पिछले पांच साल से बारिश नहीं हुई है इसका मतलब है कि पानी की हद से ज्यादा कमी आ गई है बारिश की सबसे ज्यादा कमी आ गई है तो आप उसको डर्थ कहोगे इस वर्ड को ट्रिक से भी याद कर सकते हैं जैसे डर्थ है तो डर्थ में से आप अर्थ निकाल सकते हो अर्थ मतलब होता है धरती यानी कि जमीन जमीन पे पानी की कमी आ गई है या लोगों के पास जमीन की कमी आ गई है या जमीन की ऑटोमेटिकली कमी आ गई है कैसे न कैसे करके कमी लिख सकते हो इसका मतलब होता है अकाल यानी कि स्कॉसिटी है पॉसिटी है लैक है शॉर्टेज है इनसफिसियंसी है इनसफिसंसी मतलब किसी भी चीज की तंगी बोल सकते हो हद से ज्यादा कमी ठीक है भाई हम्म अब आ जाते हैं इसके ऑपोजिट मीनिंग मोस्ट इंपोर्टेंट पैटर्न है यहां पर जो मैंने फॉर्मेट दिखाया है वाला ये मोस्ट है जैसे प्लेथोरा है प्लेथोरा मोर मोर देन देन ड्यू ड्यू सरप्लस जितने की जरूरत है एक्सेसिव एक्सेसिव जानते हो हद से ज्यादा ग्लट होता है ग्लट glut. ग्लट मतलब जरूरत से ज्यादा ठीक है अबंडेंस प्रचुरता इसको हिंदी में कहा जाता है प्रचुरता किसी भी चीज की अधिकता चुरता और बोल सकते हो अधिकता जितने की जरूरत है जैसे मान लो बाढ़ आ जाती है तो पानी की अधिकता होती है कि कमी होती है भाई अधिकता आ जाती है एक्सेस एक्सेस ग्लटेंस क्लियर मोस्ट इंपॉर्टेंट है सारे के सारे वर्ड्स आगे बढ़ो एक होता है सर्कुशिस। देखो सरक्यूसियस क्या होता है अगर कोई चीज सर्कुलर है कोई भी चीज सर्कुलर है या सर्क्यूसियस है तो आप उसको कहोगे कि यह चीज घुमावदार है अब सर्कुलर में क्या होता है सर्कुलर अगर आपने बोल दिया तो घूम करके सीधे एक ज्वाइंट से दूसरे ज्वाइंट को टच कर रहा होगा तो उसको सर्कुलर कहा जाता है लेकिन सर्क्यूस जो सर्क्यूस होता है इसका मतलब होता है ये आपका एडजेक्टिव की तरह यूज किया जाएगा ठीक है ये जो सर्क्यूसेस होता है इसका मतलब होता है घुमावदार तो है मतलब स्... सीधा नहीं है घुमावदार है टेढ़ा है बट जरूर नहीं है कि वो जाकर के सीधे दूसरे कोने से मिल जाएगा घूम के हो सकता है उधर चला जाए फिर घूम के ऐसा आ जाए लेकिन ऐसा नहीं है सीधा नहीं है वो घुमावदार है तो उसको सर्कुसिस कहा जाता है ठीक है सर्कुस और सर्कुलर में फर्क होता है सर्कुलर होता है ये और सर्कुस होता है ये टेढ़ा मेढ़ा मतलब है तो घुमावदार बट एक सर्कल नहीं है बस इनडायरेक्ट बोल सकते हो डेवियस मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट फ्रिक्वेंट है डेवियस डेवियस है टौर्चुस है टौर्चुस भी है है भी मोस्ट और एक होता है वाइडिंग। वाइडिंग, वाइडिंग मतलब वाइंड ठीक है घुमावदार घुमा हुआ क्लियर है सभी को हा सभी लोग वर्ड्स को कमेंट में रिपीट करते रहा करो कमेंट बॉक्स में रिपीट करते रहा करो बोलते रहा करो Sir, सर क्विसेस सर क्विसेस सर जब तक ये वर्ड आपके सामने है तब तक रिपीट किया करो कभी नहीं भूलोगे एक होता है डायरेक्ट सीधा कोई घुमावदार नहीं स्ट्रेट एकदम एकदम सीधा करेक्ट, सीधा करेक्ट फ्रैंक ऑनेस्ट दो तरह से यूज कर सकते हैं एक तो किसी भी चीज के फिजिकल घुमावदार बोल सकते हैं एक बिहेवियरली बोल सकते हो कि यार इसकी बातें घुमावदार हैं ये व्यक्ति थोड़ा सा टेढ़ा है इसकी बातें घुमावदार है व्यक्ति थोड़ा सा घुमावदार है कैसे भी करके आप बोल सकते हो ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं साइंस मींस क्या होता है चमकना ये साइन में उसने एस लगा दिया है वर्ग की तरह यूज किया जाएगा ठीक है साइन मतलब ग्लिटर्स साइन मतलब ग्लिटर ग्लिटर और साइन साइन मतलब चमकना जानते हो हाँ सूरज सालू आर्यन चाहत उषा जैकी रियाल कुछ कुछ डेविल <laughs> प्रिया बहुत बढ़िया और जैसे स्पार्कल्स है देखो सब में एस लगा दिया यानी कि सारे के सारे प्रेजेंट इंडेफिनेट की सिंगुलर वर्ब की तरह इन्होंने यूज कर लिया ठीक है स्पार्कल्स है ग्लीम्स है ग्लोव है ठीक है अब ग्लो लिख दोगे ग्लीम लिख दोगे या स्पार्कल लिख दोगे तो भी गलत नहीं है ग्लिस्टन है ग्लिस्टन मतलब होता है किसी भी चीज में चमक पैदा करना ठीक है चमकना दूर से ही चमक उठना डार्कनेस तो नाउन हो गया डार्कनस जो होता डार्कन इसमें से एस हटाओगे ना तो डार्कन लिखना पड़ेगा आपको और डार्कन जो होता है ये आपका वर्ब की तरह यूज किया जाएगा ठीक है और ये आपका नाउन की तरह यूज किया जाएगा डार्कनेस एक होता है 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 डिमनेस ये भी आपका नाउन ठीक डिम जो होती है वो वर्ब की तरह यूज किया जाता है. डलनेस भी आपका नाउन की तरह यूज किया जाएगा ठीक है तो ये आपके ऑपोजिट मीनिंग्स हो गए आगे बढ़ते हैं मैलो मैलो जानते हो क्या होता है मैलो मीन्स क्या होता है मैलो मीन्स होता है किसी भी चीज में जब हम लोग जैसे मैंने कहा ये बंदा बिल्कुल कैसा है एकदम इसका जो व्यवहार है वो एकदम कैसा है मैलो है तो आप कह सकते हैं कि मधुर व्यवहार वाला व्यक्ति है किसी की वॉइस होती है किसी की बातें करने का तरीका अच्छा होता है मैंने कहा इसकी जो बातों बातें करने का जो तरीका है ना वो एकदम कैसा है मधुर है मैलो है तो आप ऐसे करके बोल सकते हो ठीक है तो मैलो मीन्स होता है जेंटियल जेंटियल मतलब जेंटल जेंटल से रिलेट कर लेना इसको ठीक है हाँ जैसे सॉफ्ट है स्मूद है जेंटल है जेंटल और जेंटिल दोनों ही एक जैसे वर्ड है जेंटल भी एडजेक्टिव होता है जेंटिल भी एडजेक्टिव होता है दोनों ही एडजेक्टिव है ठीक है hmm. pleasant है रिपन है रिपन मतलब एकदम बिल्कुल प्लीजेंट स्मूद आप बोल सकते हो ठीक है चलो तो सॉफ्ट स्मूथ जेंटल जेंटल तो कई बार रिपीट हो चुका है या, याद रखना एग्जामिनेशन में ये एसएससी के फेवरेट वर्ड्स हैं जो मैं आप लोगों को करा रहा हूं एस एस सी के मोस्ट फेवरेट वर्ड्स हैं एस एस सी वाले तो ये मान लो अपने दिमाग में सेट कर लो कि एस एस सी मतलब ओपन स्टडी कहीं नहीं जाना है इंग्लिश के मामले में तो कहीं जाना ही नहीं है हार्ड हो गया इमेच्योर हो, हो, हो गया ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे अपोजिट मीनिंग्स हो जाएंगे क्लियर है नेक्स्ट hmm. नेफेरियस देखो नेफेरियस जानते क्या होता है एक होता है फेमस एक होता है फेमस वर्चुअस या फिर बोल सकते हैं फेमस लिख लो ठीक है या फिर फेमस मत लिखो अभी बताऊंगा धीरे धीरे आगे आएगा नोटोरियस होता है नोटोरियस जानते हो नोटोरियस अलग वर्ड होता है मैं अभी आपको कराने वाला हूं नेफेरियस को समझ लेते हैं सबसे पहले हम्मेरियस जो वर्ड है में पूछा गया नेफेरियस वर्ड है जैसे कोई ऐसा व्यक्ति है जो बहुत ही मक्कार टाइप का व्यक्ति है मक्कार या बदमाश बोल सकते हैं जिससे हमेशा इंसान परेशान रहता है कि यार ये हमेशा ही परेशान करता है ऐसे लोगों को नेफेरियस कहा जाता है ये एक तरीके से फेमस होते हैं किसी बुरे काम को करने के लिए और वो आपको परेशान तंग करते रहेंगे तो नेफेरियस वर्ड को रिपीट करो जैसे ही नया वर्ड आता है उसको रिपीट करने में लग जाया करो रिपीट किया करो बार बार रिपीट किया करो जितनी बार रिपीट करोगे उतना फायदा होगा आपका ठीक है हाँ समझ पा रहे हो तो नेफेरियस मीनस होता है विग्ड एक होता है विलनस विलनस कैसे पढ़ोगे भाई विलन से एक विलन फिर दूसरी विलन दो मूवी आ चुकी है विलन विलन में क्या होता है एक वो व्यक्ति सबको मारता है जान से मार देता है वे वजह ठीक है औरत का चक्कर बाबू भैया तो उसके चक्कर में बहुत सारी मौत कर देता है बहुत सारे जो है मर्डर करता है क्योंकि वो विलन है और विलन तो नाउन हो जाएगा विलनस जो पर्सन होता है वो होता है एकदम खुंकार उपद्रवी व्यक्ति आ, एक होता है एट्रोसियस एट्रोसिटी जानते हो क्या होता है एट्रोसिटी एट्रोसिटी नाउन की तरह यूज किया जाता है जिसका मतलब होता है उपद्रव क्या मतलब होता है उपद्रव अगर कोई सिटी है मेट्रो सिटी से आप इसको याद कर सकते हो कि जितनी भी मेट्रो सिटी होती है मतलब जो बड़ी बड़ी सिटी होती है जिनमें मेट्रो चलता है वो ऑब्वियसली बड़ी सिटी होगी तो मेट्रो सिटीज में सबसे ज्यादा एट्रोसिटी होता है यानी कि सबसे ज्यादा क्या होता है सबसे ज्यादा उपद्रव होता है वायलेंस होता है ठीक ठीक है, Atrocious, Wildness, है, है, एक होता है, वाइल, वाइल भी से रिलेटेड हो जाएगा ये एविल होता है मतलब राक्षसी राक्षसी टाइप का व्यक्ति है कोई है, मतलब पापी बोल सकते हो आप इसको एक ऐसा व्यक्ति है जिसको पाप करने से डर नहीं लगता किसी की भी जान ले लेगा किसी को भी पीठ देगा कुछ भी गलत काम करवा लो इस व्यक्ति से एक होता है सम्मानजनक व्यक्ति ऑनरेबल वर्चुअस इथिकल मैंने कहा यार इथिकल बातें क्या करो तमीज की बातें क्या करो जो सच में वैलिड होती हैं ठीक है ठीके? हाँ नोबल है कोई सभ्य टाइप का व्यक्ति है सीधा साधा चलिए अब देखो नया वर्ड जैसे ही सॉर्डिड दिखा सारे के सारे सॉडिड वर्ड पर टूट पड़ा करो टूट गए सब लोग एक तरफ से एक एक बार नहीं दस दस बार बीस बीस बार जितनी भी बार आप इसको टाइप कर सकते हो तो कमेंट बॉक्स में मेरा कोई फायदा नहीं होने वाला मुझे पैसे नहीं आते कि जब आप कमेंट करोगे मेरे पास पैसे आ रहे हैं भैया है, ऊपर से पैसे बरसना है पैसे नहीं बरस रहे भाई कमेंट बॉक्स में रिपीट करते रह गए लाइव वाले रिकॉर्डेड वाले तो दो चार बार लिख लिख के प्रैक्टिस करना ठीक है जो रिकॉर्डेड देखेंगे बाद में वो लिख लिख के आप भी कर सकते हो आप कमेंट बॉक्स में मत लिखो पेन कॉपी से लेकर के बैठ बैठो लिख लिख के प्रैक्टिस करो बगल में एक रफ नोटबुक ले लो उस पर लिख डालो सब लोग तो कमेंट बॉक्स में जितनी बार टाइप करके लिखोगे ना उतनी बार आपका फायदा होगा आप लोगों की स्पेलिंग टेस्ट होगा प्रोनाशियन अच्छा होगा failure, जो है है हो जाओगे आप वर्ड के साथ कॉन्फिडेंस होता है। तो ये कुछ बातें हैं यार कुछ ज्ञानी लोग कह रहे हैं इनको मान लिया करो यार तुमसे ज्यादा एक्सपीरियंस होगा थोड़ा बहुत तो पेपर भी दे रहे हैं बराबर आपके साथ और पढ़ा भी पिछले पांच से छह साल से रहा हूं मैं तो हर तरह के एक्सपीरियंस है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं इसको मान लिया करो दी ठीक है सॉडिड वर्ड होता है अनैतिक यानी कि अनप्लीजेंट एक ऐसी चीज है जो इथिकल नहीं है आप ये कह सकते हैं नास्टी वर्ड है जो कि अभी इस बार एसएससी में पूछा गया था सीपीयू में नास्टी इसका सिनोनिम होता है ठीक है मैंने कहा कि एक व्यक्ति है जो बहुत ही गंदे टाइप का व्यक्ति है कुछ भी बोल जाता है बिल्कुल बेकार व्यक्ति है तो उसको नास्टी या सॉडिड कहोगे ठीक है एक तरीके से हम डर्टी डर्टी का सुनियम होता है डर्टी हो गया नास्टी हो गया सॉडिड हो गया अब नास्टी सीपीओ में पूछा गया है वो मैंने इसमें नहीं लिख पाया था तो सॉडिड अनैतिक अनप्लीजेंट लॉ लॉ नहीं लो ठीक है लो मीन डर्टी फॉल और स्क्वेलिड और फिल्दी और ये स्पेशली अश्लीलता के सेंस में भी आप इनको इस्तेमाल कर सकते हैं कोई ऐसा व्यक्ति है जो हमेशा गाली देता है या अश्लील व्यक्ति होता है तो आप उसको बोल सकते हो ये वाली बात ठीक है एक होता है रॉयल लोक स्टैंडर्ड लोग होते हैं कुछ कुछ लोगों के स्टैंडर्ड बहुत अच्छा होता है ठीक है हाँ तो ऐसे लोगों को रॉयल रेप्यूटेबल क्लीन प्राउड और ब्यूटीफुल मतलब अगर कोई व्यक्ति बहुत ही स्टैंडर्ड है अच्छा है तमीज की बातें करता है छोटी मोटी चीजों से फर्क नहीं पड़ता और उसका स्टैंडर्ड भी बहुत अच्छा है मतलब चीजों में जो सिलेक्शन होता है चीजों को सिलेक्शन करने का वो उसका बढ़िया है तो आप उस व्यक्ति को रॉयल रेप्यूटेबल कहोगे दो तरह की कैटेगरी होती है सोसाइटी में भी आपने देखा होगा लोगों को एक होता रोड छाप लोग है हाँ ना तंबाकू खा के कुछ भी बोल जाएंगे वो उस तरह के लोग होते हैं और नीचे वाले थोड़े अच्छे लोग होते हैं ठीक है आगे चलो ट्रैंक्ल सभी लोग इस वर्ड पे टूट पड़ो सब लोग ट्रेंकुअल और ट्रेंक्यूलिटी वर्ड को जितनी बार हो सके कमेंट बॉक्स में रिपीट करोगे उससे आपको बड़ा फायदा मिलेगा ट्रैंक्ल और ट्रैंक्लिटी को समझो जरा मेरे भाई ट्रैंक्विल होता है आपका एडजेक्टिव और ट्रैंक्लिटी दोनों ही वर्ड रिपीटेडली कई बार पूछे गए हैं कई बार पूछे गए ट्रेंकुअलिटी नाउन की तरह यूज किया जाता है जिसका मतलब होता है शांति ठीक है और एडजेक्टिव की तरह यूज किया जाता है जिसका मतलब होता है शांत ये ये एडजेक्टिव है किसी न किसी नाउन या प्रोनाउन की क्वालिफिकेशन बताएगा और जो ट्रेंकुलेटी है ये अपना खुद का नाउन है ठीक है काम करना ये काम जो है वर्ब भी होता है और एडजेक्टिव भी होता है ठीक है काम मतलब किसी चीज को शांत करना एक होता है सैरीन सैरीन करना अच्छा शब्द याद रखना एस ई एसईर आरई एन ई किसी चीज को शांत करना सर वर्ब की तरह यूज किया जाता है क्वाइट होता है ठीक है हाँ क्वाइट का मतलब होता है पूरी तरह से ये क्वाइट गलत लिख गया है है ठीक हाँ ये वाला जो क्वाइट है ये गलत है इसकी जगह क्वाइट कर लेना ये वाला क्वाइट होगा शांत हाँ ये उल्टा लिख दिया है अब ये गलत नहीं है वर्ड गलत नहीं है इसको यहां से हटा के दूसरी जगह लिखना है मैं यहां पर लिख देता हूं ठीक है एक होता है क्वाइट और एक होता है क्वाइट गलत नहीं है स्पेलिंग गलत नहीं है बस वो इस जगह पे इसका सिनोनिम नहीं होना चाहिए था एक होता है ये वाला क्वाइट एक होता है ये वाला क्वाइट दोनों का थोड़ा सा बीच में डिफरेंस जो है उसको समझ लेते हैं देखो ऊपर वाले क्वाइट में क्या है ई पहले है टी से और नीचे वाले सेंटेंस में जो नीचे वाले वर्ड में जो है टी के बाद में है ई तो आप इस वर्ड को याद भी कर सकते हो हमेशा के लिए याद भी रख सकते हो मैं आपको तरीका बता दूंगा कैसे याद रखना है जिस तरह से मुझे याद है वही तरीका मैं आपको सौंप दे रहा हूं और आपके बगल में हो सकता है मैं भी पेपर दे रहा हूँ आपके बगल वाली सीट पर बैठ के तो कुछ भी नहीं है ठीक है आपका कॉम्पिटिटर आपको पढ़ा रहा है साथ में तो इतना ध्यान रखना कि जो कुछ भी मैं बता रहा हूँ वो आप लोगों के फायदे का ही होगा क्योंकि तो मुझे भी वही सारी चीजें ठीक है इन सब चीजों का एक्सपीरियंस है ऑलरेडी तो देखो यहां पर जो क्वाइट है ई पहले है तो इसका मतलब होता है चुप शांत, ठीक है चुप या शांत और इसका मतलब होता है कंप्लीटली इसका मतलब होता है कंप्लीटली यानी कि हंड्रेड परसेंट पूरी तरह इसका मतलब होता है क्वाइट तो जब ई को टारगेट कर लेते हैं ई से हम इसको याद कर सकते हैं ठीक है ई को टारगेट करते हैं कि जब भी ई जो है टी से पहले आता है तो चुप पहले है तो चुप और बाद में है तो कंप्लीट मैंने कहा मुझे सिलेबस कंप्लीट करना है सिलेबस कंप्लीट करना है सिलेबस कंप्लीट करना है मम्मी ने आकर के तमाचा लगा दिया बेटा पहले चुप हो जा पहले चुप बाद में कंप्लीट कर लियो पहले चुप बाद में कंप्लीट पहले चुप बाद में कंप्लीट पहले चुप बाद में कंप्लीट ऐसे करके याद कर लेना एक क्वाइट भी होता है सॉरी क्विट ये क्विट होता है किसी भी चीज को छोड़ देना त्याग देना ठीक है किसी भी चीज को छोड़ देना त्याग देना यह होता है क्विट क्लियर है अच्छा अब आ जाते हैं वाइल्ड वाइल्ड का मतलब क्या होता है मेरे भाई खुखार जंगली कोई ऐसा भी व्यक्ति होता है जो खुंकार होता है ठीक है खुखार जंगली नॉइजी उपद्रवी एजिटेटेड चिड़चिड़ा चिड़चिड़ा चिड़ अगर कोई व्यक्ति चिड़चिड़ा चिड़ है तो आप उसको एजिटेटेड कहोगे ठीक है लाउड गुस्सेल एंग्री गुस्सेल गुस्से में है कोई व्यक्ति कोई ऐसा व्यक्ति है जो बहुत ही कैसा एकदम शानदार है और एकदम प्लेजेंट है ठीक है मतलब ट्रेंकुअल है शांत है अगर कोई व्यक्ति शांत है तो ये वाला वर्ड बोलोगे खुंखार है नॉइजी है एजिटेटेड है लाउड है एंग्री है तो किसी किसी फॉर्मेट में समय भी लग जाता है कोई दिक्कत नहीं टूट पड़ो इस वर्ड वर्ड पे हालांकि ये बहुत ही इजी वर्ड है अगर कोई इजी वर्ड नजर आता है तो उसके सिनोनिम्स और एंटोनिम्स पे टूट पड़ टूट पड़ा करो ठीक है हाँ तो यहां पर इमेजिनरी जो वर्ड है एक्चुअली आपका एडजेक्टिव की तरह यूज किया जाएगा ठीक है हाँ तो इमेजनरी जो वर्ड होता है मैंने कहा ये जो स्टोरी आप मुझे सुना रहे हो ना ये सब इमेजनरी है ये काल्पनिक है ये रियल लाइफ में नहीं होती हैं तो आपसे कह दिया किसी ने कि भैया ये तो इमेजनरी है ये तो काल्पनिक है फिक्सीस है कैसे है भैया फिक्सीस मोस्ट इंपॉर्टेंट फिक्सीस क्या होता है कोई भी ऐसी चीज जो एकदम काल्पनिक है जो आभासीय है रियल दुनिया से अलग है इसको कहा जाता है सभी लोग सेशन को ईमानदारी से लाइक कर दिया करो सबसे पहले आते क्योंकि ये आपकी प्रेजेंटेशन होती है हाँ सर मैं आ गया हाँ सर मैं आ गई थम लगा दिया करो आते ही। जो नहीं होता है ऑफिस में ठीक है थम इंप्रेशन वो क्लियर है हाँ तो फैंसीफुल फैंसीफुल देख रहे हो फैंसीफुल होता है कोई भी ऐसी चीज जो फैंटेसी से रिलेटेड है ठीक हाँ, है हां फैंटेसी से रिलेटेड है इल्यूजरी मतलब इल्यूजन से रिलेटेड होती है कोई ऐसी चीज है जो भ्रमित है ठीक है सर आपको तो सब याद है फिर आप रिजर्व कर लोगे नहीं मुझे इंग्लिश से तो याद है मुझे मैथ थोड़ा ना आता है मुझे बाकी की चीजें भी तो पास करनी होती हैं भाई बाकी की चीजें भी तो पास करनी होती हैं हाँ फैंसीफुल इल्यूजरी और अनरियल हो गया फिक्सनल हो गया ये भी इंपॉर्टेंट है इसको इंपॉर्टेंट टिक करना फिक्सनल है कोई भी चीज़ हाँ एक होती है रियल है एक्चुअल है एग्जिस्टेंट है जो चीज असली है वास्तविक लिख लो <coughs> हिंदी में जो भी लिखना चाहते हो वास्तविक लिख लेना हाँ वास्तविक ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं कैरिकेचर जानते हो कैरिकेचर व्यंग चित्र मतलब ऐसी आर्ट जो बहुत ही ऊट पटांग है जैसे मान लो आपसे किसी ने कहा कि तुम मेरा फोटो बना के दिखाओ आपका फोटो देखते देखते उसने ऐसे करके बना दिया अच्छा ऐसे करके ऐसे करके अच्छा ऐसे करके ऐसे करके बना दिया ठीक है ऐसे करके कुछ ऐसा बना दिया चूहा है वैसे असल में मैं लिख देता हूँ किसी को गलत फहमी ना हो जाए कुछ और समझ बैठे तो आपने कह दिया जैसे ही आपने किसी का चित्र बनाया और वहां पर आपको दिखा दिया गया कि भैया चूहे का फोटो बना दे सब लोग हंस जाएंगे क्योंकि उसने कैरिकेचर किया है व्यंग चित्र ग्रोटेस्क आप लिख सकते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट है विचित्र इसका मतलब होता है क्या मतलब होता है इसका हिंदी में इसका मतलब होता है विचित्र अजीब विचित्र लिख सकते हो अजीब लिख सकते हो अगर कोई ऐसी चीज है जो अजीब सी है बिल्कुल मतलब नॉर्मल नहीं है जैसे बर्लेस्क है मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है याद रखना अगर कोई चीज है अनयूजअल है जो चीज यूजअल नहीं होती है ठीक है उसको अनयूजअल यानी कि ग्रोटेस्क कहा जाता है और ट्रेबेस्टी है ट्रेबेस्टी है लेम्पून है अजीब सा अजीब सा है अगर कोई तो लेम्पून कहा जाता है उसको और पैरोडी है पैरोडी मतलब सबसे अलग जुदा ठीक है हाँ बर्लेस्कू है हाँ ठीक है बर्लेस्क पैराडी ट्रेवेस्टी है लेन है ग्रिटेस्क है एक और आता है विजारे ठीक है वो भी आपको आगे मिल जाएगा विजारे आप लिखना चाहो तो लिख लो ये भी मिल सकता है आपको ठीक है एक विजारे होता है इसका मतलब ही यही होता है विचित्र एकदम अजीब सा ठीक है एक होता है ट्रू ठीक है एक्चुअल ऑथेंटिक लेजिटिमेट मतलब लेजिटिमेट मतलब एकदम तार्किक बोल सकते हैं रीजनेबल बोल सकते हैं ठीक है आगे चलो हम्म लाउड का मतलब होता है जब हम किसी के बारे में कुछ अच्छा सोच रहे होते हैं किसी के लिए कुछ अच्छा बोल रहे होते हैं किसी की तारीफ कर रहे होते हैं प्रशंसा करना प्रेज सेलिब्रेट करना अक्लेम करना कमेंट करना एक्सटॉल मोस्ट इंपॉर्टेंट है वन टू थ्री ग्लोरीफाई करना किसी को ये तीन वर्ड तो आपके दिमाग में कान में आंख में सब जगह सेट होने चाहिए तुरंत देखते ही याद आ जाए शेम होता है किसी भी चीज पर एकदम शर्म करना कि यार तुम पे तो ये मान लो शर्म मतलब तुम तो हो, है बेसर्म कास्टिगेट करना कास्टिगेट जानते हो किसी को क्रिटिसाइज करना एक तरीके से कास्टिगेट होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो जो इंपॉर्टेंट है ना उनकी तरफ मैं थोड़ा सा आप लोगों को बता देता हूं जो इंपॉर्टेंट है उनके ऊपर मैं ये बॉक्स बना देता हूं देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट तो ये मान लो कि मैं आपको बता रहा हूं मैं आपसे दावा कर रहा हूं कि भाई साहब आपके एग्जाम में पूरी की पूरी वुकैबलरी यहीं से मिल जाएगी तो ऑब्वियसली मैंने बहुत सारा सिलेक्शन किया होगा बहुत सारी चीज़ों को फिल्टर किया होगा है ना तो उसमें भी अगर आप फिल्टर करना चाहोगे तो फिर और ज्यादा मामला गड़बड़ हो सकता है लेकिन उसके बावजूद भी जिन पे आप सबसे ज्यादा भरोसा कर सकते हैं वो भी वर्ड्स यहाँ पर देख लो डिक्राई है किसी के बारे में रो रो के बुराई करना डिक्राई मतलब बुराई करना क्रिटिसाइज करना डिस्पराग डिस्पराग मींस टू क्रिटिसाइज ठीक है भाई एक तो क्रिटिसाइज होता है जो कि वर्ब की तरह यूज किया जाता है क्रिटिसाइज होता है जो कि नाउन की तरह यूज किया जाता है नहीं चलो क्रिटिसाइज होता है वैसे पर इसको हटाई दो अभी फिलहाल क्रिटिसाइज नाउन भी होता है और वर्ब भी अभी फिलहाल इतना समझ लो क्रिटिसाइज किसी की आलोचना करना अरे ये बात समझ में आगे बढ़ते हैं एक होता है एम्युलेट। एम्युलेट का मतलब होता है किसी की कॉपी करना नकल करना ठीक है नकल करना जब आप किसी के जैसे चलते हो ना हाँ तो उसकी नकल करते हो किसी के जैसे चल के दिखा रहे हो तो उसको एम्युलेट कर रहे हो क्या कर रहे हो सिमुलेट करना एम्युलेट करना ये होता है कॉपी करना किसी को ठीक है किसी के जैसा करना जैसे इमिटेट मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है इमिटेट मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है इमिटेट तो एक्चुअल वर्ड में पूछा गया मतलब मेन वर्ड की तरह पूछा गया ठीक है हाँ इमिटेट जो है वो मेन वर्ड की तरह पूछा गया मिमिक करना मिमिक करना जब हम किसी की मिमिक्री करते तो मिमिक्री तो नाउन होता है और मिमिक करना ये वर्ब की तरह यूज किया जाता है ठीक है कॉपी करना फॉलो करना रिप्रोड्यूस करना किसी ने कुछ बनाया चाइना क्या करता है लोगों को कॉपी करता है और पैसे वाला है आज के टाइम पे अमेरिका में इंडिया में लोग या तो इंडिया में बिल्कुल लोग होंगे जो कुछ नहीं करते हैं या फिर कुछ ऐसे करते हैं कि इन्वेंशन कर जाते हैं कुछ लोग ऐसे होंगे जो इन्वेंशन कर रहे हैं कुछ लोग कुछ नहीं कर रहे हैं बैठे हैं चुपचाप आराम से चाइना के लोग सिर्फ वेट कर रहे होते हैं कि कोई कुछ नया बनाए तो सही मार्केट तो हमारे पास है प्रोडक्शन तो हम ही करेंगे आप क्या करोगे तैयार करो बस वो व्यक्ति तैयार करता है वो उसकी कॉपी इतनी सारी बना देता है कि उसकी मार्केट ठप हो जाती है सामने वाले की उसको ऑर्डर देने पड़ते कि भाई मेरा भी बना दे तो खोज किसी और की है बनाता चाइना है और बेचा इंडिया में जाता है सबसे ज्यादा ठीक है अमेरिका खोज करता है चाइना बनाता है इंडिया कंज्यूम कर जाता है हाँ नेग्लेक्ट होता है किसी भी चीज को नेग्लेक्ट कर देना अरे जाने दो हमारे इंडिया के लोग या तो अच्छी रिसर्च कर देते हैं कोई कोई ऐसा व्यक्ति निकल के आएगा जो ऊट पटांग सी चीजें बना जाएगा दुनिया में होगी नहीं कुछ लोग ऐसे होते हैं दुनिया करती रहे हमें कोई मतलब नहीं है ठीक है तो वो चीजों को नेग्लेक्ट कर देते हैं ठीक है स्पर्न करना और डिसरिगार्ड कर देना कंडेम्ड करना मतलब होता है क्रिटिसाइज एक तरीके से बोल सकते हो डाइवेस्ट कर देना किसी भी चीज को ऐसे ही बोल के निकल जाना इमिटेट सेम वर्ड है देखो इमिटेट मैंने यहां पर लिखा था अभी यहां पर आ गया मेन वर्ड में पहले सबिनेट वर्ड था मेन वर्ड हो गया तो इमिटेट मीन्स होता है नकल करना कॉपी करना वर्ब की तरह यूज किया जाएगा ये भी

तो मैं गोरा बनकर दिखाऊंगा तो वो वो अपने एक्स्ट्रा टेंड्रम करेगा करेगा अगर कोई व्यक्ति लंबा है तो वो अपनी लंबाई बढ़ाने के लिए तीन पांच या कुछ ना कुछ करेगा कुछ लोग न्यूट्रल रहते हैं नेचुरल जैसे वो है ऑप्शन जानते हो क्या होता है एक इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट वर्ड है ऑप्शन का मतलब होता है कि ऐसा व्यक्ति जो बा, बिल्कुल बाहिया होता है बिल्कुल आ, एक तरीके से अश्लील होता है डर्टी ठीक है जो एकदम अश्लील बातें करेगा indecent बोलते हैं ऐसे लोगों को lewd हो गया lustful हो गया smirty हो गया filthy हो गया nasty जरूर लिख लेना इसमें ठीक है nasty है vulgar है vulgar भी लिख लेना एक gross होता है ठीक है एज a noun यूज किया जाएगा सॉरी एडजेक्टिव एक होता है pure अगर कोई व्यक्ति प्योर है एकदम ईमानदार है डिसेंट है क्लीन है ब्यूटीफुल है है ना वर्जिन है मतलब एकदम साफ सुथरा सही आदमी है जेन्युन आदमी है वो उसमें कोई फॉल्ट नहीं है ठीक है आगे चलो नेक्स्ट देखोगे आपको दिखाई देगा एक और वर्ड है फिक्सिशस जो अभी आप पढ़ के आए हो इमेजनरी के सिनोनिम में आपने पढ़ा होगा इमेजिनरी के इंग्लिश मीनिंग में देखा होगा आपने फिक्सीस ठीक है हाँ, इसका मतलब होता है इमेजनरी यानी कि काल्पनिक अगर कोई ऐसी चीज है जो झूठी है फॉल्स बोल सकते हैं इमेजनरी शैम बोल सकते हो फॉल्स फैंसीफुलसीफुल फैंसी भी बोल सकते हो अनरियल भी बोल सकते हो ठीक है ट्रू हो गया रियल हो गया जेन्युइन हो गया एक्चुअल देखो जेन्युइन वर्ड पूछा गया इस बार है ना जेन्युइन पूछा गया ऐसे ऐसी सीपीओ में मतलब ऐसे ऐसे वर्ड्स पूछे गए तो हो सकता है एनी में से आपका कोई ना कोई सिनोनिम या एंटोनिम एसएससी सीजल में पूछ ले ठीक है आगे देखो फ्रेगरेंस जानते हो क्या होता है अच्छी खुशबू होती है, है, है। जब किसी से बढ़िया खुशबू आती है जिससे हम अट्रैक्ट होते हैं उसको फ्रेगरेंस कहते हैं जब बदबू आती है उसे दूर भागते हैं उसको स्टिंक कहा जाता है स्टिंच कहा जाता है स्टिंक हो गया स्टेंच हो गया और रेंसिडिटी रेंसिडिटी अरे बाप रे कितनी बदबू आ रही है स्टैंक होता है स्टैंक हो गया ये सारे के सारे सिमिलर साउंड वाले वर्ड्स हैं स्टैंक रेंसिडिटी स्टैंच स्टैंच स्टैंक स्टैंक स्टैंच स्टिंक स्टिंक तो कॉमन वर्ड है एरोमा एरो एरोमेटिक एरोमा खुशबू होती है एज ए नाउन इसको यूज करोगे ठीक है हा प्लेजेंट स्मेल केवल स्मेल बोलोगे तो बदबू हो जाएगी गंदी बदबू को स्मैल स्टेंच या स्टेंक या स्टेंच कहा जाता है रानसिडिटी बट एरोमा जो होता है फ्रेग्रेंस जो होती है ये अच्छी खुशबू होती है परफ्यूम सेंट स्मेल ऑर्डर ऑर्डर तो जानते हैं अच्छा दो तरह से ऑर्डर लिखते हो आप एक ऑर्डर ये होता है एक ऑर्डर ये होता है एक फेवर ये होता है एक फेवर ये होता है देखो भाई एक जरूरी कॉल था इसीलिए मैंने उठा लिया बाकी मैं कॉल रिसीव नहीं करता ठीक है भाई चलो तो अभी हम लोग मैं बताने वाला था कि जहां पर ओ और ओ यू लिखा होता है जैसे फेवर है, फेवर है 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 नेवर नेवर सब में ऐसे ही लगा होता है तो ये अमेरिकन फॉन्ट होते हैं याद रखना और ये आपके ब्रिटिश फॉन्ट होते हैं गलत दोनों में से कोई नहीं होता है लेकिन हमारी जो लैंग्वेज होती है हम जो इंग्लिश पढ़ते हैं वो नीचे वाली पढ़ते हैं ब्रिटिश वाली तो हमेशा ओ यू आर वाले जितने भी वर्ड्स होंगे ना उन्हीं को आपको प्रेफर करना है ठीक है हाँ तो ऑर्डर मतलब खुशबू होती है जो आप बाथरूम में एक आता है ऑर्डर नाम से कंपनी का नाम ही उन्होंने ऑर्डर रख दिया है ठीक है ऑर्डर मतलब होता है अच्छी खुशबू तो बाथरूम में लगा देते हैं वॉशरूम वगैरह स्टिंक होता है स्टेंज आपको समझ में आगे आगे बढ़ते हैं कैजोल का मतलब होता है चापलूसी करना किसी की चापलूसी करना किसी की खुशामद करना वर्ब की तरह यूज किया जाता है फ्लैटर इसका मोस्ट सिमिलर मीनिंग होता है जो सबसे ज्यादा बार पूछा गया और यूज भी किया जाता है तो देखना मेरे भाई कैजोल जो वर्ड है ना कैजोल को आप याद भी कर सकते हो ट्रिक से ज्यादातर लोगों को याद होता है वैसे ऑलरेडी कैजोल को आप काजोल से याद कर सकते हो कि अजय देवगन भैया जो हैं वो काजोल भाभी की चापलूसी करते हैं तो कैजोल मीन्स होता है टू फ्लैटर फ्लैटर मतलब खुशामद करना प्यारी प्यारी बातें करना फुसलाना किसी को ठीक है कॉक्स हो गया पर हो गया परसुएड मतलब होता है किसी को राजी करना ठीक है किसी को मनाना राजी करना किसी को मनाना खुशामद करना अच्छी अच्छी बातें करना जब कुरूठ जाता है ना तो विडल किया जाता है मोस्ट इंपॉर्टेंट एकदम क्रीम दे रहा हूं मैं आपको मैं सच बता रहा हूं इतना मैं आपसे वादा कर सकता हूं कि एकदम क्रीम दे रहा हूं ये जितने भी वर्ड्स है ना ये क्रीम है मतलब एक लीटर दूध में थोड़ी सी क्रीम निकलती है क्रीम जानते हो ऊपर ऊपर का एकदम और उसी की वैल्यू होती है सबसे ज्यादा तो वही चीज है बिल्कुल भी शॉर्ट मत करना जितना भी शॉर्ट करना था मैंने कर दिया कॉक्स होता है कॉक्स भी होता है ठीक है विडल और एक होता है इनविगल इनविगल भी होता है लियोर भी होता है लियोर मतलब होता है किसी को फुसलाना लियोर फ्लैटर एक होता है किसी को फोर्स करना कि चल रहा है कि नहीं चल रहा है एक तो होते हैं अजय देवगन और काजुल वाला प्यार कुछ होता है गांव देहात में हम जैसे लोगों का प्यार है ना वहां ना तो किसी की चापलूसी करने की जरूरत है डंडा उठाया सीधे सीधे आगे आगे चलते हैं लोग ठीक तो तो करना, 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 आगे आगे दो तरह के बच्चे होते हैं डिस्क्रिमिनेट करना किसी का किसी के बीच में डिस्टिंगाइज कर रहे हैं मैंने कहा भाई तुम नीचे बैठोगे तुम ऊपर बैठोगे तुम्हें मटर पनीर मिलेगा तुम्हें आलू टमाटर की सब्जी मिलेगी मीन्स आप कह सकते हो कि हम लोगों के बीच में भेदभाव किया जा रहा है तो डिस्क्रिमिनेट करना डिस्टिंगाइज करना ये होता है क्या भेदभाव करना आ रही है बात समझ में कि नहीं बताओ भाई बातें समझ में आ रही हैं कि नहीं भेदभाव करना होता है अच्छा कुछ लोग होते हैं जो एक दूसरे से सिमिलर रहते हैं मतलब मिलजुल करके रहते हैं ठीक है मिलजुल करके रहते हैं हाँ भेदभाव तो जैसे सेपरेट कर देना ठीक है भाई चलो सेपरेट डिफ्रेंसिएट डिशन और एक होता है सैग्रीजेट करना सेग्रीएट करना देखो बहुत बढ़िया यूनिट करना किसी को कंफ्यूज करना कंफ्यूज नहीं है ये कंफ्यूज है वो वाला कंफ्यूज नहीं है ठीक है हाँ डिस्क्रिमिनेट की जगह आप अगर आप इनडिस्क्रिमिनेट कर देते हो किसी को मेल जोल करके मिलाना मिंगल एक होता है सिंगल एक होता है मिंगल सिंगल में आप अकेले हो मिंगल में आप डबल हो जाते हो ज्वाइन करना जोड़ देना ठीक है आगे देखो इंटीग्रेशन देखो इंटीग्रेशन जो वर्ड है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आप इसलिए बोल सकते हैं क्योंकि इससे जो इंटीग्रेशन है ये आपका नाउन होता है ऐसा ही एक वर्ड होता है इंटीग्रिटी इंटीग्रिटी का मतलब भी क्या होता है यूनिटी या फिर बोल सकते हैं अखंडता ठीक है अखंडता मतलब डिटर्मिनेशन जो होता है ना डिटर्मिनेशन इसको बोला जाता है ये आपका एसएससी सीपीओ में पूछा गया है एस एस सी सीपीओ दो हजार सबसे अच्छे लेवल की इंग्लिश पूछी जाती है सीपीओ में और सीजीएल में दोनों में ठीक है और स्टेनोग्राफर में भी सौ नंबर की इंग्लिश आती है तो आप समझ सकते हैं तो इंटीग्रिटी पूछा गया है इंटीग्रेशन जो होता है ये भी क्या होता है एकता मतलब सब लोग मिलजुल करके एक जैसे एक, एक मत रहते हैं एक मत होके रहते हैं इंक्लूजन हो गया यूनियन कंसोलिडेशन होता है इनकॉर्पोरेशन होता है सब लोग एक साथ रहते हैं मिलजुल करके फिर आ जाता है सैग्रीजेशन सैग्रीजेशन मतलब होता है आइसोलेशन सैग्रीशन ठीक है Division बोल सकते हो Division, हो आइसोलेशन ये जाते हैं ठीक है आगे बढ़ो लाइबिलिटी जानते हो क्या होता है जब हम किसी भी व्यक्ति के लिए या किसी चीज के लिए किसी भी काम के लिए जब हम उत्तरदायी होते हैं कि भाई साहब अगर किसी भी चीज में कोई भी गड़बड़ी आई तो ये व्यक्ति इसका हकदार है इसके ऊपर इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जा रही है अगर इसमें कुछ भी गड़बड़ होती है भाई साहब तेरे ऊपर आएगी बात मतलब तुमने इसका ध्यान क्यों नहीं रखा हाँ obligation जानते obligation मतलब होता है, तो बोल सकते हैं बर्डन हो गया ड्यूटी हो गया अकाउंटेबिलिटी हो गया asset जानते हो अट क्या होता है असेट होता है विशेष अधिकार है ना प्रिविलेज है एग्जाम है एडवांटेज है जैसे मान लो कि अगर प्रधानमंत्री जी हैं तो प्रधानमंत्री एक व्यक्ति हैं एक आदमी है सिंगल पर्सन बट उनके पीछे कितने लोगों की टीम होती है उनके हर एक फंक्शन में उनकी सिक्योरिटी में हर एक चीज में बहुत सारे लोगों की टीम होती है सीज होता है देखो में में रूट मतलब एकदम कोर वर्ड वर्ड की तरह ये पूछा गया 2022 में, सारे के सारे वर्ड्स ठीक है हाँ सीपीओ दो हजार बाईस जो अभी नवंबर में हुआ था अभी कुछ दिन पहले तो उसमें ये सीज वर्ड भी पूछा गया सीज हो गया स्टॉप मीन्स किसी को रोकना किसी को बाधित करना हाल्ट टर्मिनेट करना क्वाइट क्वाइट quit, नहीं है यार ये दो दो बार लिख गया है तो इसमें क्विट करना है ठीक है एंड फिनिश कंटिन्यू प्रोसीड करना कॉमेंट करना किसी भी चीज की शुरुआत करना देखो कॉमेंट्स का मतलब होता है प्रारंभ करना क्या करना प्रारंभ करना समझ पा रहे हो इसका हाँ, मीनिंग हो जाएगा आगे बढ़िएगा ऑप्शन का मतलब अभी अभी हम लोग पढ़ के आए हैं डर्टी ल्यूड फिल्तीस स्मटी ये अश्लील व्यक्ति होता है ठीक है एक होता है मर्सी मर्सी तो जानते हो मर्सी मर्सी सॉन्ग आया है 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 मतलब होता है, दया ठीक भाई हैं सैनी सुशील जी है, स्याम है, चाहत है, आर्यन राज वेरी गुड क्लियर चलो आगे बढ़ते तुम्हारे तैतीस नंबर नहीं हो पा रहे हैं, मैं एक नंबर अपनी तरफ से दे देता हूँ ये ग्रेस लिख दूंगा नीचे तो ग्रेस दे दिया पहले मिलता था फॉरगिवनेस ठीक है ग्रेस बोल सकते हैं क्लेमेंसी भी होता है क्लेमेंसी बोलते हैं कि भैया इसको क्लेमेंसी दे दी इसने है ना मतलब किसी व्यक्ति के अंदर किसी के लिए क्लेमेंसी है मतलब निर्दयिता हाँ निष्ठुरता कठोरता लिख सकते हो अगर कोई व्यक्ति है किसी पर रहम नहीं कर रहा दो रुपए के पीछे किसी को जेल में डाल दिया मतलब बहुत ज्यादा क्रुएलिटी है क्रुएलिटी हो गया harshness हो गया और वेंजियंस हो गया एट्रोसिटी देखो मैंने अभी अभी आपको पढ़ाया था ना एट्रोसिटी आ गया यहाँ पर एट्रोसिटी मतलब होता है उपद्रव, वायलेंस ठीक है वायलेंस समझ लेना है? अभी आगे आएगा सब कुछ नेक्स्ट देखो एक्वाइंट क्या होता है एक्वाइंट का मतलब होता है परिचय करना जब आप किसी भी व्यक्ति को किसी चीज को इंट्रोड्यूस कराते हो किसी के सामने तो इसको कहा जाता है टू तो इंट्रोड्यूस और क्लियर इंट हाँ, मतलब होता है टू इंट्रोड्यूस इंफॉर्म करना अप्राइज करना किसी भी चीज को इंट्रोड्यूस करना फेमिलियराइज करना मैंने कहा इस वर्ड को आपको पढ़ना है देखो आपके सामने एक इंपॉर्टेंट वर्ड है ठीक है रियाल हाँ तो ये एक इंपॉर्टेंट वर्ड मैंने आपके सामने रख दिया तो मैंने इस वर्ड को आपके सामने इंट्रोड्यूस करा दिया फिर फेमिलियराइज करा दिया आपको इस वर्ड से फेमिलियराइज करा दिया अजमत परवीन समझ पा रहे मेरी बातें हैं कंसील होता है किसी भी चीज को छिपाना कंसील का मतलब होता है छिपाना डिसी मतलब होता है धोखा देना ठीक है ये होता है धोखा देना इसको छिपा देना <laughs> छिपाना ठीक है भाई हाइड करना मिसलीड करना एक होता है विद होल्ड मतलब किसी चीज को छिपा करके जैसे आपसे कहा गया कि भाई साहब मेरे पास पैसे नहीं है आपने किसी से दो सौ रुपए मांगे उसने बोला कि नहीं मेरे पास पैसे नहीं है क्यों नहीं है भाई क्योंकि उसने पैसे छिपा रखे हैं ऐसा नहीं है कि उसके पास पैसे नहीं छिपा लिए हैं अगर कुल कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जेन्युन होते हैं कुछ लोग होते हैं फेक अगर कोई व्यक्ति जेन्युन है तो आप बोल सकते हैं कि ये बंदा एकदम असली है ये वर्ड भी पूछा गया सीपीओ में जेन्य हो गया रियल हो गया ठीक है रियल ट्रू हो जाएगा एक्चुअल हो जाएगा ऑनेस्ट मतलब असली एडजेक्टिव की तरह यूज किया जाता है ऑथेंटिक है है सिंसियर कुछ होते हैं हाइपोक्रिटिकल हाइपोक्रिटिकल मतलब ये व्यक्ति तो बहुत ही हाइपोक्रिटिकल है दूर रहना इस व्यक्ति से ठीक है फेक hmm. हो गया अनरियल हो गया अनरियल काउंटर फीट अनरियल काउंटर फीट काउंटर फीट जानते ना धोखेबाज धोखेबाज बेक, बिल्कुल धोखेबाज है हाँ, अब इसमें से कौन सा वर्ड पूछा गया था पता है ना जेन्युइन वर्ड पूछा गया था। आगे चलो नेक्स्ट है, चेंज चेंज टू नाजेंज होता है किसी भी चीज को बदलना आपको पता है कॉमन वर्ड है सबको पता है बट मुझे इस चीज को नहीं सिखाना है मुझे सिखाना है मॉडिफाई जैसा वर्ड है अमेंड देखो अमेंड अमेंडमेंट तो सुना होगा अपने कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट मतलब हमारे संविधान संशोधन तो संविधान संशोधन जानते हो अमेंड मतलब किसी चीज में संशोधन करना किसी चीज में इंप्रूवमेंट करना एक होता है रिमेन रिमेन मतलब किसी भी चीज को बचा के रखना स्टे जैसा है वैसा ही रखना परसिस्ट जैसा है वैसा ही चलना ठीक है परसिस्ट का मतलब होता है जैसा है वैसा ठीक है लगातार लगातार जिसको कहा जाता है एग्रीमेंट जानते हो एग्रीमेंट होता है किसी भी चीज के बीच में स्टैंडर करना मतलब किसी भी चीज का स्टैंडर्ड जो है सेट कर रहे हो तो उसको स्टैंडर्डाइज कहा जाता है है ना आगे चलते हैं नेक्स्ट एडवर्स जानते हो विपरीत मतलब उल्टा जैसे मेरी इस समय जो परिस्थितियां हैं हैं वो बिल्कुल विपरीत है, उल्टी हैं तो आप कह सकते हैं कि मेरा जो समय है वो एकदम एडवर्स चल रहा है विपरीत समय चल रहा है अनफेवरेबल जो चीज बिल्कुल ऑपोजिट होती है उसको अनफेवरेबल या फिर एडवर्स कहा जाता है ठीक है हाँ एवर्स मीन्स होता है टू डिसलाइक समथिंग और सममन एवर्स और एडवर्स मतलब होता है किसी भी चीज के बिल्कुल अपोजिट ठीक है जैसे नेगेटिव है मैंने कहा भाई साहब मेरे जो ऑर्डर्स हैं वो अगर ग्रांट है मतलब मैंने आपको बोल दिया यस yes, ओके okay है तो ग्रांट होता है एक होता है नेगेटिव मतलब नेगेटिव ऑर्डर आए मतलब मना कर दिया अनफेवरेबल हार्मफुल है डेट्रीमेंटल होता है खतरनाक एडवर्सली एडवर्सली मतलब इसका एडवर्ब फॉर्म बना दिया है फॉर्चुनेट है, है, uh, है, है ये कई बार पूछा गया है एनोडियन एडवांटेजियस है ठीक है एनोडियन मतलब होता है लाभदायक लाभदायक अगर कोई ऐसी चीज है जिससे आपको फायदा होता है ऐसी चीजों को एनोडियन कहा जाता है फॉर्चुनेट या एडवांटेजियस कहा जाता है क्लियर चलिए आर्यन राज के एम उषा राजपूत निशा द बेस्ट डावेल और रिचा गुप्ता शबाश अब आगे बढ़ते हैं डिजास्टर डिजास्टर एक ऐसा शब्द है आप लोगों ने कई बार पढ़ा होगा नेचुरल डिजास्टर मतलब बिल्कुल नेचुरल डिजास्टर मतलब ऐसी आपदा जो नेचुरल है अपने आप आ जाती है जैसे बाढ़ आ गई सूखा पड़ गया ये सब नेचुरल डिजास्टर है मिस फॉर्चून मतलब दुर्भाग्य बोल सकते हैं कैलामिटी कैलामिटी हो गया मोस्ट इंपॉर्टेंट है ठीक है और एक होता है ट्रेजडी ट्रेजिडी जानते हो ना एक ऐसी ट्रेजडी हुई मेरे जीवन में कैटास्ट्रॉफ तबाही बोल सकते हो कैटास्ट्रॉफ मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है ऐसा वर्ड अभी आगे आएगा ठीक है तबाही ये मेन वर्ड में पूछा जाएगा है ना एक्सीडेंट कोई ऐसी चीज है कोई ऐसी घटना है जो अप्रिय घटना होती है उसको एक्सीडेंट कहा जाता है ठीक है मेरे दोस्त चलो मेरा होता है बोलते हैं कि यार क्या हो गया चमत्कार हो गया मेरा मतलब चमत्कार हो गया ट्रूम अचीवमेंट ब्लैसिंग्स आगे बढ़ो टेम्पेस्ट जानते हो क्या होता है तूफान एकदम स्ट्रम स्ट्रॉम मतलब तेज हवा तूफान बवंडर जिसको कहते हैं नाउन की तरह यूज किया जाएगा टेम्पेस्ट मतलब होता है तेज हवाओं का एक बवंडर जो होता है ना उसको कहा जाता है आ, हुरीकेन, हुरीकेन होता है एक ब्लेजार्ड होता है एक गेल होता है थर्ंडर स्ट्रॉम होता है ठीक है ये स्टॉम के सिनोनिम्स हैं कुछ स्टॉम के सिनोनिम्स हैं एक है, गेल है आपका थंडर स्टॉम है ठीक है ये आपके क्या है मेरे भाई ये सारे के सारे स्टॉम के या फिर टेम्पेस्ट के क्या है सिनोनिम्स हैं ठीक है सेरेनिटी मतलब होता है शांति सेरेनिटी मतलब होता है शांति कामनेस कंपोज़ फीबल फीबल मतलब कमजोर होता है फीबल का मतलब होता है कमजोर फीबल होता है कमजोर क्लियर है इतना सभी को समझ में आ गया यहां तक कोई दिक्कत आगे बढ़ते हैं डिलीजेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट इनमें से कौन सा वर्ड पूछा गया देखो एजिड वर्स जो वर्ड है ना वर्ड एस एस सी सीपीओ में पूछा गया कि भैया बताओ एज एजीडस का एजीडअ का ये एस एस सी सीपीओ में पूछा गया सीपीओ 2022 सीपीओ 2022 जो अभी हुआ है चार पांच दिन पहले सारे के सारे वर्ड्स पूछे गए हैं एज एजीडवस का एंटरनेम पूछा गया तो है तो एज एजीडस मतलब होता है हार्ड वर्किंग मेहनती केयरफुल होता है मेहनती व्यक्ति है अगर कोई हद से ज्यादा मेहनत करता है जैसे ही आप कर रहे हो रात रात भर क्लास ले रहे हो मैं तो कर ही रहा हूं आप भी कर रहे हो मेरे साथ तो आप कैसे हो एजीडूअर्स हो डेलीगेंट हो डेलीजेंट हो हार्ड वर्किंग हो टायरलेस है थकता नहीं आदमी इंडस्ट्रियस है आप इसको इंडस्ट्री से याद कर सकते हो ऐसे लोग जो इंडस्ट्री में काम करते हैं उन लोगों को इंडस्ट्रियस कहा जाता है इंडस्ट्रियल मत लिख देना इंडस्ट्रियल जो होता है वो इंडस्ट्री से रिलेटेड होता है हाँ आगे बढ़ते हैं लेजी है नेग्लिजेंट है इनएक्टिव है और इनएक्टिव है इनअटेंटिव है इनअटेंटिव है क्लियर चलो फटाफट से आगे बढ़ेंगे रिस्ट्रिक्ट है रिस्ट्रिक्ट मतलब सीमित करना प्रोहिबिट रिस्ट्रिक्ट मतलब प्रोहिबिट करना किसी भी चीज को सीमित कर देना बंधित कर देना निषिद्ध कर देना ये होता है ठीक है लिमिट कर देना रिस्ट्रेन कर देना कन्फाइन कर्व रिड्यूस आपने घटा दिया किसी को भी किसी भी चीज को लिमिटेड कर दिया ठीक है सारे के सारे क्यों नहीं आएंगे यूपीपीसीएल ये कॉमन वर्ड्स हैं ये जनरल कंपटीशन के लिए कॉमन वर्ड्स हैं इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एसएससी एस सी डिफेंस एग्जामिनेशन स्टेट एग्जामिनेशन या फिर बैंकिंग एग्जामिनेशन दीज आर दी वर्ड्स विच कैन बी यूज और आस्कड इन द डिफरेंट डिफरेंट कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन जैसे कि अभी मान लो कैटेगरी होती है एग्जामिनेशन की जैसे यूपीएससी कंडक्ट कराएगा तो यूपीएससी वाला अलग जो है कमीशन है ठीक है यूपीएससी वाले एग्जाम में से कुछ एग्जाम इधर आ जाते हैं हमारे जनरल कंपटीशन में जनरल कंपटीशन में सारे के सारे फ्रिक्वेंट वर्ड्स होते हैं सिमिलर वर्ड्स पूछे जाते हैं ठीक है एक्सपेंड वाइडन किसी भी चीज को चौड़ा करना ठीक है बड़ा करना है ना आपने अगर किसी चीज की लिमिट बढ़ा दी है तो वाइड कर दिया लार्ज मतलब बड़ा करना फैलाना ठीक है एक होता है एंटीसिपेट करना उम्मीद करना एक्सपेक्ट करते हो अगर किसी चीज से तो आप कहोगे कि भैया मैं इस चीज से ये एक्सपेक्ट करता हूं ये उम्मीद करता हूं तो आप कह सकते हैं एंटीसिपेट उम्मीद करना प्रिडिक्ट करना पहले से ही आपने किसी चीज की उम्मीद कर रखी है अनुमान लगा लिया कि ऐसा होने वाला है मेरे इतने नंबर आने वाले हैं ठीक है थीके? हाँ अनएक्सपेक्टेड होता है ऐसी चीजें जिनसे आपने उम्मीदें नहीं करी हैं फिर भी वो काम हो जाता है अनफोरसीन अनफोरसीन मतलब आपने पहले ऐसा कुछ सोचा नहीं था मेरा ऐसा कोई सीन नहीं है ऐसे करके बोल देते हो। हो गया, खुशियां डालने वाला है ठीक है ये होता है देखो एक साहब कह रहे हैं सर आप वन वर्ड और ईडीएम भी करा दो करा चुका हूं इनकम टैक्स ऑफिसर जाकर के आप चैनल विजिट करना दो दिन पहले ही मास्टर क्लास कराइए आठ सौ एंड फ्रेजेस की एक क्लास मिल जाएगी आपको एट हंड्रेड प्लस इन टू फोर्टी प्लस इन वन वीडियो विडियो ट्वेंटी ग्रामेटिकल रूल्स पूरा का पूरा तो सिलेबस आपका क्लासेस से कंप्लीट करा दिया मैंने और क्या चाहिए है? जो कुछ भी आपके एग्जाम में पूछा जाएगा वो सारी की सारी मास्टर क्लासेस चैनल पे अवेलेबल है भाई अनएक्सपेक्टेड हो गया चलो आगे चलते हैं अबंडेंट होता है किसी भी चीज की प्रचुर मात्रा होना मैंने कहा मेरे पास कितना पैसा है अबंडेंट पैसा है मतलब जितना चाहिए उतना है ठीक है प्लेंटीफुल प्लेंटीफुल प्रचुर मात्रा में एम्पल कॉपियस रिच साउंड फर्म मोस्ट इंपॉर्टेंट कितने सारे वर्ड एक तो ये एक ये एक ये और एक ये चार तो ऐसे वर्ड हैं हद से ज्यादा हद से ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट ठीक है यू आर ब्लेसिंग फॉर अस थैंक यू मेरे दोस्त तो सीखो जैकी जेठा राम कैसे कैसे नाम लिखते थे तो ये चार वर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई ठीक है अब आ जाते हैं स्केयर स्केयर मतलब होता है किसी भी चीज की कमी स्कार्स जानते स्कार सिटी स्कार सिटी स्कार्स, स्कार्स कमी किसी चीज की एक होता है आपका रेयर लैकिंग इन सिग्नि अगर कोई चीज़ सफिशेंट है तो वो ऊपर वाले में लिखना इन है तो नीचे वाले में निगार्डली मतलब कंजूसी से कोई भी ऐसी चीज़ है जिसमें बहुत सारी चीज़ें कमजोर होती हैं कम होती हैं ठीक है भाई आगे चलो मेटिकलस होता है अति सावधान एक ऐसा व्यक्ति है जो किसी भी चीज को लेकर के बहुत ज्यादा क्या रहता है वेरी केयरफुल सभी लोग उस वर्ड को रिपीट क्यों नहीं करते यहां पर आपको जो मेटिकलस वर्ड दिखाई दे रहा है क्या ये आपको आता है क्या ये आपको नहीं पढ़ना क्या ये आपको याद नहीं करना क्या आप इसको एग्जाम में अगर आपको मिल गया तो आपको ये दुख नहीं होगा कि हम इस वर्ड को पढ़ के आए फिर भी हमें नहीं आ रहा कभी कभी आपको खुद पे डाउट होने लगता है ऐसा होता है कि नहीं होता है जब जब हम एग्जाम हॉल में बैठे होते हैं तो ऐसा ना करो मेरे दोस्त वर्ड दिखाई दे रहा है तो इसको रिपीट करो कमेंट बॉक्स में डालो टाइप करके बोलो खुद से भाई समझ गए हाँ मैटिकुलस होता है अति सावधान यानी कि मैथोडिकल अगर कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा केयरफुल है ठीक है और अटेंटिव है पंक्चिलियर पंक्चिलियस है पंक्चिलियस जो होता न, है ना पंक्चुअल वाला पंक्चिलियस है ठीक है प्रिसाइज है प्रीसाइज मतलब किसी भी चीज के प्रति बहुत ज्यादा केयरफुल होना हर वर्ड का ही मतलब बता रहा हूं यहां पर जो चार वर्ड है उनका तो सेम मीनिंग है जो नीचे वाले वर्ड्स से, है उनका सेम मीनिंग एक वर्ड होगा एक मीनिंग और इनका मैं अलग से बता ही देता हूं ऊपर वाले सारे के सारे वर्ड्स का मीनिंग सेम होता है जैसे यहां पर है ये जितने भी वर्ड्स हैं एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं तो सबका मीनिंग सेम होगा लगभग सेम होगा नीचे वाले वर्ड है जैसे स्लोपी है तो स्लोपी मतलब होता है आलसी तो मैंने नीचे वाले का अगर आलसी लिख दिया तो अब ये मान लो कि सबका मीनिंग लगभग लगभग ऐसा ही है ठीक है आलसी हो गया लेजी है मैसेव है है मैसिव है, मैसेव मैसी सॉरी मैसी मतलब जो हो रहा है होने दो ठीक है जो होना है होने दो आगे देखो क्वेस मतलब होता है अस, अमान्य घोषित करना मैंने कहा भाई साहब मुझे इसमें एंट्री चाहिए थी उसने कहा भाई कार्ड दिखाओ मैंने कार्ड दिखाया वो कार्ड वैलिड नहीं था तो वहां पर हम लोग बोलते हैं क्या वहां पर बोलते हैं कि भैया ये कार्ड तुम्हारा चलने वाला नहीं है क्यों क्योंकि ये इनवैलिड है अगर कोई चीज इनवैलिड होती है तो उसको क्वैश कहा जाता है क्वैश ठीक है अब ये घोषित करना ये वर्ब की तरह यूज करोगे तो किसी को इनवैलिड घोषित कर दिया आपने किसी को कह दिया भाई साहब ये आपके जो है मतलब ये वाली चीज यहां पर नहीं चलने वाली तो क्वैस मीन्स होता है टू कैंसिल एनल मतलब किसी को रद्द कर देना है ना सप्रेस कर देना रिवर्स कर देना नलीफाई कर देना रद्द कर देना कैंसिल आउट कर देना ये सारे के सारे मीनिंग सेम होते हैं असाम अमान्य घोषित करना ठीक है रद्द कर देना इनवैलिड कर देना एक होता है क्रिएट मतलब किसी भी चीज़ को बनाना तैयार करना क्रिएट मतलब होता है तैयार करना एक होता है जब आप कहीं पर जा रहे होते हैं आपने कहा भैया दो समोसे देना उसने कहा भाई खत्म हो गए अब समोसे नहीं मिलेंगे तो आपको क्या कर दिया कर दिया मना कर दिया आपसे वहीं पर उन्होंने कहा भाई साहब दो मिनट रुको बस अभी तैयार करता हूं उसने थोड़ी देर में ही समोसे बना के आपको खिला दिया मतलब उसने क्या कर दिया क्रिएट कर दिया उसने वैलिडेट कर दिया चीजों को स्टैब्लिश कर दिया मेक कर दिया रीबिल्ड कर दिया दोबारा से चीजों को बना देना सबका मीनिंग सेम है आगे बढ़ जाओ नेक्स्ट है आपका पिटी पिटी मतलब अभी अभी हम लोग पढ़ के आए ना मर्सी मर्सी दया पिटी ये सब हो जाएगा मीनिंग इसका कंपैशन सॉरी कंपैशन कंपैशन जानते हो पैशन जानते हो कंपैशन पैशन पैशन मतलब पैशन पैशन मतलब तो अपना पैशन होता है ठीक है और कंपैशन होता है मर्सी दया कंपैशनेट जानते हो हाँ सिंपैथी होता है सिंपैथी दया काइंडनेस होता है किसी की अच्छाई बोलते हैं काइंडनेस क्रुअलिटी होती है निष्ठुरता ठीक है निर्दयता कठोरता स्कॉर्न डांट फटकार हर्टलेसनेस बोलते हैं इसके अंदर तो कोई दिल ही नहीं है निर्दयी व्यक्ति है हार्सनेस है कठोरता मोटिव होता है किसी का इरादा है मेरा ये इरादा नहीं है ये मेरा मोटिव नहीं है मेरा ये इंटेंशन नहीं है मेरे गलत इंटेंशंस नहीं है ऐसे करके बोल देते हैं तो मोटिव मींस होता है इंटेंशन यानी कि इरादा किसी भी चीज को लेकर के अगर आपका कोई इरादा है तो मुझे बताना रीजन मेरा वो कारण नहीं था मेरा वो मतलब नहीं था मैं उस लिए इस काम को नहीं कर रहा था कॉज किसी भी वजह वजह मैंने कहा कि किस वजह से आप इस काम को कर रहे हो मैंने कहा मेरी माँ बीमार थी तब मैंने चोरी करी वरना मेरा कोई इंटेंशन नहीं था तो किस वजह से रीजन कॉज ग्राउंड रेशनल रेशनल होता है, है ठीक है एक होता है डिस्करेजमेंट डिस्करेजमेंट क्या होता है जैसे मान लो किसी का साहस की बात करें तो असाहस है, जिसको कहते हैं ना दुस्साहस हाँ, उसको कहा जाता है दुस्ाहस एक होता है, डिटरेंस, डिटरेंस है इफेक्ट है ठीक है दुस्साहस बोल सकते हो ठीक है है ये होता है, प्रभाव हैेज हो, हो, हो गया चलो आगे चलते हैं फ्रूगल जानते हो बहुत प्यारा सा शब्द है इंपॉर्टेंट वर्ड है आप इसको इंपॉर्टेंट टिक करोगे फ्रूगल मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जो इकोनॉमिकल है मतलब कम खर्चा करता है कम खर्चा करने वाला इकोनॉमिकल थ्रिप्टी है प्रूडेंट है prudent है, provident, uh, provident है, provident है, है, है ठीक है? लविस होता खर्चीला, खर्चीला, बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा वेगेंट वर्ड पूछा गया सीपीओ में ठीक है ये CPU में पूछा गया है, अब ये मैं इसलिए लेकर रहा हूं क्योंकि मैंने कल परसों ही सीपीओ का एनालिसिस दिया था अगर आप लोग ये सोच जाते हो कि सर अगर आप ये सोच जाते हो कि सर बार बार आप ये सी का नाम क्यों ले रहे हो क्या ये सिर्फ सी में ही पूछे जाते हैं नहीं मेरे दोस्त ये सी में अकेले सी में नहीं पूछे जाते मैं आपको बार बार इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि सी और स्टेनोग्राफर में जितनी भी वोकेबलरी पूछी गई थी मैंने इसका कुछ ही दिन पहले एनालिसिस किया था और एनालिसिस में जो जो वर्ड पूछे गए हैं वो मुझे याद है अभी अभी एक्स्ट्रावेगेंट hmm. है वेस्टफुल है प्रोडिगल है प्रोडिगल पूछा गया था वहां पे ठीक है प्रोडिगल मेन वर्ड की तरह पूछा गया था और उसके ऑप्शन में एक्स्ट्रावेगेंट था सिनोनिम की तरह पूछा गया जो कि यहां पर लिखा हुआ है ठीक है ये खर्चीला होते हैं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है याद रखना वेस्टफुल ऐसी कोई चीज या ऐसा कोई व्यक्ति जो आपका पैसा खर्च करवा देता है उसको एक्स्ट्रावेगेंट या लवि कहा जाता है Irresolute. Irresolute क्या होता है, होता है अनिश्चित कोई ऐसी मुस्कुराते हो अच्छा मैंने कहा बहुत मुस्कुराते हो मैंने कहा इसको भी नजर लगा दो तुम्हें पचरी नहीं रही है क्या भाई तुम्हें खुशी पसंद नहीं आ रही हमारी मुस्कुरा रहे हैं तब भी तुम्हें दिक्कत हो रही हो लेकिन कोई बात नहीं आपने सही कहा

क्या होता है लचीला लचीला मतलब एक जगह पर टिकने वाला नहीं है इधर से उधर मतलब फ्लेक्सिबल अनसर्टेन और एक होता है मतलब भागने वाला परखी बोल सकते फुर्तीला हाँ हाँ हंड्रेड परसेंट रेलिवेंट है देखो बच्चे यहां पर खुद ही कह देते हैं मेरे भाई ऐसे यहां पर स्टबोन मतलब कौन होता है स्टबोन मतलब होता है जिद्दी अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जो जिद्दी है एक ही जगह पर टिका हुआ है तो उसको कहा जाता है 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 ये व्यक्ति है, कैसा है हटी है ठीक है जिद्दी है कोई ऐसी चीज है जो एकदम अनयिल्डिंग है जिसको हिलाना ठीक है चेंज करना कोई भी पॉसिबल है ही नहीं है अनयिल्डिंग है मतलब वो फॉर्म है हिल नहीं सकती एक जगह पर अगर टिक गई तो वहां से हटने वाली नहीं है हाँ फॉर्म ठीक है डिटरमाइंड फॉर्म है डिटरमाइंड है कोई भी चीज निश्चित नहीं है फिक्स है ऐसे करके स्टबॉन अनयिल्डिंग फॉर्म डिटरमाइंड क्लियर चलिए बहुत बढ़िया सर आपने जॉब नहीं ली हमारी मर्जी नहीं ली जॉब क्या करें ट्रिमेंडस क्या होता है ट्रिमेंडस जो होता है स्टुपेंडस देखो स्टुपेंडस एक वर्ड लिखा होगा ये रहा ये पूछा गया अभी अभी ठीक है नौ नवंबर दस नवंबर को पूछा गया ठीक है नवंबर में नवंबर 2022 में पूछा गया स्टुपेंडस स्टुपेंडस का मतलब होता है एकदम भव्य सुंदर अद्भुत रिमार्केबल ठीक हाँ. है हाँ, जैगेंटिक है इमेंस है विशाल इनॉर्मस आप लिख सकते हैं इसका मीनिंग विशाल ठीक है विशाल का विशाल भव्य भव्य एकदम सुंदर सा सजीला सा एकदम चमकदार बढ़िया वाला उसको कहा जाता है स्प्लैंड Splendid, stupendous, enormous, huge, gigantic, immense, tremendous ये होते हैं स्मॉल tiny, लिटिल छोटा सा ठीक है डिंकी है और डिम्यूनेटिव है टेरिबल है टेरिबल इसका ओपोजिट हो जाएगा ये ऑपोजिट ही पूछा गया था ठीक है टेरिबल मतलब होता है भयंकर भयंकर ठीक है भाई चलो आगे एंगर मतलब होता है गुस्सा डिस्प्लेजर गुस्सा ठीक है भाई हाँ, इसकी प्रिंटेबल पीडीएफ मिल जाएगी आपको ओपन स्टडी टेलीग्राम चैनल पर जिसका लिंक आपके चैट बॉक्स में देखो पिन किया गया है ठीक है हाँ चलो फटाफट से एंगर के सिनोनिम्स लिखे हुए हैं और एंटोनिम्स पढ़ो दोनों चीजें आपके सामने हैं सारी चीजें आपके सामने हैं है कि नहीं ¿Ah, Deco. Mm. एंगर मतलब होता है गुस्सा, हो 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 जाएगा, फ्यूरी हो गया, हो गया, हो गया, हो जाएगा गया, 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 सारे सारे के सारे similar meanings हैं 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 जाते ठीक है, है, है नाउन की तरह किया जाएगा आगे बढ़ जाते हैं की नेक्स्ट इन होता है अटल कोई ऐसी चीज है जो चेंज नहीं हो सकता जो चीज चेंज नहीं हो सकती तो उसको अनअल्टरेबल कहा जाता है क्या कहा जाता है अनबल यानी कि इन अटल है ठीक है जिसको चेंज नहीं किया जा सकता नॉट चेंजेबल ठीक है अनचेंजेबल अनचेंजेबल कोई भी ऐसी चीज जो अनचेंजेबल है इसी को कहा जाता है सर्टेन फाइनल परमानेंट इन एविटेबल इन एविटेबल ऐसी चीज जिसको एविटेबल मतलब एबिटेट ना किया जा सके चेंज ना किया जा सके बदला ना जा सके ठीक है हाँ चेंजेबल है रिवोकेबल है इन और रिवोकेबल देखो ऑपोजिट मीनिंग हो जाएंगे ये वन वर्ड में भी पूछा जाता है one word substitution में भी पूछा जाता है याद रखना दैट कैन नॉट बी चेंज इज कॉल्ड इन रिवोकेबल ठीक है आगे बढ़ो नेक्स्ट कॉमोशन होता है हल्ला गुल्ला सोरगुल कॉमोशन मतलब होता है डिस्टर्बेंस डिस्टर्बेंस हल्ला गुल्ला सोरगुल हाँ बिल्कुल ढाई सौ कराएंगे आपको टेंशन ना लो चलो पीस हो जाएगा क्वाइट हो जाएगा कामनेस हो जाएगा स्ट्रेन लेस हो जाएगा ट्रेंकुलिटी शांति पीस मतलब शांति ट्रेंकुलिटी शांति और क्वाइट है पहले चुप बाद में कंप्लीट ये मैंने आपको सिखा दिया है ना कामनेस हो गया स्टेनलेस हो गया मतलब कोई भी ऐसी चीज है एकदम शांत है स्टेनलेस मतलब शांति बोल सकते हो ठीक है हल्ला गुल्ला बोल सकते हो ऊपर वाले को यहां पर बोलोगे शांति जो मैंने अभी अभी आपको बताया ना ट्रेंक्यूलिटी जो नीचे लिख दिया है ट्रेंक्युलेटी हाँ बस उसमें स्पेलिंग थोड़ी सी मिस्टेक हो गई उसको सही कर लेना हां ट्रेंक्युलिटी में दो एल आते हैं चलो आगे बढ़ते हैं कॉमोशन ये क्लियर हो जाएगा ना कॉमोशन नाउन की तरह यूज किया जाएगा कॉमोशन हल्ला गुल्ला नॉइज होता है अपरोस हो गया हुए अब देखो, अबर, अगर आप ये पचास समझ रहे हो कि आज की क्लास में सर सिर्फ अभी, 50 सी हुए अभी क्लास खत्म नहीं हुई तो है आप लोगों को थोड़ा सा पानी आनी पी सकते हो पचास वर्ड हैं पचास वर्ड का मल्टीप्लाई करो दस से सर दस से क्यों करना है जरा चेक कर लेते हैं एक फॉर्मेट में कितने वर्ड है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एथ नाइन टेन अलेवन ट्वेल्व मतलब मैक्सिमम तो बारह तेरह भी हो सकते हैं मिनिमम मिनिमम आठ तो होंगे ही होंगे मिनिमम आठ तो होंगे ही होंगे मैं ऑन एवरेज ले लेता हूं दस ठीक है दस का मल्टीप्लाई करोगे पांच में पचास में तो ये फाइव हंड्रेड वर्ड तो आपके पास हो गए मतलब अगर आप ऐसे से हंड्रेड फॉर्मेट कंप्लीट कर लेते हो तो आपके पास वन थाउजेंड वोकैबलरी पहुंच जाती है वन थाउजेंड वोकैबलरी में से कोई सा भी वर्ड आपके एग्जाम में आ सकता है सारे के सारे एग्जाम ओरिएंटेड वर्ड्स में आपको करा रहा हूं ठीक है हाँ प्लेसिड भी हो सकता है बिल्कुल मूलचंद जी ठीक है हम्म अब आ जाते हैं किसी को भी अगर मान लो पढ़ना है दिल्ली मुखर्जी नगर के आसपास अगर कोई रहता है या दिल्ली मुखर्जी नगर आके पढ़ना चाहते हो तो ओपन स्टडी गुरुकुल स्टार्ट हो चुका है एक तारीख से क्लासेस स्टार्टेड है रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं सारी की सारी चीजें आपको अवेलेबल कराई जाती हैं हॉस्टल खाना लाइब्रेरी वाईफाई क्लासेस क्लासेज सिक्सटीन आर का स्टडी रूटीन आपका प्रॉपरली बना के उसको फॉलो करवाया जाता है टीचर्स की गाइडेंस आप लोगों को प्रोवाइड कराई जाती है जो टीचर आपको पढ़ाएंगे वही की गाइडेंस आपके पास रहेगी आप जैसी भी गाइडेंस चाहते हैं उनसे पूछ सकते हैं जैसा वो बताएंगे वैसा आपको करना पड़ेगा डाउट फैसिलिटी मिल जाती है और भी बहुत कुछ मिलता है इसमें ठीक है हाँ इसमें आप एस एस सी के तो ये मान लो स्पेशलिस्ट है हम तो एस एस सी का तो कोई सा भी एग्जाम हो आप कवर कर लेना आके एस एस सी जी डी हो एस एस सी सी जी एल हो एस एस सी सी पी ओ हो एस एस सी स्टेनोग्राफर है सी एच एस एल है इसके साथ साथ हम एयरफोर्स एनडीए सी डी एस वाले स्टूडेंट्स को भी कस्टडी में रख के अच्छे से तैयारी कराते हैं साथ के साथ अगर बैंकिंग एक्सपेरेंट है या किसी कोई जनरल कंपटीशन से है किसी अदर एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आप इन नंबर्स पे कॉल करके अपनी इंक्वायरी ले सकते हैं कितनी फीस है मंथली क्या चार्ज है कैसे कैसे क्या क्या होता है सारी डिटेल आपको मिल जाएगी इंग्लिश फाउंडेशन बैच आप लोग अगर परचेज करना चाहते हैं ऑनलाइन स्टडी के लिए तो ओपन स्टडी हमारा एप्लीकेशन है जिस पर हमारी पेड क्लासेस चलती है प्रीमियम क्लासेस ठीक है हाँ, तो वहां पर भी आप ये इंग्लिश फाउंडेशन एट्थ बैच जो है ये आप ज्वाइन कर सकते हो लाइफ लाइफ प्लस टाइम वैलिडिटी मिल जाती है है ठीक रिकॉर्डेड बैच भी अवेलेबल है बाकी सेशन को लाइक कर दिया करो भाई आप लोग सेशन को लाइक नहीं करते जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिनने अभी तक लाइक नहीं किया है सेशन को लाइक करना शेयर कर लेना जो लोग नए हैं सब्सक्राइब करके टेलीग्राम चैनल हमारे ये हैं दोनों इनको ज्वाइन कर लेना लिंक आपके चैट बॉक्स में दे रखा है उसको ज्वाइन कर सकते हैं वहां से ठीक है लिंक पे कॉपी करके पिन करके टच करके अब आ जाते हैं वर्ड्स की, की तरफ नेक्स्ट वर्ड है आपका एडोन एडोन वर्ड मतलब होता है किसी भी चीज को सजाना मीन्स की ब्यूटिफाई करना मान लो जब दिवाली आती है तो हम अपने घर को गाड़ियों को हर चीज को क्या कर देते हैं एडोन करते हैं ठीक है थीके? सजाते हैं ब्यूटिफाई करते हैं डेकोरेट करना एम्बेलेंस uh, करना डेकोरेट, ब्यूटिफाई करना ऑर्नामेंट करना ऑर्नामेंट ornament जानते ऑर्नामेंटल, ऑर्नामेंट सर पीडीएफ कहाँ मिलेगा टेलीग्राम पर मिलेगा पीडीएफ ठीक है ओपन स्टडी टेलीग्राम डिसफिगर करना किसी भी चीज को खराब कर देना डिस्फिगर इंपॉर्टेंट वर्ड है इसका मतलब होता है खराब करना किसी भी चीज को खराब कर देना डैमेज कर देना ठीक है हर्ट हा ब्लैमेस क्लियर है सभी को समझ में आ रही है बात है डेकोरेट एम्बेलेस ब्यूटीफाई ऑर्नामेंट सजाना किसी भी चीज को अच्छा करना वर्ब wow की तरह यूज किया जाते, जाता है नेक्स्ट कैंसिल करना मतलब abolish, किसी भी चीज को खत्म कर देना रद्द करना कैंसिल आउट करना एनल एनल मतलब रिपील कर देना रिपील कर देना डिलीट कर देना रिवोक कर देना एबोलिस कर देना ये इसके मीनिंग हो जाएंगे क्लियर है सभी को भाई बात समझ में आ पा रही है बहुत बढ़िया रिवॉक कर देना कैंसिल कर देना एबोलिस देखो एबोलिस यहां पर भी है नीचे भी है, एबोलिस मतलब होता है किसी भी चीज को खत्म कर देना कैंसिल आउट कोलैबोरेट करना कोलैबोरेट करना मतलब शामिल करना शामिल करना ठीक है भाई शामिल करना कोलैबोरेट करना शामिल करना होता है अप्रूव करना होता है अलाउ करना होता है मैंने कहा भाई चलो ठीक है हम तुम्हें अप्रूव करते हैं इस काम के लिए हम तुम्हें इसको ग्रांट करते हैं इस काम के लिए ठीक है हाँ हमारे वर्ड्स फंसेंगे सर आपके वर्ड फंसेंगे हंड्रेड परसेंट हम देखा है ऐसे ही पूछे जाते हैं एग्जाम में हाँ बिल्कुल सटीक वर्ड्स करा रहा हूं ये निचोड़ है मेरे भाई ये ऐसी क्लास है जिसमें मैंने कुछ निचोड़ दिया है आपको प्रीमियम क्लास कर निचोड़ दिया है इससे बाहर जाने की उम्मीद बिल्कुल नहीं है पांच परसेंट होगी बाकी तो पिचानवे परसेंट तो मैं गारंटेड बोल सकता हूँ स्टैब्लिश करना किसी चीज को ठीक नेक्स्ट पायस होता है धार्मिक पवित्र अगर कोई व्यक्ति ऐसा है सालू ठाकुर जो पवित्र है कैसा है रिलीजियस है पवित्र बोल सकते हो धार्मिक बोल सकते हो ठीक है किसी किसी वर्ड का मैं पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं लिख पा रहा हूँ तो थोड़ा सा ध्यान से आप लोग भी समझते चलिएगा ठीक है मैं भूल जाता हूँ लिखना जैसे इससे पहले वर्ब की तरह यूज किया जाता है ठीक है इससे पहले वर्ब की तरह लिखा लिखा हुआ है पायस होता है एडजेक्टिव जैसे डिवोट देवोर्ट है जानते हो ना डेवोट डेवोट मतलब एकदम भक्त होली होता है पवित्र गॉडली गॉडली मतलब भगवान से रिलेटेड सेंटली मतलब सेंटली सेंट मतलब होता है सेंट तो संत वाला होता है सेंट होता है सेंट मतलब किसी को पवित्र करना याद कैसे करें मैंने शुरुआत में बता रखा है ठीक है सेक्रेड होता है पवित्र सेक्रेड सेंकली गॉडली होली डेवोट इम्पायस क्या होता है अपवित्र इम्पायस होता है अ पवित्र अ पवित्र एथिस्ट होता है एथिस्ट एथिस्ट होता है क्या नास्तिक होता है एक ऐसा व्यक्ति जो बिल्कुल नास्तिक है उसको हम क्या कहते हैं एथिस्ट कहते हैं है, उसको अनहोली कहते हैं अपवित्र कोई व्यक्ति है, को है गॉडलेस जो भगवान में बिलीव नहीं करता ऐसे लोगों को गॉडलेस कहा जाता है ठीक है आगे चलो नर्चर का मतलब होता है पालन पोषण करना ग्रो करना ठीक है हाँ फ्लोरिस फ्लोरिस लिखा होगा इसमें नहीं लिखा हाँ नहीं लिखा फ्लोरिस लिख लेना फ्लोरिस फ्लोरिस अभी आगे आएगा इसके आगे वर्ड आएगा फ्लोरिस होगा जरूर कहीं ना कहीं टेंशन मतलब फ्लोरिस वर्ड को मैं मेन वर्ड की तरह कराऊंगा नर्चर मीन्स होता है ग्रो करना पालन पोषण करना जैसे आपके आ, पास कोई बच्चा छोड़ गया कि भाई ये मेरा बच्चा इसको पाल पोस के बड़ा कर देना तो आपने उसको क्या कर दिया नर्चर कर दिया नोरिस हो गया फ्लोरिस हो गया चैरिस हो गया, हो गया पोस्टर होता है किसी को फलना फूलना ठीक है नर्स हो गया किसी की देखभाल करना सस्टेन मतलब बनाए रखना जैसा है वैसा पेड़ पौधों के साथ ऐसा होता है ठीक है हाँ ऐसे होता है नेग्लेक्ट बच्चा छोड़ गया आपके पास बच्चा घूम रहा है आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है इग्नोर कर दिया किसी भी चीज की कोई देखभाल नहीं कर रहे हैं ठीक है, है? नजरअंदाज कर देना नजरअंदाज करना किसी चीज को ऐसे जाने देना ठीक है ऐसे करके आप समझ सकते हो डिप्राइव है रिप्रेस है स्टाब है स्टाब है ठीक है रिप्रेस है डिप्राइब इग्नोर है, है नेग्लेक्ट है ये सब क्या हो जाएंगे अपोजिट कंसिडरेट होता है विचारशील thoughtful consideration जानते हो consideration होता है उन्मूलन उन्मूलन मतलब कंसीडरेशन विचार और अगर कोई ऐसी चीज है जिस पर विचार किया जा रहा है उसको कहते हैं विचारशील मैंने कहा ये तो thoughtful है भाई कंसीडरेट है मतलब इसको कंसीडर करना चाहिए तो thoughtful है thoughtful हो जाएगा ठीक है g h t ऐसे करके लिखना है thoughtful लिखना है ठीक है इसको कट 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 कर देना इसको थॉटफुल लिख लेना गलत लिख गया है थॉटफुल हो जाएगा काइंड है वेनिबुलट वेनिबुलेंट है कंसिडर विचारशील काइंड सिंपैथेटिक इनकंसिडरेट ये इसके सिनोनिम्स तो थोड़े से, थोड़े से थोड़े से थोड़े से थोड़े से दूर के हैं ठीक है हो सकता है किसी और वर्ड के लिख दिए हैं क्योंकि ये तो वेनिबोलेंट होता है दयालु एकदम काइंड कंसिडरेट जो वर्ड होता है वो थोड़ा सा अलग होता है आप अलग अलग वर्ड पढ़ लो ये मत सोचो कि ये वर्ड इसके सिनोनिम नहीं है तो इंपॉर्टेंट नहीं है इसके मोस्ट सिमिलर मीनिंग्स नहीं है सिनोनिम्स में तो बहुत सारे दूर के वर्ड भी एड हो जाते हैं बट मोस्ट सिमिलर मीनिंग्स आप इनको नहीं कहोगे थॉटफुल अलग होता है जैसे पॉन्ड्रंस है तो थॉटफुल के आगे लिख लेना पॉन्डर ये इसका सिनोनिम हो जाएगा ठीक है ponder हो जाएगा ponder इसका सिनोनिम हो जाएगा thoughtful हो जाएगा considerate हो जाएगा बट जो काइंड वर्ड है वो इसके सिनोनिम ना हो करके अलग वर्ड हो जाएंगे अलग से वर्ड याद कर लेना ये होते हैं दयालु ऐसा व्यक्ति जो एकदम सीधा साधा सा व्यक्ति है हाँ, इनकंसीडरेट इसका एंटोनिम जरूर है ठीक है मीन हो जाएगा thoughtful हो जाएगा thoughtless है thoughtful नहीं, thoughtfully thoughtless हो जाएगा thoughtful नहीं होगा thoughtless हो जाएगा ठीक है ऐसी चीज जिस पर कोई भी विचार नहीं किया जाता है यह पूरा फॉर्मेट थोड़ा सा गड़बड़ा गया है आगे चलो डोसाइल मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है डोसाइल का मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति व्यक्ति जो बहुत ही सीधा साधा सा व्यक्ति होता है एकदम अधीन सा व्यक्ति है मतलब सीधा साधा सा सम से यहां पर लिख लो सीधा साधा सीधा साधा कोई व्यक्ति है? है ना मीक है मीक है ट्रैक्टेबल है ट्रैक्टेबल टेम हो जाएगा ओबीडियंट हो जाएगा ओबीडियंट मतलब आज्ञाकारी क्या बोलेंगे इसको आज्ञाकारी बोलेंगे ठीक है आज्ञाकारी मीक हो गया ओबीडियंट हो गया टेम स्टबॉन होते हैं ऐसे जिद्दी हराम खोर लोग होते हैं ना हराम खोर, ऐसे लोगों को कहा जाता है हराम खोर, होता है जिद्दी ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है ये आपके एग्जाम से बहुत ज्यादा रिलेट करते हैं वाइल्ड है खूंखार टाइप का कोई व्यक्ति है वाइल्ड तो उसको कहते हैं भैया है, ये तो बिल्कुल दूर रहना तो दूर दूर, दूर खूंकार आदमी है हैड स्ट्रॉन्ग है ठीक है, है, है जिद्दी टाइप का आदमी है स्टबॉन वाइल्ड हेड आगे बढ़ो नेक्स्ट होता है किसी भी चीज को मानने से इनकार कर देना ठीक है मना कर देना रिफ्यूज कर देना ठीक है कैंसिल कर देना भाई मुझे नहीं चाहिए ले जाओ जाओ जोकर डेविल श्रद्धा बी द बेस्ट विपिन शालू विनायक सभी लोग कमेंट कर करके बताओ ये क्या है ये वर्ड को रिपीट नहीं कर रहे आप लोग फिर से धीमे पड़ गए हो रिजेक्ट कर देना कैंसिल किसी का प्रपोजल आपके पास है आपने कहा नहीं नहीं पहले जॉब उसके बाद तो ऐसे करके आपने क्या कर दिया डिनाई रिनाउंस कर दिया डिक्लाइन कर दिया टर्न डाउन कर दिया एक होता एडमिट आने दो कोई फर्क नहीं पड़ता आने दो एडमिट अलाओ ग्रांट ठीक है स्वीकार करना स्वीकार करना ये इनका मीनिंग होता है सबका अफर्म करना करना बियर करना आगे चलो नेक्स्ट होता है किसी भी चीज को त्याग देना करना से, इसमें है अलग वर्ड एप्डिकेट होता है पद को त्यागना ये होता है किसी भी चीज को क्विट कर देना जैसे देखो अभी अभी हम लोग क्वाइट क्वाइट पढ़ रहे थे वो दूसरा क्वाइट है ये क्विट है क्विट मीन होता है किसी को लीव आउट करना लीव कर देना छोड़ देना ये रहा लीव मतलब छोड़ देना त्याग देना वर्ब की तरह यूज किया जाता है त्याग देना इसका मतलब होता है अबैंडन अबैंडन ठीक है डेजर्ट जो वर्ड है ना डेजर्ट ये एक्चुअली दो तरह से यूज कर आ, कर सकते हो आप इसको डेजर्ट एक्चुअली नाउन भी होता है और वर्ब की तरह यूज होता है नाउन की तरह यूज करोगे तो इसका मतलब रेगिस्तान हो जाता है और अगर इसको वर्ब की तरह यूज करोगे तो इसका मतलब क्या होता है इसका मतलब होता है लीव मतलब छोड़ देना ठीक है छोड़ना लीव कर देना छोड़ देना और एक डेजर्ट दूसरा होता है जो आप खाने में डेजर्ट लेते हो ना वो डेजर्ट होता है ये मीठा मिथा, मिठाई उसको मिठाई कहा जाता है ठीक है खाने में कुछ मीठा हो जाए डेजर्ट ये वही वाला डेजर्ट है समझ पा रहे हो हु? चलो कीप होता है किसी चीज को बनाए रखना अचीव करना किसी को प्राप्त कर देना छोड़ देना अचीव छोड़ देना ठीक है डिफेंड हार जाना एक्वायर मतलब खो देना आगे बढ़ो एडवांस तरक्की करना प्रोग्रेस प्रोग्रेस होता है इसका सिनोनिम ठीक है प्रोग्रेस मतलब होता है एडवांस मतलब तरक्की करना आगे बढ़ना किसी भी फील्ड में अगर आप एडवांस कर रहे हो मतलब आगे बढ़ रहे हो ठीक है हाँ कुछ मीठा हो जाए प्रोग्रेस करना प्रोमोट करना फर्दर करना फर्दर मतलब आगे बढ़ना आप किसी भी चीज में आगे बढ़ते जा रहे हो आगे बढ़ते जा रहे हो अगर आपकी चीजें इंप्रूव हो रही है तो आप आगे बढ़ते जा रहे हो प्रोसीड करना एक होता है रिट्रीट मतलब बैक आना पीछे हटना रिट्रीट का मतलब होता है पीछे हटना पीछे हटना इसका मतलब हो जाता है पीछे हटना ठीक है ये पीछे हटना इसका मीनिंग हो जाएगा रिट्रीट का विद्रॉ होता है स्टॉप रिसीड यानी कि रिग्रेस ठीक है स्टॉप हो जाएगा रिसीड मतलब पीछे की तरफ पाना बैक चले जाना ये होता है समझ पा रहे हो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट इम्पेडिमेंट क्या होता है? इंपेडिमेंट बाधा, इंपेडिमेंट होता है बाधा ये ऑब्स्ट्रक्ट वर्ड भी पूछा गया मतलब ठीक है ये होता है ऑब्स्ट्रक्ट जो होता है ना ये भी आपका वर्ब की तरह यूज किया जाता है ये वर्ब होता है ठीक है हाँ ऑब्सट्रक्ट करना मतलब हिंडर करना किसी को रोकना ठीक है रोकना सीज मना कर देना ऑब्स्ट्रक्ट करना क्लियर है सीज हो जाएगा हाँ ऑब्स्टेकल होता है बाधा ये तो आपका नाउन की तरह यूज किया जाएगा बाधा होता है हिंड्रेंस हो गया ऑब्स्टेकल हो गया ठीक है सीज इसका सिनोनिम हो जाएगा बैरियर ब्लॉक एडवांटेज प्रिविलेज बेनिफिट एडवांस ये क्या हो जाएंगे बढ़ने देना आगे जाना प्रोग्रेस करना ठीक है सूरज चौधरी और विनायक नविता वृतिका हम्म एक होता है इम्पेकेबल इम्पेकेबल सॉरी इम्पेकेबल क्या होता है त्रुटिहीन मतलब कोई भी ऐसी चीज है जो हार्मलेस है हार्मलेस मतलब एकदम जस्ट हार्मलेस नहीं सॉरी एररलेस एरर फ्री अगर कोई चीज ऐसी है जो एरर फ्री है स्पॉटलेस एरर फ्री बोलते हैं ना जिसमें कोई एरर नहीं है नो एरर सॉरी एरर फ्री अगर कोई चीज ऐसी है जो एरर फ्री है तो उसको कहा जाता है इसमें कोई गलती नहीं है एकदम त्रुटिहीन है किसी भी तरह की कोई गलती है ही नहीं है तो उसको कहते हैं फ्लॉलेस स्पॉटलेस प्योर ब्लिम्लेस इम्परफेक्ट है रॉन्ग है करप्ट है फॉल्टी है भाई ये तो फॉल्टी है इनकरप्ट है ऐसे करके बोलोगे ये हो जाता है इनपरफेक्ट है रॉन्ग है आगे बढ़ो इलास्टिक क्या होता है इलास्टिक होता है लचीला फ्लैक्सीबल मैंने कहा कि अगर मेरे पास कोई ऐसी चीज है जो प्लास्टिक की है तो बड़ी ही फ्लैक्सीबल है हाँ चीज़ तो है पर वो दिखाने लायक नहीं है देखो ऐसी कोई चीज़ है जिसको ऐसे मतलब कोई भी ऐसी चीज हो सकती है जो फ्लैक्सीबल है तो इलास्टिक को आप प्लास्टिक से याद कर सकते हो कि प्लास्टिक की चीजें इलास्टिक होती है मतलब एकदम फ्लेक्सीबल होती है रेसिलियंट uh, है इंपॉर्टेंट वर्ड है स्प्रिंगी है जिसको आप मूव कर सकते हो घुमा सकते हो और uh, प्लियट है plant है ठीक है प्लास्टिक लिख सकते हो तो प्लास्टिक लिख रखा है स्ट्रेची है स्ट्रेची जो स्ट्रेच हो सकता है मतलब तन सकता है स्टिप होता है एकदम स्टक स्टिप मतलब इनफ्लेक्सिबल ठीक है अनयिल्डिंग जो चीजें घूम नहीं सकती हैं मूव नहीं हो सकती हैं रिजिड है अनयिल्डिंग है. कहते हैं इसको ठीक है स्टिप है इनफ्लेक्सिबल है घुमावदार नहीं है एडजेक्टिव की तरह यूज किया जाता है समझ में आ रही है ना बातें सारी की सारी चलिए बहुत बढ़िया आगे बढ़ो नेक्स्ट एक होता है एफिसियंट एफिशियंट जानते हो ना एफिसियंसी जानते हो एफिसियंसी से बना है एफिसियंट अगर किसी व्यक्ति के अंदर एफिशियंसी है किसी भी काम को करने की क्षमता है तो उसको एफिसियंसी कहते हैं और वो व्यक्ति जो होता है वो एफिशियंस होता है एडजेक्टिव की तरह यूज किया जाएगा ठीक है मेरे दोस्त हाँ इफेक्टिवनेस इफेक्टिव इफेक्टिव है कॉम्पिटेंट है एबल है और इफेक्चुअल uh, है इफेक्चुअल ठीक इफेक्चुअल इफेक्टिव कॉम्पिटेंट एबल इफेक्चुअल एक होता है एबॉल्टिव फ्रूटलेस ठीक है हाँ एबोरटिव मतलब होता है निष्फल निष्फल जिसका कोई भी काम नहीं है फीबल कमजोर होता है ठीक है कमजोर मतलब उस चीज का कोई भी वो नहीं है आपके पास मतलब बोलते हैं कि यार इसका कोई फर्क नहीं पड़ा इसका कोई फल नहीं मिला अबॉर्टिव कहा जाता है इंपोर्टेंट कहते हैं उसको ठीक आ रही बात समझ में वेरी गुड आगे चलेंगे नेक्स्ट कंसील होता है छिपाना कंसील का मतलब अभी अभी हम लोग पढ़ के आए कंसील मीन्स होता है टू हाइड छिपाना किसी भी चीज को वर्ब की तरह यूज किया जाता है डिसगाइज uh, होता है किसी चीज को आपने छिपा लिया डिस्गाइज कर लिया मास्क मतलब किसी भी चीज को छिपाना आप किसी भी चीज के पीछे अगर कोई काम कर रहे हो मास्क कवर कर लेना स्ट्रेस करना ऑब्सक्योर करना क्लियर चलो शो करना मतलब होता है शो करना दिखाना एक्सपोज करना लोगों के सामने किसी भी चीज को रख देना रिवील कर देना उजागर करना ये होता है उजागर करना उजागर करना होता है एक्सपोज करना सबके सामने रखना ये होता है छुपाना ठीक है वर्ब की तरह यूज किया जाएगा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पोच मतलब होता है घुसपैठ कर शिकार करना जैसे मान लो आपने किसी दूसरे के घर में जाकर के कुछ चीज चोरी कर ली ठीक है भाई चाहत सालू ठाकुर और प्रणय है चौधरी बीरपाल सिंह है नोबिता सरिता और श्रद्धा आसुल जैकी सचिन राहतो क्या नाम है राठौड़ अच्छा कपिल जी हैं विपुल जी हैं वेरी गुड सभी लोग कमेंट किया करो है ना हाँ देखो यहाँ पर जो पोच वर्ड है पोच मीन्स होता है आपने किसी के घर में घुसे और आपने वहां से चोरी कर ली तो चोरी कर, करी है आपने ठीक है ये वर्ब की तरह यूज किया जाएगा लेकिन स्टील तो करा है आपने चोरी तो करी है बट घुसपैठ और हमेशा चोरी यार चोरी छुपे की जाती है थीव करना स्टील पिलफर स्नेयर या फिल्च बोल सकते हो गिव होता है ओरिजिनेट करना किसी भी चीज को जनरेट करना चोरी नहीं किया आपने ओरिजिनेट किया है मतलब आपका रियल है कोई चीज ऐसी होती है जो हमारी रियल होती है कोई चीज हम लोग दूसरों से सीख लेते हैं चोरी कर लेते हैं बाय करना दूसरे से उधार लेना परचेज करना ठीक है हाँ नेक्स्ट वर्ड देखोगे प्रोग्नोसिस क्या होता है प्रोग्नोसिस प्रोग्नोसिस होता है पूर्वानुमान लगाना मतलब आपने पहले से ही कोई चीज क्या कर रही क्या रखी है पहले से सोच रखी है ठीक है आपने पहले से ही कोई चीज सोच रखी है अरुण कुमार जी थैंक यू सो मच प्रोग्नोसिस मतलब होता है आपने प्रीडिक्शन कर लिया प्रीडिक्शन मतलब पहले से ही पूर्व अनुमान लगाना फोरकास्ट लगाना ठीक है फोरकास्ट करना मतलब पहले से सोच के कोई काम कर रहे प्रोफेसी प्रोफेसी मतलब आपने पहले से प्रोफेस कर रखा है इसको प्रोजेक्शन प्रोजेक्ट project कर रखा है आपने पहले से किया गया कार्य आउटलुक मतलब आपने उस पर थोड़ी सी नजर मार लिया आपने उसको देख लिया है, एक नजर में देख लिया है सृषि और एक होता है पास्ट ये तो उसके एंटोनिम्स लिखे नहीं है कोई बात नहीं आगे चलते हैं एसपियज इंपॉर्टेंट वर्ड है होता है किसी की जासूसी करना ठीक है ये आपका वर्ब की तरह यूज होगा अगर आप किसी के पीछे पीछे लगे पड़े हो किसी मोबाइल फोन में एप्लीकेशन डाउनलोड कर दिया आप उसको ट्रैक कर रहे हो आप उसके पीछे जा रहे देख रहे कौन कहा जा रहा है जा रही है जो कुछ भी होता है इसको कहते हैं स्पाइंग स्पाइंग मतलब होता है एसपीनेज मतलब जासूसी करना जब हम किसी के पीछे लगे रहते हैं जासूसी करते हैं तो इसको कहा जाता है आस्पिनेज, 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 रिपीट करते रहे देखो अब बहुत से लोगों को ये जो एसपीज वर्ड है थोड़ा सा ऑड लग रहा होगा ऐसा लग रहा होगा कि ये पहले आपने कभी नहीं सुना है तो आप अब क्या करोगे जिससे ये वर्ड आपका फेमिलियर हो जाए आप उसके साथ मिलजुल के रह सको उसके लिए आपको इसको बोलना पड़ेगा इसके रहने इसके साथ रहने की आदत डालनी पड़ेगी रिपीट करना पड़ेगा इसको ठीक है तो जासूसी करना स्पाइंग पी एल सर्वेलेंस आपने सीसीटीवी लगा रखा है वाचिंग वाचिंग इंटेलिजेंस इंटेलिजेंस की रिपोर्ट क्या कहती है समझ रहे हो ना हम किसी की जासूसी कर रहे हैं तो इंटेलिजेंस होती है एक होता है अर्थलेसनेस मतलब अर्थलेसनेस जानते हो अर्थ मतलब बिल्कुल बेकार आप किसी भी चीज को ऐसे ही जाने देते हो नजरअंदाज करना ठीक है हाँ ये हो जाता है कैंडर कैंडर मतलब जानते हो कैंडर का मतलब होता है खुली छूट देना किसी की कोई जासूसी की जरूरत नहीं है ठीक है हम्म hmm. एक होता है ट्रुथफुलनेस सच्चाई ठीक है ट्रुथफुलनेस मतलब होता है सच्चाई सच्चाई इसका मीनिंग हो जाता है क्लियर आगे बढ़ते हैं एक होता है कॉन्करेंस कॉन्करेंस क्या होता है मेरे दोस्त कॉन्करेंस मतलब होता है सहमति अग्रीमेंट कॉन्कर कॉन्कर जानते हो किसी के साथ जब आप मिलजुल करके काम करते हैं कॉन्कर हो जाते हो आप किसी के साथ कॉन्कर्ड हो जाते हो तो कंसेट सहमति जताना अग्रीमेंट ठीक है नाउन की तरह यूज किया जाएगा कौनकर वर्ब होता है कॉन्करेंस नाउन होता है क्लियर कंसेंट हो गया असेंट हो गया सहमति जब हम किसी के साथ सहमति मिला लेते हैं कॉन्र्ड देखो ये आ गया कंकर्ड ठीक है ये की तरह यूज किया जाता है सहमत होना एक्सेप्टेंस आपसे जो कुछ भी बोला गया है आपसे जिस चीज के लिए सिफारिश लगाई गई है आपने उसको एक्सेप्ट uh, कर लिया तो आपने एक्सेप्टेंस बोल दिया ये नाउन हो जाएगा ठीक है एक होता है डिशेंशन डिशेंशन मतलब नहीं नहीं मैं इस बात को नहीं मानूंगा रिजेक्शन आपसे किसी ने कहा आ, प्लीज ऐसे करके है ना कोई भी प्रपोजल आपके पास आया आपने उसको रिजेक्ट कर दिया तो आपने उसको जो दिया है वो है रिजेक्शन क्लियर वेरियंस मतलब डिफरेंसेस आप बोल सकते हैं वेरियंस मींस अलगाव अलगाव मतलब अलग थलग चीजों में डिफरेंशिएट डिफरेंसेस जानते ना किसी के बीच में हैं स्क्वेबल स्क्वेबल मतलब मैंने कहा कि ये चीज तो बिल्कुल डिसएग्रीड है भाई असहमति बोल सकते हो उसके नीचे लिख लो असहमति ठीक है भाई आगे बढ़ो इनिग्मा इंपॉर्टेंट है इसको इंपॉर्टेंट टिक करो इनिग्मा क्या होता है मेरे भाई इनिग्मा क्या होता है जरा समझ लेते हैं एनिग्मा का मतलब होता है पजल यानी कि पजल मीन्स होता है क्या कोई भी चीज पहली है पहली जानते हो ना पहली नहीं है पहली है पहली मतलब पजल होता है ठीक है नाउन की तरह यूज किया जाएगा अब देखो यहाँ पर ये यह जो वर्ड है एग्रीमेंट है कंसेंट है कंकर्ड है कंसेंट है ये क्या है पिछले वर्ड के लिखे हुए हैं तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे आप इनको काट दोगे ये अलग वर्ड है ये इसके सिनोनिम्स नहीं है बट ये अलग वर्ड है ठीक है ये इसके सिनोनिम्स नहीं है ये थोड़ा सा मिस टाइप हो गया है रॉन्ग हो गया तो इनको अलग से लिख लेना ये सहमति है बट पहले वाले वर्ड के है? पिछले वाले वर्ड के ये इसके सनिम्स नहीं होंगे ठीक है हाँ इसके सनिम्स नहीं होंगे ऐसे ये भी नहीं होंगे ये भी नहीं होंगे सिर्फ वर्ड समझना है आपको एनेग्मा, एनेग्मा मतलब होता है पज़ल, ठीक है? हो सकता है कंफ्यूजन भी हो सकता है परप्लेक्स हो जाएगा बिल्कुल सही है ल्यूरिड समझ लेते हैं देखो ल्यूरिड का मतलब होता है ये एडजेक्टिव की तरह यूज किया जाएगा कोई भी ऐसी चीज है जो सनसनी खेज है शॉकिंग आश्चर्य से भरी हुई आश्चर्यचकित अगर कोई भी ऐसी चीज है जो आश्चर्यचकित है एकदम कैसी सनसनी खेज है घोस्टली स्कैरी स्कैरी है ग्रूसम ग्रूसम है गुरूशम है सेंसेशनल है सेंसेशनल मतलब ऐसी चीज जिनसे तैयार हो जाते हैं मतलब रेडी हो जाती यार ऐसे कैसे हो गया ये तो मैंने सोचा भी नहीं था ऐसे करके नहीं बोल देते हैं तो ये हो जाता है घोषली स्कैरी स्कैरी विविड मतलब होता है वैसे क्लियर ठीक है एक होता है डल मतलब धुंधला सा क्लीन नहीं है मतलब अगर कोई चीज नॉर्मल सी है सामान्य है तो आप ये वर्ड्स इस्तेमाल करोगे कोई भी ऐसी चीज है जो अनयूजल है एकदम शॉकिंग है तो उसको आप ये कहोगे ना जैसे इन्होंने देखो मोजी बना रखा ये वाला ओ वाला ठीक है नेक्स्ट मीगर मतलब होता है थोड़ा कल कम अल्प बहुत ही कम मामूली सा है ना इन एडिकुएट इन मतलब होता है है कम ठीक uh, की तरह किया जाएगा किसी भी चीज की मात्रा अगर आपको बतानी है तो आप कह सकते हैं इन एडिक्यूएट क्लियर है इन आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्कार्स हो गया स्कैंट हो गया कमी इनसफिस हो जाएगा स्किम्पी हो जाएगा स्पर्स हो जाएगा स्पर्स ठीक है एम्पल होता है प्रचुरता क्या भाई प्रचुरता मतलब बहुत अधिकता बोल सकते हो अधिकता हो जाएगा आगे बढ़ते हैं फोर्थिंग में नेक्स्ट कैंडेड मतलब होता है कोई ऐसा व्यक्ति है जो एकदम सच्चा है निष्कपट है सुपर फास्ट स्पीड में चलेंगे सौ के बाद में सौ के बाद में सौ की स्पीड में चलेंगे ठीक है जो हंड्रेड क्वेश्चन हो जाएंगे उसके बाद में सुपर फास्ट एक्सप्रेस बना देंगे इसको कैंडेड मीन होता है फ्रेंक यानी कि सच्चा अगर कोई व्यक्ति है एकदम सच्चा है ठीक है सच्चा है ऑनेस्ट है ओपन है डायरेक्ट है आउटस्पोकन है सिंसियर अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपसे ओपनली बात करता है सिंसियरली बात करता है एकदम डायरेक्ट फ्रेंक होकर बात करता है तो आप उसको बोल सकते हैं ये बंदा एकदम कैंडिड है सच्चा है ईमानदार व्यक्ति है फ्रेंक है, है एक होता है धोखेबाज जो घुमा फिरा करके बातें करता है कहेगा कुछ और करेगा कुछ और है धोखेबाज ठीक है जाली लोग होते हैं जाली नकली समझ पा रहे हो आगे बढ़ो नेक्स्ट Bliss, ये आपका एडजेक्टिव की तरह यूज किया जाएगा ठीक है हो हो गया ब्लेस हो जाता है, आनंद, खुशी, प्लेजर है पैराडाइज है ग्ली है देखो ग्ली है खुशी ये वर्ड पूछा गया था अभी तो ग्ली वर्ड है ग्ली मतलब वो खुशी आनंद अब आ जाते एगोनी हो गया सौर हो जाता है दुख सौरो मीन हो जाता है दुख माइजरी सौरो दुख माइजरी ठीक है चलो ठीक है एंग्विश हो जाएगा ऑबिस हो जाएगा मतलब दुख होता है परेशानी परेशानी चलिए आगे देखोगे डिके क्या होता है डिके मतलब होता है किसी भी चीज का विघटन करना जैसे मान लो किसी भी चीज जैसे मान लो कोई चीज ऐसे ऐसे बढ़ती जा रही है और धड़ाम से नीचे गिर गई ठीक है या फिर कोई भी चीज कम हो रही है किसी भी चीज में कम कमी आ रही है किसी भी चीज में डाइवर्जन हो रहा है मतलब चीजें डिवाइड हो रही हैं तो हम उनको बोलते हैं कि भैया डिके हो रहा है विघटन होना पतन होना रोट हो जाएगा डिक्लाइन मतलब घट घट रहा है किसी चीज में जो है गिरावट आ रही है कोलैप्स है डेट्रियोरेट है डेट्रियोरेट तो जानते हो किसी भी चीज में डेट्रियोरेट करना एक होता है एमल्योरेट करना एक होता है डेट्रियोरेट करना ठीक है खंडित करना खंडित करना प्यूट्रीफाई प्यूट्रीफाई मतलब किसी भी चीज में गिरावट जब आ जाती है तो उसको प्यूट्रीफाई कहा जाता है क्लियर नेक्स्ट है आपके रिहेबिलिटेशन रिहेबिलिटेशन क्या होता है बताओ रिहेबिलिटेशन होता है किसी भी चीज को दोबारा से डेवलप करना ठीक है ग्रो करना इंप्रूव करना सुधारना सुधारना ठीक है बढ़ाना इंक्रीज करना ये होता है क्लियर है ये वर्ब की तरह यूज किए जा रहे हैं सारे के सारे वर्ड विघटन होना होना पतन होना वर्ब की तरह यूज किए जाते हैं डिके वर्ड को याद रखना है नेक्स्ट सोलिटरी सोलिटरी मतलब होता है अकेलापन सोलिटरी जानते क्या होता है अकेला मैंने कहा ये बंदा बिल्कुल पूरी लाइफ में अकेला है तो सोलिटरी लोनली है लोनली मतलब अकेला है ठीक है भाई एडजेक्टिव की तरह यूज किया जाएगा क्लियर है सभी को कोई तकलीफ तकलीफ नहीं होनी चाहिए देखो अगर ओपन स्टडी पे आए हो तो कुछ ना कुछ तो आप लोग उम्मीद करके आए होंगे तो उम्मीद कुछ ऐसी हो सकती है कि आपको रेलिवेंट कंटेंट मिल जाए बढ़िया से समझाने वाला टीचर मिल जाए भरपूर कंटेंट मिल जाए कंसिस्टेंसी मिल जाए और सहयोग मिल जाए ये सारी की सारी चीजें हमारे यहां अवेलेबल है ओपन स्टडी यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है आपको कहीं जाने की जरूरत ही नहीं और यही उम्मीद लेकर के आप में से ज्यादातर लोग आए हैं और वो उम्मीद फुलफिल हुई है एप्लीकेशन की आप लोग जब जाओगे ना गूगल प्ले स्टोर पे ओपन स्टडी एप्लीकेशन डाउनलोड करना तो भले ही डाउनलोड मत करना उसके रिव्यू पढ़ना चेक करना वहां पर अगर किसी को भी फाउंडेशन क्लासेस वगैरह लेनी है चाहता है कि मुझे इंग्लिश बेसिक से अच्छे लेवल तक करनी है तो जाकर के एक बार रिव्यूज पढ़ना बच्चों के जो हमारी पेड क्लासेस हैं उनके रिव्यूज पढ़ना ठीक है वो सब चीजें वहां से आपको देखने को मिलेगी आप में से जितने भी स्टूडेंट है ना जाकर के एक बार विजिट जरूर करना एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर पर जो रिव्यूज हैं ठीक है, है? और आप भी अपना कीमती रिव्यू दे देना एलोन हाँ, है सिंगल है इंडिविजुअल है आइसोलेट है शोल है मल्टीपल है टुगेदर है कंबाइंड ये देखो मल्टीपल टुगेदर कंबाइंड ये होते हैं एक दूसरे के साथ मिलकर के ठीक है ये मिलकर होते हैं सम्मिलित होते हैं ठीक है सम्मिलित कंबाइंड और प्रोसोस प्रोसोशियल प्रोसोशियल चलो आगे चलते हैं भी सर आपसे पढ़ते हैं थैंक यू सर थैंक यू सो मच कंपैशनेट जानते क्या होता है कंपैशनेट अभी अभी हम कंपेशन पढ़ रहे थे ना कंपेशन से ही समझ में आ जाएगा कॉम्पेशन मतलब होता है दया और कम्पैशनेट कंपैशनेट होता है दयालु कंपेशन कंपेशन मतलब होता है दया कंपैशनेट compassion, होता है दयालु दया। 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 एक ऐसा व्यक्ति जिसके अंदर कंपेशन है बहुत सारा दयालु व्यक्ति है वो है ना तो उसको कहते हैं सिंपेथेटिक सिंपथेटिक मतलब वो व्यक्ति जिसके अंदर सिंपैथी है सभी लोग सेशन को लाइक भी कर दिया करो भाई काइंड जल्दी से वन थाउजेंड कवर करो फटाफट से काइंड मतलब होता है दयालु व्यक्ति है कोई बेनेवोलेंट है कैसा है मेरे भाई बेनेवोलेंट है मर्सीफुल है कंसीडरेट है कंसीडरेट है ये हर चीज को कंसीडर करते हुए चलता है कंसीडरेट है एक होता है क्रूल निर्दयी टाइप का व्यक्ति है एक तो आपसे बड़े प्यार से बात करता है एक आपसे बहुत ही चिड़के बात करता है ना तो एक व्यक्ति जो आपसे प्यार से बात करता है उसको आप कहोगे काइंड वेनिबुलेंट मर्सीफुल कंसिडरेट एक होता है क्रूल है हार्स है एट्रोसियस है एट्रोसिटी से बन गया एट्रोसियस वायलेंट और violence, वायलेंस उपद्रव वायलेंट उपद्रवी एट्रोसियस उपद्रवी कैलोज मतलब कठोर लिख लो कठोर निष्ठुर ऐसा व्यक्ति है जिस पर किसी भी चीज का कोई फर्क नहीं पड़ता ठीक है मेरे भाई आगे एडजेक्टिव की तरह यूज किया जाएगा नेक्स्ट देखो आप देखो कोर्स है है इसकी जो पीडीएफ ना वो भी मैं प्रिंटेबल फॉर्म में देने वाला हूं जहां जिस जिस पीडीएफ से आपका बहुत सारा फायदा होगा जो पीडीएफ मेरे पास इससे भी ज्यादा वर्ड्स की जो प्रिंटेबल पीडीएफ मिलेगी ना ये जो क्लास है जिसमें मैं आपको वन थाउजेंड प्लस वो कैबुलरी करा रहा हूं इसकी जो पीडीएफ मिलेगी ना वो पीडीएफ में आपको प्रिंटेबल फॉर्म में दूंगा ठीक है प्रिंटेबल फॉर्म में और प्रिंटेबल फॉर्म में जब मैं आपको पीडीएफ दूंगा तो उसके लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा ओपन स्टडी टेलीग्राम चैनल और वो प्रिंटेबल पीडीएफ ऐसी होगी जिसमें से मैंने ये वर्ड सेलेक्ट करे हैं यानी कि उस वर्ड में देखोगे तो उस वर्ड में तो 340 सौ फॉर्मेट हैं जो हम लोग मैंने आपको शेयर करी थी तीन में अगर आप दस से मल्टीप्लाई करते हो तो चौंतीस यानी कि थ्री प्लस आपको मिल जाएंगे तो ये जो PDF है ये क्लासरूम की ये तो जाएगी ही साथ के साथ वो प्रिंटेबल पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी जिसमें तीन हजार से भी ज्यादा वर्ड्स होंगे ठीक है हाँ तो उसके लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा ओपन स्टडी वहां पर जाकर के आप पीडीएफ ले सकते हो क्लियर नेक्स्ट कोर्स मतलब होता है खुरदरा दानेदार रफ एकदम भद्दा सा बेकार बोल सकते हो भद्दा बोल सकते हो ठीक है रफ भद्दा बेकार रूड हो जाएगा क्रूड हो जाएगा ग्रॉस हो जाएगा अनरिफाइंड कोई ऐसी चीज है जो रिफाइंड नहीं है जो साफ सुथरी नहीं है अनकौथ अनकौथ मतलब गंदी है ठीक है क्लासी एक है एकदम क्लीन स्मूथ एकदम साफ सॉफ्ट एकदम प्यारी बिल्कुल सॉफ्ट स्मूथ फाइन पोलाइट रिफाइंड क्लियर कट समझ पा रहे हो सीमा दाबेल салу शरिता अभी सिंह आगे तुम चाहत ब्लंडर होता है बहुत बड़ी भूल महापाप बड़ी गलती बहुत बड़ी गलती मिस्टेक एरर होता है गेफ होता है गेफ जानते हो बड़ा प्यारा इम्पोर्टेंट है याद रखना गेफ मतलब होता है क्या एक बहुत बड़ी गलती है ना गेट क्रैश होता है स्टम्बल होता है स्टम्बल बहुत बड़ी भूल पास ये होता है देखो फॉक्स पास इंपॉर्टेंट वर्ड है यहाँ पर याद रखना है फॉक्स पास मतलब आपको एक शादी में गेटमैन बना के रखा गया कि इसमें कोई भी व्यक्ति कोई भी जानवर अंदर नहीं जाना चाहिए और उसी गेट से फॉक्स जो है पास हो गई एक लोमड़ी अंदर चलेगी तो आपने बहुत बड़ी गलती कर दी भाई आपसे बहुत बड़ी गलती हो गई भूल हो गई है ना फॉक्स पास हो गया करेक्ट होता है एकदम सटीक करेक्ट एक एक्यूरेसी स्टोर होता है रिस्टोर होता है अचीव ठीक है आगे चलो इसेंशियल मतलब होता है आवश्यक इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट होता है विटाल विटाल मतलब होता है कि ये तो बहुत ही बड़ी चीज है विशाल का है और अच्छी है विटाल मतलब होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट डिसीजन बोलते हैं ना विटाल विटालस आई हैव टेकन इन दिस मैटर तो क्रूसियल बोलते हैं क्रूसियल डेट है एक है टेंटेटिव डेट है क्रूसियल डेट है मतलब क्रूसियल डेट जानते हैं ना क्रूसियल मतलब हाँ तो क्रूसियल मतलब होता है स्टार्टिंग सॉरी इंपॉर्टेंट आवश्यक इंपॉर्टेंट ठीक है नेसेसरी और फंडामेंटल फंडामेंटल मतलब ये जरूरी है ये तो करना ही करना है इसको इसके बिना काम नहीं चलने वाला एक होता है माइनर सा तुच्छ माइनर मतलब नीडलेस जिसकी बहुत जरूरत नहीं है या जिनके होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता तुच्छ इनफीरियर बोलते हैं है ना नॉन सेंशियल और इरेलीवेंट मतलब जो चीज ऐसी है जो रेलिवेंट है नहीं है जरूरी नहीं है मैंने कहा यार इनके होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता हो तब भी चलेगा नहीं हो तब भी चलेगा जब आप फॉर्म फिल करते हो तो उसमें दो तरह के बॉक्सेज आते हैं एक आता है रिक्वायर्ड जिसके ऊपर रेड कलर का स्टार बना होता है एक होता है नॉन रिक्वायर्ड अगर आपकी मर्जी है तो भर दो वरना कोई जरूरी नहीं है ओनर्स का मतलब होता है जिम्मेदारी यानी कि अगर आपके ऊपर ओनर्स हैसिबिलिटीज हैं तो आप बोल सकते हैं आई हैव सो मैनी ओनर्स ऐसे करके बर्डन वेट लाइबिलिटी ड्यूटी इनकम्बरेंस इनकम्बरेंस का मतलब भी होता है जिम्मेदारियां है ना रेस्पॉन्सिबिलिटीज एक होता है भैया हेल्प एडवांटेज है कि भैया मुझे कोई दिक्कत नहीं है मैं एकदम जैसा हूं वैसा ही बढ़िया हूं मेरे पास कोई वर्ड नहीं है आई एम फ्री तो वो होता है हेल्प एडवांटेज क्लियर आगे बढ़ो एक होता है प्लेजर मैंने कहा आज का जो वेदर है एकदम कैसा है प्लेजर है वेदर इज प्लेजर प्लेजर मतलब एकदम खुशहाल बढ़िया खुशहाल प्रसन्नता प्रसन्नता हैप्पीनेस प्लेजर मतलब नाउन की तरह लिखोगे ठीक है प्लेजेंट प्लेजेंट होता है एक प्लेजर होता है प्लेजर मतलब खुशी प्लेजर मतलब खुशी ठीक है और प्लेजेंट मतलब होता है आपका खुश से रिलेटेड खुश बढ़िया डिलाइट होता है एंजॉयमेंट प्लीज्ड जॉय सैटिस्फैक्शन फिर आ जाते हैं एगॉनी एगॉनी मतलब चिड़चिड़ापन एगॉनी का मतलब होता है चिड़चिड़ापन ठीक है डिसअपॉइंटमेंट निराशा लिख सकते हो क्या लिख लोगे यहाँ पर निराशा तनाव परेशानी बोल सकते हो परेशानी अगर आपके जीवन में बहुत सारी परेशानियां हैं तो एगोनी है डिसअपॉइंटमेंट्स है बॉर्डम है पेन है हेट है आगे बढ़ो देखो अभी, अभी हम लोग पढ़ के ना कैजुअल मतलब होता है किसी को चापलूसी करना किसी की तो डिस और परसवेड देखो परसवेड हमने अभी अभी पढ़ा था राजी करना किसी को मनाना और मनाना किसी को राजी करना है और अगर आप किसी को राजी नहीं कर पा रहे हो तो आप उसको बोलते हैं जा भाई जा तेरे होने ना होने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता ऐसे करके हम किसी को डिसवेड कर देते हैं धक्का मार के भगा देना उसको गाली गलौज कर देना ये होता है न करने के लिए रोकना मैंने कहा ठीक है यार मत करो बोलते हैं कि मेरे से बात मत करना मैं तुमसे आज के बाद बात नहीं करूंगा करूंगी तो क्या कहता ठीक है नहीं करना मत करना कोई दिक्कत नहीं है तो उसको बोल देते हैं हमने इसको डिसवेड कर दिया ये कहते हैं नहीं नहीं प्लीज बाबू रुक जाओ वो वाला सीन होता है तो वो परसुएड वाला होता है कैजोल होता है ठीक है मैं तुम्हारे बिना जी नहीं पाऊंगा वो वाला सीन होता है परसुएड का गलती चाहे कितनी भी हो लेकिन हम उसको मना ही लेते हैं एक होता है डिसवेड भले ही गलती ना हो या हो कुछ भी हो कितनी भी गलती हो हम कह देते हैं भाई जा तो वो होता है डिसवेड दोनों तरह के लोग होते हैं डिटर करना प्रिवेंट कर देना रोक देना मैं ठीक है चलो डिक्लाइन करना ठीक है, डिसक्लाइन करना एक होता है डाइवर्ट करना लेट, लेट होता है, ठीक है हाँ। कर देना, ठीक है, तुम कर सकते हो यू कैन डू वो वाला टाइप इम्पेल करना कन्विंस करना कि नहीं नहीं मैं आज के बाद सुधर जाऊंगा मैं आज के बाद ये नहीं करूंगा वो नहीं करूंगा कर, इनसाइट करना किसी को एंग्विश होता है पीड़ा एगोनी ठीक है दर्द कष्ट बोल सकते हो अगर आपके जीवन में बहुत सारी एगोनी है एगोनी मतलब बहुत ज्यादा एंग्विश है कष्ट है बहुत ज्यादा कष्ट है ठीक है भाई हम्म <laughs> हाँ इसके बाद कहीं और से वो कैबला भी नहीं पढ़ने की जरूरत पड़ेगी डिस्ट्रेस होता है पेन है डिस्ट्रेस है पेन है माइजरी है टोर्नमेंट है टोर्मेंट टौर, है सफरिंग है हैप्पीनेस है कंफर्ट है कम्फर्ट जानता ना कंफर्ट बड़ा प्यार आ रहा है आराम बड़ा मजे से ठीक है हाँ हाँ एक्सटोट हो जाएगा ठीक है कंटेनमेंट कंटेनमेंटल होता है, कंटीन्मेंट, है एकदम आराम ठीक है तो ये तो हो गया ऊपर वाला पीड़ा दर्द ये होता है खुशी और आराम खुशी बोल सकते हो और आराम बोल सकते हो ठीक है हाँ चलो एक और वर्ड देखो यहां पर सभी लोग इस वर्ड को पढ़ना एक बार फटाफट से देखो थ्राइव जानते थ्राइव अभी अभी हम लोग पढ़ के आए एक word. देखो थ्राइव और फ्लोरिस जो अभी, अभी हम लोग पढ़ रहे थे ना जैसे अभी इससे पहले एक वर्ड पढ़ के आए ना इससे पहले वो वर्ड पढ़ा था शायद कौन सा फ्लोरिस किसका सरनियम था भाई बताओ अगर आपको याद हो तो वो वाला था आ, नर्चर नर्चर का मतलब होता है किसी चीज का पालन पोषण करना ठीक है बिल्ली मौसी आ गई है यहां पर मतलब होता है फलना फूलना ठीक है पोस्पर मैंने कहा आप तो बहुत ज्यादा तरक्की कर रहे हो <laughs> समृद्ध हो गए हो तो जब कोई व्यक्ति <laughs> समृद्ध होता है प्रॉस्पर होता है मतलब समृद्ध फलना फूलना जिसके में जो है समृद्धि आती है यानी कि अगर किसी व्यक्ति के पास पैसा सक, सब कुछ आ रहा है, है इंक्रीज है 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 मतलब आगे कर रहा है, ग्रो कर रहा रहा ग्रो समृद्ध होना बढ़ना ये वर्ड की तरह यूज किए जा रहे हैं सारे के साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट एक भी फ्यूज और फॉल्स वर्ड नहीं है सारे के सारे एकदम फायर वाले वर्ड है आग लगाने वाले वर्ड डिक्लाइन है एक है आपका एंग्स है एंग्स है एक डेट्रियोरेट है ठीक है डेटोरेट सॉरी एक होता है बैक फायर अब ये बैक फायर और डेटोरेट क्या होता है डेटोरेट मतलब होता है बैकवर्ड में चले जाना जैसे मान लो अगर आप हाँ जब आप किसी बैकवर्ड में चले जाते हो आप कोई भी काम करते करते क्या हो जाते हो बैकवर्ड में चले जाते हो तो उसको कहा जाता है भैया अब तो हमारे जीवन में क्या आ गई गिरावट आ गई है चलो आगे बढ़ते हैं एक होता है कंडोन कंडोन का मतलब होता है अनदेखा करना है ना ओवर लुक करना किसी भी चीज को नजरअंदाज कर देना ये होता है जैसे यहां पर फॉरगेव है मैंने कहा ठीक है यार गलती होगी जाने दो उसको ठीक है भाई हाँ रोशियन सैलिस है प्रीति है बिल्ली मौसी चाहत चलो तो फॉरगे मतलब जैसे मान लो किसी ने आपसे साइकिल टकरा दी तो आप कहते हैं नहीं आप तो इसको ठीक करके ही मानूंगा एक होता है जाने देना चलो ठीक है तो फॉरविड होता है मना करना फॉरगिव होता है किसी को क्या कर देना जाने देना पार्डन माफ कर देना अनदेखा कर देना ठीक है चलो छोड़ो यार कोई बात नहीं और approve एक होता है फॉरविड मना कर देना नहीं भाई ऐसा नहीं होगा फॉरविड करना प्रिवेंट करना सेंस्योर करना कंडेम्ड करना एक्सक्यूज करना सॉरी करना, करना आगे देखो नेक्स्ट पेल मीन होती है बाल्टी बकेट ठीक है जिसमें आप पानी लेके जाते हो या कोई भी फूल वूल कुछ भी लेके जाते हो उसको कहते हैं पेल पी ए आई एल पेल होता है जग हो गया बास्केट हो गया कुछ भी ऐसे कोई भी कंटेनर को हम लोग जिसमें कुछ चीजें कंटेन करते हैं उसको कंटेनर कहते हैं ठीक है आ, रिसेप्टिकल रिसेप्टिकल कैन होता है कैन जिसमें लटका के कोई चीज लेके जाते हैं कंटेनर है कैन है बास्केट है जग है पेल है ये सारे के सारे क्या होते हैं सिमिलर मीनिंग्स होते हैं कुछ होते हैं जैसे अब इसके देखो एंटोनिम नहीं लिखे तो हमने लिख दिया है नो एंटोनिम इसके कोई है ठीक है तो ऐसे करके आप समझ सकते हैं एक होता है ब्रिस्क देखो ब्रिस्क क्या होता है कारक मतलब कोई भी ऐसी चीज है मैंने कहा भाई ये ले जाओ दो गोली सुबह दो गोली शाम को खाना इससे आपके जीवन में क्या आ जाएगी फुर्ती आ जाएगी तो आपने जो मेडिसिन ली है ना जो आपने दवाइयां ली हैं इनको कहते हैं क्विक मतलब लिबली कोई भी ऐसी चीज है जो फ्लेक्सिबल है एनर्जेटिक है जैसे यहां पर लिखा हुआ है लिबली ड लिखा हुआ है तो कोई ऐसा व्यक्ति है जो एकदम खुश रहता है एकदम कैसा रहता है भैया फुर्तीला रहता है आप लिख सकते हो यहां पर फुर्तीला फुर्तीला मतलब भैया फुर्तीला व्यक्ति ठीक है ठीके? फ्लेक्सिबल है फ्लेक्सिबल बड़ा प्यारा शब्द होता है फ्लेक्सिबल लिख लो यहां पर ठीक है फ्लेक्सिबल ये हो जाएगा एक्टिव है एनर्जेटिक है लिवली है स्प्राई है स्प्राई बहुत बड़ा प्यारा शब्द है रिसेंट एग्जामिनेशन में पूछा गया वर्ड है ठीक है अभी नौ नवंबर को शिफ्ट हो जाएगा ना स्पीड uh, ही हो जाएगा अब आ जाते हैं स्लो स्लो हो गया कोई ऐसा व्यक्ति जो बहुत ही स्लो है, है, uh, है लेट आलसी. आलसी है, 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 uh, है कुछ नहीं करता <laughs> बहुत बढ़िया सभी लोग सेशन को लाइक करते चले फटाफट फटाफट वन थाउजेंड लाइक्स कंप्लीट कर दो फटाफट से ठीक है अच्छा ग्रूसम क्या होता है ग्रूसम का मतलब होता है डरावना कोई ऐसी चीज है जिससे आप डर जाते हैं एकदम भयंकर सी कोई चीज है तो आप उसको कहोगे डरावना ठीक है कैसा है भैया है है यानी कि हिडियस हिडियस मतलब ऐसी चीज जिसको देख के आप डर जाते हो फिर आ जाते हैं ग्रिसली मैंने कहा ये चीज एकदम कैसी है ग्रिसली है अपीलिंग अपीलिंग है भाई हॉराइबल है स्केरी है मतलब मैं इससे डर जाता हूँ स्केरी है टू जेड हर हर वर्ड को आपको इक्वल इंपॉर्टेंस देनी है एक एक शब्द बड़ा चुन चुन के जैसे बागानों से ताजा चाय तोड़ के लाई जाती है ना हाँ जैसे वो ऐड देते हैं ऐसे ही बहुत सारी वो कैबलरी में से एक एक वर्ड चुन चुन के मैंने आप लोगों के लिए कलेक्शन इकट्ठा किया है ठीक है हाँ मेरी ठीक है तबीयत भाई प्री प्रिटी है और डिलाइटफुल है अट्रैक्टिव और प्लेजेंट ठीक है ये बढ़िया सेंस में आता है जैसे किसी चीज को देख करके अगर आपको अच्छा लगता है कि यार मजा आ गया अप्रेज होता है मूल्यांकन करना किसी चीज को जज करना इवेल्युएट करना अप्रेज मीन्स होता है टू इवेल्युएट समथिंग और सम्बन सम्बन क्या समथिंग ही होता है किसी भी चीज को परखना उसको जज करना देखना कि इसमें एक्चुअली क्या है ये चीज कैसी है कैसी नहीं है इसको एक्स एसेज करना मेजर करना एस्टिमेट लगाना उसकी वैल्यू एस्टिमेट करना वैल्यू रखना उसको है ना इवैल्यूएट करना हाँ फिर होता है एक डेप्रिशिएट करना डेप्रिशिएट करना मतलब पहले से अनुमान लगा लेना आपने प्रेज्यूम कर लिया है ना प्रेज्यूम करना होता है एबोर नफरत करना है ना आप उसको देखना ही पसंद नहीं कर रहे हो एक्यूरेट हम्म प्रज्यूम होता है किसी भी चीज़ को ठीक देखो जैसे एक्यूरेट है तो आपने किसी चीज को एक्यूरेट कर दिया मतलब आपने फिक्स कर दिया कि इसकी ये जो है ये एक्यूरेट है इसमें किसी भी चीज़ के गुंजाइश नहीं है मैंने कहा ये सौ रुपए की है तो सौ रुपये की है फिर वो क्या है एक्यूरेट है इसका जो एक्यूरेट प्राइस है एक होता है कि भैया चलो इसकी इवेल्युएट करते हैं इसको एवेल्युएट करते हैं कि सौ रुपए की है कि पचास रुपए की एक तो एक्यूरेट होती है एक होती है किसी भी चीज़ को एक्यूरेट करना और एक होता है एवेल्युएट करना हाँ सोल होता है ओनली जानते ना सोलो ट्रिप पे जा रहे हैं हम लोग तो सोलो जो वर्ड है वो सोल से बना हुआ है सोलो मीन सोल मीन अकेला ठीक है सोलो डांस होता है तो मतलब ओनली एकमात्र सिंगल आप कह सकते हैं सिंगल हो गया यूनिक हो गया एलोन हो गया लोन हो गया सोलिट्री हो गया सारे के सारे सिनोनिम्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है हर एक वर्ड में कम से कम बारह वर्ड तो है ही है दो और पांच दो सात सात और पांच बारह किसी में मान लो दस भी नहीं होंगे तो आठ हो जाते किसी किसी में आठ भी हैं तो टोटल ऑन एवरेज आप दस का एवरेज लेके चलना बहुत सारे वर्ड्स मिलेंगे yeah. कोडियल मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड कोडियल मतलब होता है कि ऐसा व्यक्ति या कोई ऐसी चीज जो आपके साथ फेमिलियर होती है जैसे मान लो कोई जानवर है और कोई जानवर है आप उसके सामने चलेगे फिर भी वो व्यक्ति जो है वो जानवर आपको मार नहीं रहा है इसका मतलब है कि आप उस व्यक्ति के साथ फेमिलियर हो गए हो आप उस व्यक्ति के साथ फेमिलियर हो गए हो ठीक है रोशियन रोशियन है भाई साहब लव यू सर जी थैंक यू भाई बड़ा प्यार दिखा रहे हो आप ठीक है जीनियल है वार्म है एपेबल है एमिएबल है एमिकेबल है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है मोस्ट रेलिवेंट और मोस्ट सिमिलर मीनिंग्स है एमिएबल और एमिकेबल ठीक है एक होता है शत्रु एक होता है मैत्रीपूर्ण एक होता है शत्रु ठीक है मैत्रीपूर्ण मतलब फ्रेंडली फ्रेंडली मतलब हार्दिक एक ऐसा व्यक्ति है जो आपके बहुत ही सगा होता है बहुत ही मिला जुला सा होता है मैंने कहा तुझे जब भी जरूरत पड़ेगी मैं तेरे साथ हूँ क्योंकि मैं ये बंदा एक तरीके से कॉडियल है मेरे साथ एकदम फ्रेंडली है ठीक है अनफ्रेंडली होता है एक ऐसा व्यक्ति जो अनफ्रेंडली है देखो हॉस्टाइल शत्रु होता है अनफ्रेंडली रूड लोनली सब हो गया आपके आगे बढ़ते हैं इनफॉर्म मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो फर्म नहीं है जैसे एक वर्ड होता है फर्म सर फर्म क्या होता है फर्म होता है एकदम दृढ़ी एक ऐसा व्यक्ति है जो अपनी बात पर दृढ़ है ठीक है तो उसको कहते हैं ये बंदा तो फर्म है भाई है ना एक होता है आपका कमजोर व्यक्ति इनफॉर्म ठीक है जो दृढ़ नहीं है अपनी बात पर एकदम टिका हुआ नहीं है वो नॉर्मल व्यक्ति है ठीक है अपनी बात पर टिका नहीं है इनफर्म व्यक्ति है तो कमजोर व्यक्ति को कहते हैं वीक यानी कि इनरवेट कह सकते हो इसमें वर्ड होता है है ठीक है एक है इनवैलिड ठीक एक डिसेबल्ड मतलब कोई कमजोर है फॉल्टी है 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 जिसमें कोई कमी है, ठीक है, वाइड है, फ्रेल होता है कमजोर फीवल होता है है फीवल भी लिख सकते हो ठीक है हाँ डिफेक्टिव भी बोल सकते हो कोई ऐसा व्यक्ति जैसे मैंने कहा कि मैं इस काम को करके ही मानूंगा तो मैं दृढ़ हूं ठीक है मैं फर्म हूं बट मतलब कमजोर है कि मैं कर नहीं सकता मैं डरा बना मैं थोड़ा सा हट्टा खट्टा खट्टा मतलब बेटर वाला खट्टा नहीं हट्टा खट्टा बोलते ना ये तो हाथी हो रहा है एक होता है पावरफुल है ताकत भर व्यक्ति है इम्पैक्टफुल है इम्पैक्टफुल मतलब जिसपे कुछ कोई चीज प्रभाव कर गई है बहुत ही एकदम ऐसे करके चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट होलसम होता है पौष्टिक अगर कोई ऐसी चीज है जिसमें मिनरल्स हैं हैं या कोई ऐसी चीज है जो लाभप्रद है आप इसके आगे लिख सकते हो लाभप्रद कोई भी ऐसी चीज़ जिससे आपको फायदा होता है लाभप्रद है मैंने कहा या तो ये तो हेल्दी है साउंड एक वर्ड जो होता है ना साउंड साउंड एक्चुअली कई तरह से यूज हो जाता है साउंड वर्ड को समझ लो साउंड नाउन भी होता है एडजेक्टिव भी होता है वर्ब भी होता है तीनों तरह से यूज कर सकते हो अगर आप साउंड को नाउन की तरह यूज करोगे तो इसका मतलब होता है आवाज यानी कि नॉइज अगर आप इसको एडजेक्टिव की तरह यूज करोगे तो ये होता है आवाज़ वाला यानी कि नॉइजी ठीक है नॉइजी भी होता है साथ के साथ होता है हेल्दी हेल्दी मतलब स्वस्थ ठीक है इसके आगे लिख लेना स्वस्थ अगर कोई ऐसा व्यक्ति है या कोई ऐसी चीज है जो हेल्दी है तो उसके आगे आप हेल्दी की जगह क्या लिख सकते हो साउंड लिख सकते हो और वर्ब का मतलब होता है आवाज करना ठीक है आवाज करना मतलब किसी भी चीज में से अगर साउंड आ रहा है तो उसको कहोगे कि यार साउंड मतलब वर्ब की तरह आप इसको यूज कर सकते हो क्लियर है तो होलसम का जो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है इसका सिनोनिम बोल सकते हो या इसका मीनिंग बोल सकते हो होलसम होता है पौष्टिक पौष्टिक मतलब कोई ऐसी डाइट अगर आप ले रहे हो कोई भी चीज़ ऐसी खा रहे हो या जो भी ग्रहण कर रहे हो अगर वो साउंड है यानी कि हेल्दी है तो आप बोल सकते हैं सेल्यूटरी है सेल्युब्रियस है हेल्दी है सारे के सारे इंपॉर्टेंट वर्ड्स यहाँ पर लिखे हुए हैं बेनिफिजियल है बेनिफिशल सेल्यूट्री सुप सेलिब्रे हेल्दी एक होता है बैड और हार्मुल मतलब कोई ऐसी चीज है जो हार्मुल uh, है मतलब जिसको जैसे फास्ट फूड वगैरह होता है कुछ भी एक्स्ट्रा चीजें होती हैं जो हम लोग खाते हैं तो उसमें से एक तो ऐसी होती है जो हेल्दी होती है एक ऐसी होती है जो अनहेल्दी होती है नॉक्सिस होती है और नोइजम होती है ठीक है नेक्स्ट आगे आ जाओ एलियोर मतलब होता है किसी को अपनी तरफ आकर्षित करना अट्रैक्ट करना ठीक है अगर आपने आ, मतलब सेल लगा दी किसी भी चीज की तो लोगों को आप बोल बोल के बुला रहे हो भाई साहब पांच के दो पांच के दो बीस रुपए की चीज पांच के दो बेच रहे हो तो आप लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हो ठीक है एल्योर कर देते हैं मोहित कर देना एक तो वो वाला अट्रैक्शन होता है एक होता है किसी को बातों में लगा लेना किसी के सामने इतनी प्यारी प्यारी बातें कर दो कि सामने वाला उलझ जाए आप कोई देखते रहे आपके है ना तो वो लोग क्या करते हैं जितने भी रिसेप्शन होते हैं ना, जितने भी भी आप जब भी किसी शोरूम में जाओगे तो वहां पर रिसेप्शन पे अच्छे अच्छे लोग बिठाते हैं या तो लड़कियां होंगी जिनको बात करने की तमीज होती है ठीक है आकर्षित करना, करना मतलब अट्रैक्ट करना ठीक है, अट्रैक्ट करना चाम करजमा करजमा ठीक है, होता है रिपेल होता है डेटर मतलब किसी को बॉर्डम ये तो हम लोग पढ़ के आ चुके हैं डिस्करेज करना किसी को हतोत्साहित कर देना कि भाई साहब तुम्हारा यहां कुछ नहीं हो सकता ठीक है ऐसे करके बोल देते हैं तो एलियोर आपको समझ में आ जाएगा फिर आ जाते हैं पेरिस वर्ड देखो पैरिस एक वर्ड की तरह यूज किया जाने वाला वर्ड है पैरिस पैरिस का मतलब होता तो है नष्ट हो जाना मीन्स खत्म हो जाना मार्केट से पूरी तरह समाप्त हो जाना खत्म हो जाना ठीक है पैरिस मीन्स नष्ट हो जाना टू पैरिस मर जाना मर जाना, जाना भी लिख सकते हो मर जाना ठीक है नष्ट हो जाना पेरिस क्लियर है सभी को <coughs> समझ गए चलो एक होता है सर्वाइव सर्वाइव मतलब जीवित रहना सर्वाइव मतलब जिंदा रहना एक्साइट सॉरी एग्जिस्ट यहां पर लिख लो जीवित रहना जीवित रहना इंप्रूव एक होता है सर्वाइव मतलब जीवित रहना इंप्रूव अपियरेंस अपियर जानते हो ना हाँ सबसिस्ट जानते हो बने रहना टिके रहना एक मार्केट में डटे रहना हाँ चलिए नेक्स्ट अगला वर्ड देखो अगला वर्ड लिखा हुआ है मेनिया जानते हो ये तो रूट वर्ड होता है जिसके भी यहाँ पे बहुत सारी वोकेबलरी हम लोग पढ़ते हैं मेनिया मतलब होता है पागलपन सनकीनेस मैडनेस जिसको कहते हैं जैसे रेज है रेज मतलब होता है पागलपन है किसी चीज को लेकिन इंसैनिटी इंपॉर्टेंट वर्ड है इंसैनिटी है पैशन है मैंने कहा कि मैं रेस करता हूँ कोई व्यक्ति अगर रेस कर रहा है साइकिलिंग कर रहा है इसका मतलब उसके अंदर पागलपन है उस वो काम करने का ठीक है क्रेज है क्रेज है मैंने कहा भाई मुझे इस काम को करने का बड़ा क्रेज है देखो क्रेज है ऑब्सिजन है एक होता है सैनिटी मतलब सैनेटी मतलब शांति है ठीक है रेशनैलिटी है है, मतलब थोड़ी तमीज जिसको कहते हैं ना साउंडनेस है तो एक तो होता है पागलपन किसी चीज को लेके एक होती है शांति मैंने कहा मैं तो इस काम को धीरे धीरे करूंगा एक ऐसा व्यक्ति होता है जो मतलब पागलपन के साथ करता है टी ब्रेक ले लो चलो मेरी चाय आ गई है देखो भाई मेरे पास तो चाय आ गई है आप लोग अपना देख लो मेरा टी ब्रेक होने वाला है थोड़ी देर में ठीक है चाय के साथ अभी सौ नंबर पे मैंने जो है ब्रेक लेना है टेंशन मत लो आप लोगों को भी ब्रेक मिलेगा ब्रेक ब्रेक में भागना नहीं है बस पानी पुनी पी के वापस आ जाना सुपरफेसियल होता है ऊपरी मतलब ऊपर ऊपर से जो होता है ना छिचला जिसको कहते हैं सैलो ये होता है ऊपरी एडजेक्टिव की तरह यूज़ किया जाएगा ठीक है सैलो मीन्स होता है ऊपरी छिचला सुपरफिस सुपरफिशियल सेल हो गया सरफेस हो गया कर्जरी हो गया और फ्रीवोलस हो जाएगा फ्रीवोलस एक होता है डीप डीप मतलब गहरा अंदर तक की चीजें होती है ना प्रोफाउंड गंभीर डीप गंभीर लिख सकते हो ठीक है थोरो होता है कंप्लीट जेन्युन होता है जेन्युन मतलब असली हाँ नेक्स्ट इकोनोमिकल होता है थ्रिप्टी कंजूस किफायती एक अल्प व्ययी जिसको कहते हैं अल्प व्ययी मतलब कम खर्चा करने वाला व्यक्ति फ्रूगल फ्रूगल कंजूस जिसको कहते हैं चीफ मतलब कंजूस है ये बहुत पैसा कम खर्च करता है प्रूडेंट होता है भैया समझदार मतलब समझदारी के साथ पैसा खर्च करने वाला इनएक्सपेंसिव कोई ऐसी चीज नहीं है कि भैया इस पर बहुत ज्यादा खर्चा होता है अच्छा कुछ लोग ऐसे होते हैं कुछ लोग ऐसे भी होते हैं हाँ कुछ लोग कैसे होते हैं एक्सपेंसिव होते हैं बहुत ही खर्चीले एक्सपेंसिव एक्स्ट्रावेगेंट होते हैं वेस्टफुल होते हैं लवेस खर्चीला अगर कोई ऐसी चीज़ है जो खर्चीला है या कोई व्यक्ति है जो खर्चीला है तो उसको कहते हैं एक्स्ट्रावेगेंट वेस्टफुल लवेस ठीक है हाँ एक्सपेंसिव एक्सपेंसिव होता है पैसे वाले कोई चीज़ ठीक बहुत बढ़िया एक होता है प्रियम्बल प्रियम्बल जानते हो क्या होता है प्रस्तावना इंट्रोडक्शन जब आप कोई भी चीज शुरू करते हो तो सबसे पहले उसके बारे में बताया जाता है कि ये कहानी बिल्कुल काल्पनिक है इसके सारे के सारे पात्र और जगह भी काल्पनिक है इनको अपने दिल पे ना लें और शांति का माहौल बनाए रखें माहौल खराब ना करें ठीक है सभी लोग सेशन को लाइक करते रहें जिससे कंप्लीट वन थाउजेंड हो जाए हंड्रेड पे वन थाउजेंड लाइक्स तैयार होने चाहिए मजा नहीं आएगा तो रिकॉर्ड्स सब बना दिएगा होता है प्रस्तावना इंट्रोडक्शन प्रीफेस फॉरवर्ड एक होता है प्रीफेस मतलब जब भी आप किताब खोलते तो उसके ऊपर प्रीफेस लिखा होता है भूमिका फॉरवर्ड होता है प्रोलोग होता है प्रिल्यूड होता है समझ पा रहे हो हुँ. एक होता है कंक्लूजन निष्कर्ष रिजल्ट क्या होता है रिजल्ट होता है कंक्लूजन होता है ठीक है कंक्लूजन रिजल्ट यानी कि निष्कर्ष क्या होता है भाई निष्कर्ष होता है एक होता है सॉरी पोस्ट पोस्टक्रिप्ट होता है एंडिंग होता है फाइनल फिनाले जानते हो ना फिनाले फिनाले जब बहुत सारे एपिसोड्स के बाद एक फिनाले होता है तो ये वही फिनाले है प्रियम्बल ठीक है भाई चलो प्रीति हैं श्रद्धा जी हैं और मानवी ऊषा कविता और शैलेश रशियन <laughs> <laughs> चलो थैंक यू सो मच बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों के प्यार का धन्यवाद एडवोकेट होता है देखो एडवोकेट नाउन भी होता है मेरे प्यारे साथियों हो। भी होता है वर्व की तरह यूज करोगे तो इसका मतलब होता है समर्थन करना और अगर आप नाउन की तरह यूज करोगे तो ये हो जाता है वकील समर्थक भी बोल सकते हो अगर कोई व्यक्ति समर्थक है वकील है तो आप नाउन की तरह यूज कर सकते हैं एडवोकेट को और एडवोकेट को वर्ब की तरह यूज करोगे तो समर्थन करना हो जाता है सपोर्ट ठीक है डिफेंड करना किसी को जैसे मान लो कोई व्यक्ति है जो आपको डिफेंड कर रहा है अरे वाह क्या बात है सौ हंड्रेड होते होते आपने वन थाउजेंड प्लस कर ही दिए सब ने वन थाउजेंड जो है पूरे कर दिए लाइक्स है ना काउंसिल करना डिफेंड करना प्रमोट करना एनकरेज करना मतलब जब हम किसी को इनक्रेज करते हैं किसी को काउंसिल करते हैं समझाते हैं ठीक है बचाते हैं डिफेंड करते हैं एक होता है ओपोनेंट उसके विरोध में मान लो ये आपके विरोध में भी एक कौन है एक वकील है आपका जो ऑपोजिशन है एंटागोनिस्ट होते हैं विरोधी लिख लो यहां पर विरोधी लिखोगी विरोधी ओपोजिशन शाबाश मेरे भाई मजा आ गया तुमने यार खुश कर दिया आज तक ठीक है चलो अब आ जाते हैं आज की कुछ कहानी की तरफ थोड़ी सी कहानी मैं आप लोगों के सामने रखने वाला हूं ओपन स्टडी गुरुकुल जो है वो स्टार्ट हो चुका है कुछ बातें हैं ध्यानपूर्वक सुनिएगा पहली बात तो गुरुकुल की बात मैं बता देता हूं सपने अगर आपने बना रखे हैं तो उनको साकार हम करने में आपकी मदद करेंगे अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जो ऑफलाइन क्लासेस लेकर के कस्टडी में रह के पढ़ना चाहता है ओपन स्टडी गुरुकुल है दिल्ली मुखर्जी नगर की लोकलिटी में ज्वाइन कर सकते हो जहाँ पर सारी सुविधाएं आपको एक ही जगह दी जाती है hostel, food, library, wifi, classes, 16 hours का study, एक strict study routine आपको follow करवाया जाएगा teachers की guideline आप लोगों को मिलेगी doubt facilities, सारी की सारी basic facilities आपको यहाँ पर provide कराई जाएंगी ये आपका contact number है आप call message कर सकते हैं किसी भी exam की अगर आप तैयारी कर रहे हैं दूसरी चीज़ अगर किसी को foundation classes लेनी है ये आप लोगों को मैं बता चुका हूँ already, foundation batch eight जो है वो available है open study application पर जा करके रेटिंग देखना कमेंट्स पढ़ना वहाँ के जो वो व्यूज़ हैं रिव्यूज़ हैं उनको पढ़ना रिकॉर्डेड बैच भी अवेलेबल है लाइक करना शेयर करना चैनल पर जो लोग नए हैं अगर किस्मत नहीं चमक रही है इंग्लिश की वजह से रुकावट आ रही है तो भाई साहब फिर ओपन स्टडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है जिससे आगे की क्लासेस आप लोगों को मिलती रहें अपने दोस्तों को भी बता देना अगर किसी तरह की इंक्वायरी करनी है आपके पास कॉन्टैक्ट नंबर से ठीक है अब आ जाते हैं आगे देखो यहां पर मैं आप लोगों को थोड़ा सा एक चीज को लेकर डिस्कशन करवा रहा हूं कि मैंने अभी तक आप लोगों को कितने वोकेबलरी करा दिए जो वादा आपसे किया था कि कम से कम एक हजार वर्ड्स तो मैं आपको कराऊंगा ही वो तो हो गया यहां पर पूरा हमने यहां पर हंड्रेड फॉर्मेट्स कंप्लीट करे हैं और एक फॉर्मेट में दस वर्ड तो मिनिमम है ऑन एवरेज किसी किसी में बारह तेरह भी हैं किसी किसी में आठ नौ भी हैं लेकिन बारह तेरह वाले ज्यादा हैं आठ नौ वाला एक दो है तो फिर भी हमने ऑन एवरेज कितने वर्ड्स निकाल लिए एक हजार मतलब यहां पर हमने एक हजार वर्ड्स जो है वो कम्प्लीटली पढ़ लिए कंप्लीट कर लिए इसके बाद अब जितना भी आप पढ़ोगे वो आपके लिए बोनस है और ये क्लास लंबी चलने वाली है जब तक आप साथ दोगे जब तक आप चाहोगे तब तक ठीक है तो अभी तक इसके बाद अट्ठारह सौ भी हो सकते हैं पंद्रह सौ भी हो सकते हैं दो हजार भी हो सकते हैं उससे ज्यादा भी हो सकते हैं ठीक है तीन सौ भी हो सकते हैं आप डिपेंड करता है आप कितना आगे तक जाते हो चलो ठीक है यहां पर लिख लो टिल नाउ अभी तक आपने इतने वर्ड्स कंप्लीट कर लिए अब आ जाते हैं नेक्स्ट मैं भी चाय पी लेता हूं आप लोग पानी यानी पी लेना ठीक है वन जीरो वन पढ़ो सभी लोग देखो <laughs> हाँ, चल रहा है टेंशन मतलब क्लास बंद नहीं हो रही क्लास तो चलेगी देखो यहां पर जो वर्ड लिखा हुआ है कोलेट कॉलेट का मतलब होता है इकट्ठा करना कलेक्ट करना असेंबल करना ठीक है वर्ब की तरह यूज किया जाएगा इकट्ठा करना कलेक्ट करना कंपाइल करना गैदर करना ठीक है ऑर्गेनाइज करना एक होता है डिसअरेंज बिखेर देना ठीक है बिखेरना ठीक है विरत करना विरत करने का मतलब होता है इधर उधर करना अलग अलग करना ये होता है ठीक है पृथक करना मर्डल कर दिया डिसऑर्डर मतलब इधर उधर फैला हुआ पड़ा है सामान स्कैटर मतलब तितर वितर लिख सकते हो मतलब तितर वितर तितर वितर करना ये होता है स्कैटर ठीक है आगे बढ़ो नेक्स्ट रेमपाट क्या होता है बताओ रेमपाट ये नाउन की तरह यूज किया जाता है ये वन वर्ड्स में कई बार पूछा गया है <coughs> रैमपर्ट होता है किले की दीवार जैसे मान लो ये आपका किला है जो भी है और इसके चारों तरफ आपने दीवार बना दी तो इस किले की दीवार को रैमपाट कहा जाता है ठीक है हाँपेट बोलते हैं प्रा, प्रा, पेट, प्रा, पेट। जैसे वलवाक बोलते हैं वलवाक है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में कई बार ये पूछा गया है और आगे भी पूछा जाएगा ठीक है और ये रिसेंट एग्जामिनेशन में भी पूछा गया है इसलिए मैं आप लोगों को करा रहा हूं हम्म जैसे बलवाक है बैरियर है ठीक है एक होता है आ, बासन बासन बोलते हैं इसको फोर्टिफिकेशन फोर्टिफिकेशन जानते ना फोर्टिफाई कर दिया आपने किसी चीज को जैसे मान लो मैंने आपको मजबूत कर दिया भाई खूब मजबूत कर दिया तो मैंने आपको फोर्टिफाई कर दिया ठीक है ऐसी फोर्टिफिकेशन नाउन होता है फोर्टिफाई वर्ब होती है डिप्रेशन होता है किसी भी चीज में गिरावट ठीक है आगे आ जाओ एक होता है ट्रेबुलेशन ट्रेबुलेशन सॉरी ट्रेबुलेशन क्या होता है बताओ भाई ट्रिबुलेशन होता है दुख प्रॉब्लम सफरिंग्स डिस्ट्रेस आ गया मेरे जीवन में बहुत ज्यादा मेरे जीवन में तो ट्रायल आया है भैया किसी ने कहा नहीं मेरे जीवन में अफ्लिक्शन आए हैं बड़े लेकिन आया सबके जीवन में दुख ही है तो इसीलिए कहते हैं हिंदी का एक शब्द सब पे भारी पड़ जाता है भारतीय एक चीज और बाहर की पचासों चीज इंग्लिश के इतने शब्द हिंदी का एक शब्द सबके लिए सेम है दुख है भाई चाहे हार्डशिप कर लो तो भी दुख है एफ्लिक्शन कह लो तो भी दुख है सफरिंग कह लो तो भी कष्ट पीड़ा दुख ट्रिबुलेशन एक होते हैं ड्रीम अगर आपको सपने पूरे हो गए जो आपने चाहा वो पूरा हो गया तो आपको खुशी मिलेगी कंफर्ट अपॉर्चुनिटी जॉय बेनिफिट खुशी आनंद सारे के सारे पॉजिटिव वर्ड्स हैं ठीक है सबका मीनिंग मीनिंग अलग अलग है बेनिफिट मतलब लाभ जॉय मतलब खुशी अपॉर्चुनिटी मतलब सौभाग्य ठीक है कंफर्ट होता है आराम ड्रीम होते हैं आपके अच्छे सपने नेक्स्ट परसी मनी परसी मनी बताओ सभी लोग एक शब्द होता है परसीमोनियस सभी लोग वर्ड्स को रिपीट किया करो कमेंट बॉक्स में ठीक है और वो भी बोल बोल के टाइप करके पर्सिमोनियस एडजेक्टिव होता है एक ऐसा व्यक्ति जो पैसा खर्च नहीं करता है कंजूस होता है आपके पल्ले में कुछ ऐसे लोग पड़ गए होंगे जो कंजूस होते हैं उनको पर्सिमोनियस कहा जाता है और पर्सिमनी कंजूसी होती है ये एडजेक्टिव होता है ये नाउन होता है पर्सिमनी कंजूसी माइजरलीनेस और पर्सिमोनियस मतलब होता है माइजरली यानी कि कंजूस फ्रोगलिटी हो गया थ्रिप्ट हो गया मीननेस हो गया ठीक है मीननेस हो गया अरे ये भाई साहब किसने सौ रुपये भेज दिया भाई स्टिंग आ, स्टिंगी हो गया एक होता है जेनरसिटी क्या नाम है भाई क्या नाम है भाई सौ रुपये किसी ने भेज दिए सुपर चैट में भाई वाह क्या नाम है अमित कुमार जी ने वाह भाई अमित कुमार बहुत बहुत धन्यवाद तुम्हें हम पे तरस आ गया तुमने सौ रूपये भेज दिए मैं इनका भंडारा करवाऊंगा टेंशन मत लो जितने भी बच्चों के पैसे आ रहे हैं ना सारे पैसों को भंडारे में लगाऊंगा नाम ले थैंक यू सो मच हाँ पीडीएफ मिल जाएगी टेंशन मत लो तो मैं तो पता नहीं चाय पानी भी देना पड़ेगा सौ रुपये में थे यार पीडीएफ डी सब कुछ आ जाता है सौ रुपए तुमने दे दिया बताओ पीडीएफ मांग रहे हो मैं तुम्हें चाय भी पिला दूंगा ठीक है जेनरसिटी है एक्स्ट्रावेगेंट है फिलेंथ्रोफी है ये क्या है ये इसके एंटोनियम्स हो जाएंगे क्लियर बस अमित कुमार भाई पढ़ने पर ध्यान लगाना है ना चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट परसिमनी समझ में आ गया इंसोलेंट क्या होता है बदतमीजी ठीक है बदतमीज सॉरी डिसरिस्पेक्टफुल जैसे मान लो कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपकी तमीज से बात नहीं करता आपसे ठीक है टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी ओपन स्टडी टेलीग्राम चैनल है वहाँ पर पीडीएफ मिलेगी लिंक दे रखा है कमेंट बॉक्स में देखना इम्पोर्डेंट है रूड है impertinent है हाँ ना? Disrespectful है है। ना? एक होता है पोलाइट यानी कि हम्बल कोई व्यक्ति है रिस्पेक्टफुल है एकदम courteous है courteous मतलब भोला भाला सीधा साधा सा आदमी है तो उसको बोलते हैं ठीक है चलो आगे देखो इसका बताओ सभी लोग सभी लोग कमेंट को रिपीट कर देना है ना मैं जब तक चाय पी लेता हूँ फटाफट फटाफट अपनी वर्ड्स पढ़ लो जल्दी से देखो मेरे भाई कभी कभी क्या होता है दो मिनट अपने लिए निकाल लेने चाहिए ना चाय तो कम से कम तसली से पी लेनी चाहिए कोई बात नहीं दो मिनट आपने वेट किया उसके लिए शुक्रिया इनोश मतलब होता है ऐसी कोई चीज जिससे आपको कोई लॉस नहीं है मैंने कहा ये मेरा ऐसा दोस्त है इससे मुझे कोई लॉस नहीं है तो उसको आप कहोगे हार्मलेस है इनोसेंट है सेफ है नेव है बिगिन बिनाइन है इनोक्सियस है एक होते हैं ऑबनोक्सियस है ना हार्मफुल खतरनाक हानिकारक बोल सकते हो ऑबनोक्सियस मतलब हानिकारक हानिकारक ठीक है ये होते हैं सबका मीनिंग ऐसे ही एक होता है इंजीनियस इंजीनियस मतलब निष्कपट सच्चा अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो एकदम सच्चा है तो आप इसको भी उसी उसमें लिख सकते हो कि ये भी उसी में आ जाएगा आपका इससे पहले वाले में इनोसुअस अरे सस्सा क्यों लिखा जा रहा है बार बार Hmm. तो जो इनोसुअस आपने पढ़ा है वैसा ही है इंजीनियस इंजीनियस भी ऐसा ही है गया 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 देखो होगा सही, सही तो है नेव हो गया, आर्टलेस हो गया, हो गया, हो गया, ही। सारे के सारे सिमिलर मीनिंग्स हैं और स्लाय है कनिंग है ये होते हैं चालाक चतुर खोपड़ी अगर कोई व्यक्ति है बहुत ज्यादा दिमाग लगाता है तो आप उसको कनिंग कह सकते हो कनिंग है स्लाय है क्राफ्टी है ठीक है और डिजाइनियस है ठीक है ऐसे करके याद कर सकते हो उसको आगे देखोगे <coughs> बैफल मतलब होता है हो जाना कंफ्यूज कर देना थीके? हाँ भैया पीडीएफ मिल जाएगी असमंजस में डालना पजल किसी को कंफ्यूज कर देना परप्लेक्स कंपाउंड ठीक है थोट हो जाएगा बिबिल्डर हो जाएगा सपोर्ट होता है किसी को सपोर्ट करना एक्सप्लेन करना असिस्ट करना एनलाइटन करना एनलाइटन करना किसी को इंटरप्ट इंटरप्रेट uh, करना इंटरप्रेट करना ठीक है ये इसका उल्टा हो जाएगा किसी भी चीज को समर्थन करना समर्थन करना क्लियर मेरे भाई बैफल समझ गए एक होता है अपेक्स मतलब चोटी अपेक्स मतलब होता है चोटी क्लियर हाँ चोटी शिखर जो होता है ना किसी भी चीज का शिखर एकदम ऊपर चोटी जिसको कहते हैं ठीक है पीक हो गया एक्स हो जाएगा समिट हो जाएगा जेनिथ हो जाएगा पिनेकल ठीक है और कल्मिनेशन 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 हो जाएगा लिख लेना इसमें जेनिथ है पिनेकल है पीक है क्रेस्ट है एक में सारे के सारे मोस्ट सिमिलर मीनिंग अभी कल में कल्मिनेशन है जो वर्ड अभी आने वाला है आगे एक उतना नादर मतलब ये होता है न, क्या बोलते हैं उसको तल कहते हैं इसको ठीक है तल कहते हैं बॉटम बोलते हैं इसको बेस कहते हैं एंटापेक्स होता है तो अपेक्स होता है या एंटापेक्स होता है डेप्थ होता है गहराई चलो आगे बढ़ते चलो तुम अकॉम्प्लिश होता है किसी भी चीज को पूरा करने वाला मतलब पूरक बोल सकते हैं, पूरा किया हुआ मतलब अकॉम्प्लिश बोलते हैं कि किसी भी काम को आपने अचीव कर लिया कंप्लीट कर लिया इसने ठीक है हां तो कंप्लीट हो जाएगा अटेन हो जाएगा एग्जीक्यूट करना किसी भी चीज का पालन करना आपने उसको कंप्लीट कर दिया जैसा आपने कहा वैसा मैंने कर दिया इसको कहा जाता है रीच कह सकते हो परफॉर्म कह सकते हो एक होता है आप अगर फेल हो गए हो किसी भी काम में फेल तो भी आप बोल सकते हैं भैया मैं तो फेल हो गया एबेंडन मतलब छोड़ देना किसी भी चीज को छोड़ देना ठीक है लूज कर देना लॉस बोलते हैं ना लूज फॉफिट होता है नलीफाई होता है फॉफिट नलीफाई इस तरह से हम्म चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रो सॉरी प्रोट्रूड क्या होता है प्रोट्रूड क्या होता है उभरना मतलब बल्ज बोलते हैं बल्ग उभरना मतलब कोई ऐसी चीज है जो ऊपर उभरी हुई है निकलना मतलब इतने की जरूरत है ऊपर निकल गया पार निकल गया तो इसको कहते हैं उभरना बाहर आना वर्ब की तरह यूज किया जाएगा ठीक है मेरे भाई प्रोजेक्ट होगा एक्सटेंड हो जाएगा ओवरहैंग हो जाएगा चूट हो जाएगा बीटल है एक होता है विथड्रॉ मतलब निकलना नीचे आ जाना उभरने से भी नीचे आ जाना ठीक है पैसे डाल दिए तो पैसे में अकाउंट आपका जो बैलेंस है वो बढ़ जाएगा पैसे निकाल लिए तो उसमें कम हो जाएगा डिसअपियर हो जाना मतलब खत्म हो जाना कम हो जाना बिसच होता है किसी भी चीज में कम आना आगे बढ़ो नेक्स्ट असोल्ट मतलब जानते हो असोल्ट राइफल ऐसी राइफल जिससे अटैक किया जाता है हूं? वो वाला, मतलब करना, स्ट्राइक हो जाएगा रेड करना चेंज चेंज क्या होता है ये से असेल होता है और एक होता है ऑन स्लाउट ऑन स्लाउट का मतलब होता है, मौके पर पकड़ लेना ठीक है एक होता है डिफेंड मतलब खुद को बचा लेना डिफेंड मतलब रक्षा करना एक होता है अटैक करना एक होता है डिफेंड करना रक्षा करना अगर आपको प्रोटेक्ट कर रहे हो अपने आप को सपोर्ट करना प्रोटेक्ट करना डिफेंड करना ठीक है सभी लोग सेशन को लाइक नहीं ठोक रहे हो मेरे भाई ऐसे कैसे काम चलेगा करना, सील्ड अपने आप को बचा लेना बंद कर लेना प्रोटेक्ट करना आगे बढ़ते चलो एक एंग्रोस वर्ड होता है एंग्रोस मतलब होता है मगन लीन हो जाना ऑब्जर्व किसी भी चीज में डूब जाना डूबना किसी भी चीज में डूब जाना लीन हो जाना एंगेज हो जाना ऑक्यूपाई हो जाना बिजी पैशनेट इन्वॉल्व है ना बोर हो जाना इग्नोर हो जाना इग्नोर करना किसी चीज को ठीक है आपने किसी चीज को इग्नोर कर दिया तो आप बोल सकते हैं डिमिनिस होता है ठीक है हाँ डिमिनिस होता है किसी भी चीज में ध्यान ना देना डिस्ट्रैक्ट हो जाना मतलब जब भी आप पढ़ाई करते हो जैसे अभी क्लास ले रहे हो क्लास ले रहे हो अगर आप फुल पूरा उसमें देख रहे हो तब तो ठीक है लेकिन अगर आप आधे में देखते हो तो नीचे कपिल शर्मा का शो आ जाता है कभी कोई और आ जाता है ठीक है अमित बड़ाना आ जाता है तो वहां पर हम लोग क्या हो जाते हैं डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं ठीक है कंजर्व हो जाते हैं इधर उधर बिखर जाते हैं ठीक है आगे देखोगे तो सोलिट्री एक वर्ड होता है सोलिट्री सोलिट्री जानते हो क्या होता है लोनली मतलब अकेला अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो अकेला है तो सोल क्या लिखोगे सोलिट्री ठीक है ये आपका एडजेक्टिव की तरह यूज किया जाएगा अब थोड़ा सा सुपर फास्ट बना देते हैं जैसे अलोन है सिंगल है इंडिविजुअल है सोल है आइसोलेटेड है ठीक है आइसोलेशन वर्ड आपने पढ़ा होगा मल्टीपल मतलब होता है टुगेदर मल्टीपल टुगेदर कंबाइंड कंबाइंड ठीक है ऐसे करके कोलैबोरेटिव कोई ऐसी चीज है जो कोलैबोरेटिव है तो बहुत सारे लोग हैं मिश्रित है एक अकेलापन होता है नेक्स्ट वर्ड होगा एंटागोनिस्ट मतलब होता है विपक्षी या फिर लिख सकते हो विरोधी अगर कोई व्यक्ति विरोधी है आपके पक्ष में नहीं है तो ओपोनेंट कहेंगे उसको एडवर्सरी कहेंगे एनिमी कहेंगे कॉम्पिटिटर कहेंगे फॉय कहेंगे एक होता है आले सपोर्टर यानी कि समर्थक जो व्यक्ति आपका समर्थक है इसको कहते हैं हाँ बडी होता है जो आपका साथ देता है ठीक है चलिए हाँ अच्छा स्पीड नहीं बढ़ाए चलो मंडेन का मतलब होता है साधारण मंडेन का मतलब होता है साधारण ऑर्डिनरी मैंने कहा मैं ये काम मंडे से करूंगा ऐसे लोग होते हैं साधारण मैं इस काम को तुरंत करूंगा ऐसे लोग होते हैं एक्स्ट्रा जो कुछ नया करते हैं इनोवेटिव करते हैं तुरंत करते हैं बट ठीक है, वर्डली मतलब ऐसे लोग जो वर्डली है एवरीडे है मतलब रूटीन है प्रोसेक है मतलब समझ पा रहे हो ना मेरी बात है हाँ साधारण <coughs> एक होते हैं एक्स्ट्रॉर्डिनरी जो असाधारण लोग होते हैं असाधारण ठीक है हाँ हेवनली मतलब ऐसे लोग हैं ऑसम awesome, ये कितनी ऑसम awesome है यार ऐसे करके वो सुना है जाकिर खान का एड बहुत देखा होगा आपने कई बार चलो भाई जो मैं देखता हूँ वो आपके सामने बोल देता हूँ और आपके सामने बोलने से मुझे कोई हेजिटेशन नहीं होती है क्योंकि अगर मैं आपसे भी पर्दा करूँगा तो फिर मैं कहाँ जाऊँगा भाई मैं तो फिर शरीर से वो चेहरा छुपाने का ही हो जाऊँगा जो कुछ भी आपके सामने है भाई आप क्या कमेंट करते हो आपके लिए कमेंट बॉक्स खुला हुआ है जो मर्जी है बोल सकते हो आपका आपके जो मास्क हैं वो ऐसे ही हैं आपके जो सरजी हैं वो ऐसे ही हैं ठीक है थीके? हाँ एडवर्सरी एडवर्सिटी और एडवर्सरी और एडवर्स समझते हो ना एडवर्स एडवर्सिटी एडवर्स जो था वो नाउन एडजेक्टिव की तरह यूज किया गया एडवर्सिटी जो है वो आपका नाउन की तरह यूज किया जा रहा है क्लियर है चलो बहुत बढ़िया तो आपने देखा विपत्ति हो जाता है एडवर्सरी एडवर्सिटी मतलब ओपोजिशन मिस फॉर्च्यून हार्ड सेप डिस्ट्रेस एफ्लिक सॉरी एफिक्शन माइजरी ट्रबल एक होता है ब्लेसिंग ब्लेसिंग मतलब होता है एकदम फ्लूक फॉर्च्यून भाग्य ठीक है लक बोल सकते हो अगर आपके साथ कुछ अच्छा हो गया है तो बोलते हैं तो सब आपकी ब्लैसिंग्स हैं ठीक है ऐसे करके बोल देते हो कुछ भी गलत हो गया ये तो भगवान ने मेरे साथ इतना कर दिया डिमिस क्या होता है डिमिस मतलब होता है निधन डेथ, मौत मृत्यु एंड <laughs> <coughs> एक होता है एक्सटेंशन ठीक है एक्सपायरेशन एक्सपायरेशन मतलब ये तो एक्सपायर होने वाला भाई डेस्योलेशन डेस्योलेशन मतलब होता है सॉरी डिसोल्यूशन डिसोल्यूशन मतलब निकल लिए चलो दिनेश रॉकी भाई राधे राधे प्रभा युवराज श्रद्धा आविशाल श्रद्धा वेलकम सभी का स्वागत है गौरव का रसगुल्ला आ गया भाई <laughs> चलो ना क्या होता होता सर्वियल, सर्वियल होता है होता है है मतलब सर्वियल 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 सॉरी बर्थ मतलब मतलब सर्वाइवल जानते हो सर्वाइवल सॉरी सर्वाइवल जैसे मैंने कहा यार ये जो चीज है ना ये जो मूवी है ना एकदम सर्वाइवल वाली है मतलब जिंदा कैसे रहा जाता है जीवन भर जिंदा कैसे रहा जाता है ये वो चीज सिखाता है तो उसको कहते हैं सर्वाइवल मतलब जीविका वाला जीविका से रिलेटेड जन्म से रिलेटेड होता है ठीक है हाँ रिसरेक्शन होता है क्रिएशन होता है तो ये जब आप किसी भी चीज की शुरुआत करते हैं तो शुरुआत करना जन्म लेना ठीक है ये नीचे वाले वर्ड्स और मौत जो होती है डिमिस मतलब खत्म हाँ ये सारे के सारे प्रीवियस ईयर हैं ये रिपीटेडली एक शब्द दस दस पंद्रह पंद्रह बार एग्जामिनेशन में पूछा गया फ्रिक्वेंट मोस्ट फ्रिक्वेंट वर्ड है ऐसा कोई वर्ड नहीं है ठीक है हल्का उल्का दिल्ली मुखर्जी नगर की फेमस क्लासेस जब आप लेने जाओगे वहां अनिल जादून सर को भी पाओगे दो चार नाम लेके देखोगे तो आपको वहां पर मैं मिल जाऊंगा स्प्यूरियस जो होती है हाँ मैं पिछले डेढ़ साल से तो मैं मुखर्जी नगर में ही सारी की सारी बड़ी बड़ी कोचिंग्स में पढ़ा लिया अब स्पेशल वैच आने वाला है दिल्ली मुखर्जी नगर में इंग्लिश स्पेशल बाय अनिल जादून और उसके साथ साथ आप लोगों का गुरुकुल चल ही रहा है स्प्यूरियस है फॉल्स है बोगस है Sam है Produlent है सैम फ्रॉडुलेंट आर्टिफिशियल है कोई ऐसी चीज़ है है जो जाली है, नकली है उसको हम लोग कहते हैं Objective की तरह यूज़ करोगे अगर कोई चीज ऑथेंटिक है रियल है ट्रू है है ऑनेस्ट है तो आप ये वर्ड्स इस्तेमाल कर सकते हो क्लियर नीचे वाले सच्चा असली लिख लो वास्तविक लिख लो असली वास्तविक नेक्स्ट Venice होता है गायब हो जाना वैनिस मतलब गायब हो जाना ठीक है डिसअपियर होना कोई ऐसी चीज है जो डिसअपियर हो गई है बिल्कुल विलुप्त हो गई है ठीक है ऐसे करके हाँ अपियर होता है किसी भी चीज़ कोई चीज़ ऐसी है जो अपीयर हो जाती है इमर्ज है यानी कि कम कम मतलब इमर्ज जो चीज़ एग्जिस्ट करती है किसी भी चीज़ में इसको कहते हैं मेटेरलाइज मैटेलाइज मतलब जो चीज़ व्याप्त है मैंने कहा यार ये चीज़ तो हमारी दुनिया में है हमारी धरती पर तो ऐसी चीजों को क्या कहा जाता है मटीरियलाइज कहा जाता है क्लियर शाबाश हाँ चलो आगे बढ़ते हैं कर्ज मतलब जानते हो, हो एक तो होता है कोर्स जो आप खरीदते हो एस वाला होता है ये होता है कर्ज कर्ज मतलब होता है रफ जो अभी अभी हम लोग पढ़ के आए हैं रूड क्रूड ग्रॉस अनफाइन अनरिफाइंड अनकॉथ क्लासिक क्लियर होता है ये वर्ड रिपीट हो चुका है ठीक है ना कोई बात नहीं स्मूथ है नाइस nice है पोलाइट है जब आपकी क्लास खत्म हो जाए तो एक मिनट का समय निकाल करके आप इस क्लास का एक ऑफलाइन कमेंट जरूर छोड़ें आपका बड़ा इंपॉर्टेंट कमेंट होता है उस कमेंट को मैं आराम से पढ़ता हूँ जो लोग आप ऑफलाइन कमेंट करते हो ना उनको बड़ा अच्छे तरीके से कंसिडरेशन के साथ मैं पढ़ता हूँ और देखता हूँ आपके रिव्यूज क्या है तो आपको जरूर क्लास के बाद में आ, आ, कमेंट करके जाना है और बताना है कि आपको क्लास कैसी लगी ठीक है कर्ज हो जाएगा हो गया क्लियर डेटर क्या होता है <laughs> डेटर होता है रोकना डरा कर रखना मैंने कहा भाई साहब जब आप किडनैप हो जाते हो तो आपके ऊपर गोली तान दी जाती है और आपसे बोला जाता है कि यही खड़ा रहे वरना तो गोली मार दूंगा डिस्करेज करना किसी को डरा करके रोके रखना प्रिवेंट करना उसको रोकना स्टॉप रिस्ट्रेन करना एक होता है एनकरेज करना अरे कुछ नहीं कर पाएंगे तू भाग जाए यहां से ठीक है एक होता है कि बसंती इन कुत्तों के सामने मत नाचना ऊपर से वो बंदूक लेके खड़ा है बसंती नाच दो तरह की चीजें हैं बसंती नाच मतलब वो क्या कर रहा है डरा रहा है उसको और उधर से वो कह रहा, रहा है बसंती मत नाचियो वो कह रहा है नाच वरना गोली मार दूंगा एक तो डेटर कर रहा है हिंडर ठीक है किसी भी काम को करने के लिए मना कर रहा है एक होता है कि भाई उकसा रहा है उसको तो ये दोनों ऐसे करके आप समझ सकते हो नेक्स्ट हर्डल होता है ऑब्स्टेकल हर्डल हिंड्रेंस का ही सिनोनिम है जो हिंडर होता है वो वर्ब होती है हिंड्रेंस नाउन होता है हर्डल जो होता है नाउन की तरह यूज किया जाएगा है ना ऑब्स्टेकल मतलब हाँ ऑब्स्टेकल जो होते हैं वो होते हैं आपके हर्डल मतलब बाधा रुकावट बोल सकते हैं रुकावट के लिए खेद है बैरियर जानते हो हिंड्रेंस बैरियर इम्पेडिमेंट इम्पेडिमेंट होता है एड होता है सहायता हेल्प मदद असिस्टेंस होता है एडवांटेज होता है असिस्टेंस एडवांटेज ठीक है भाई हाँ आगे बढ़ो नेक्स्ट बारबरिक होता है असभ्य यानी कि क्रूर एक ऐसा व्यक्ति है जो क्रूर है एडजेक्टिव की तरह आप इसको इस्तेमाल करोगे बारबरिक है अनसिविलाइज एक ऐसा व्यक्ति है जिसमें बिल्कुल तमीज नहीं है असभ्य है ऐसा कोई व्यक्ति है जो असभ्य है कैसा है असभ्य है ठीक है तो इसको कहेंगे अनसिविलाइज यानी कि बारबर एक सैवेज हो गया ब्रूटल हो गया क्रूल हो गया इनह्यूमन हो गया बारबरस हो गया सिविलाइज होते हैं काइंड हर्टेड होते हैं काइंड चैरिटेबल है अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो चैरिटेबल है जिसके अंदर थोड़ी सी काइंडनेस है दयालुता है दयालुता ठीक है इसको कहा जाता है तो दयालु मतलब लोग होते हैं उनके अंदर दयालुता होती है तो इसको सिविलाइज्ड कहते हैं ठीक है दयालु सभ्य बोल सकते हो चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एक है, क्लेंडिस्टाइन, मतलब होता है मतलब है गुप्त सीक्रेट अगर कोई ऐसी चीज है, है, है? है, 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 करेप्षी, है, है एक होता है, है पब्लिक यानी कि ओपन मैनिफेस्ट है विजिबल है ब्लेटेंट है इसे करके समझ सकते हो नेक्स्ट एक्सोटेसी जो अभी अभी हम लोग सिनोनियम में यानी कि सबोर्डिनेट वर्ड की तरह इसको पढ़ के आए थे एक्सटेसी एक्सटेसी मतलब आनंद होता है जॉय यानी कि हैप्पीनेस खुशी खुशी जिसको बोल सकते हैं हैप्पीनेस रैप्चर ब्लेस डिलाइट ऐसे करके एलेशन एगोनी होता है दुख ये होता है दुख संकट कष्ट बोल सकते हैं नासिक ठीक है कष्ट हाँ चलो फैच जानते हो फैच मीन होता है टू गेट टू ब्रिंग टू ब्रिंग मीन मतलब होता है किसी चीज को लाना अब ये फैच और ब्रिंग में क्या फर्क होता है ध्यान देना फैच जो होता है वो होता है किसी भी चीज को पर्टिकुलरली रेगुलर बेस लेकर के आना जैसे आप दूध लेने जाते हो या कुछ भी डेली लेके आते हो उसको कहते हैं फैच ठीक है हाँ एक होता है टेक रिट्राई बोल सकते हो गेट ग्रैब कैरी एक होता है सुपरवाइज करना मतलब खुद कुछ नहीं करेगा सुपरवाइज करता है देखभाल करना अवॉइड करना सक्सीड फ्री हिंडरेंस नेक्स्ट पैसिफिक जानते हो शांति प्रद एक ऐसी चीज जो एकदम पैसिफिक है पैसिफाई जानते हो पैसिफाई मीन्स होता है हाँ पैसिफिक होता है पैसिफाई से रिलेटेड है पैसिफाई और पैसिफिक आप समझ ही पा रहे होंगे पैसिफिक होता है शांत ट्रेंक्यूल शांत काम क्वाइट पहले चुप बाद में कंप्लीट प्लेसिड एक होते हैं एंग्री गुस्सेल व्यक्ति है फायरस है इन्फ्लेमेटरी है बैलिकोज है इस तरह से नेक्स्ट सोलिट्री सोलिटरी मतलब होता है अकेला लोनली ये रिपीटेड वर्ड है नेक्स्ट देखो अब्जर्ड अब्जर्ड मतलब बेतुका ठीक है बेतुका बेहुदा

ब्रूथ सर ब्रूथ क्या होता है स्टोर अरे कियोस्क मतलब होता है किसी भी चीज को आ, देखो ये नाउन की तरह यूज किया जाता है जब हम किसी चीज के लिए जैसे कोई ऐसा चीज जो जैसे मान लो बूथ कहते हैं ब्रूथ नहीं है बूथ है मतलब होता है जहां पर एक स्टेशन मान सकते हो जब बहुत सारी चीजें एक जगह पर रुकती हैं तो उसको कहते हैं हाँ उसको कहते हैं क्लियर चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट मिमिक होता है किसी की कॉपी करना इमिटेट करना एम्यूलेट करना इंपर्सोनेट करना मोख करना ठीक है पैरोडी जानते हो अभी अभी बताया क्लासिक होता है सेपरेट रियल मतलब असली ओरिजिनल मतलब आप किसी को कॉपी नहीं कर रहे हो ट्रू मतलब सत्य होता है ठीक है छोटी दुकान बोल सकते हो वेरी गुड अमित टॉयल <coughs> का मतलब होता है कड़ी मेहनत मतलब वर्क हार्ड अगर आप मेहनत करते हो तो आपका जो नाउन है नाउन की तरह यूज किया जाता है मैंने कहा मैंने बहुत ज्यादा मेहनत करी है मतलब मैंने बहुत टोइल किया है लेबर किया है स्ट्रगल किया है ट्राइबल क्या है ठीक है ट्राइबियल और एक होता है ड्रगरी ड्रगरी मतलब वो ड्रग्स वाला ड्रगरी नहीं है ड्रगरी मतलब काम करने वाला ठीक है एक होता है ईज आसानी से सब कुछ मिल गया फन लेज हो गया आइडल हो गया है ना लेजर होता है आराम लेजर मतलब होता है आराम अम्यूजमेंट होता है आनंद अम्यूजमेंट मजा नेक्स्ट एस्क्रिप्शन क्या होता है एस्क्रिप्शन होता है एट्रीब्यूशन किसी भी चीज को जोड़ना कनेक्ट करना अब देखो जोड़ना ये यहां पर नाउन की तरह यूज किया गया ठीक है जोड़ बोल सकते हो बोल सकते हो सम्मिलेशन सम्मिलित सम्मिले, बोलते हैं ना क्या बोलते हैं समारोह में जो लोग इकट्ठे होते हैं ना जोड़ बोल सकते हो जोड़ जोड़ना मतलब लिखना जोड़ लिख लेना ठीक है नाउन की तरह यूज किया जाएगा जैसे असाइनमेंट है क्रेडिट हो गया इंप्यूटेशन हो गया इंप्यूटेशन ठीक है गैदरिंग बोल सकते हैं ब्लेम होता है किसी को ब्लेम करना डिस्क्लेमर होता है इंट्रोडक्शन <coughs> एक होता है absorb. देखो absolve का मतलब होता है किसी को कर देना, रिहा कर देना, किसी को को दोष मुक्त कर 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 देना देना रिहा फ्री दिया आपने जैसे मान लो किसी पर आरोप लगा है आपने उस आरोप को हटा करके ठीक है भाई तू जा यहां से चल निकल जा एक्विट होता है किसी को रिहा कर देना एक्सक्यूज मतलब उसके सारे के सारे गुनाहों को माफ कर देना ठीक है रिलीज कर देना एग्जाम्प कर देना कंडेम करना होता है किसी पर आलोप लगाना ब्लेम करना बाइंड करना चार्ज करना कन्विक्ट करना ठीक है नेक्स्ट एब्रीवियन होता है असामान्य सॉरी एबरेशन है या एबरेशन है एबरेशन है. होता है एबरेशन का मतलब होता है असामान्यता मतलब हाँ एनोमली एनोमली मतलब असामान्यता मतलब डेविएशन बोल सकते हो ठीक है अगर सामान्यता है किसी चीज में ठीक है नॉर्मेलिटी है एक होता है एबनॉर्मेलिटी यानी कि एनामोली जिसको कहते हैं डाइवर्जेंस कहते हैं इंसैनिटी कहते हैं मतलब इंसैनिटी मतलब पागलपन कहते हैं हम एबनॉर्मैलिटी ठीक है यहां पर लिखा है नॉर्मेलिटी होता है इसका उल्टा जैसे कन्फर्मिटी है कन्फर्मिटी मतलब इसका अपोजिट हो जाएगा भाई नॉर्मल सी चीज है साउंडनेस मतलब पोस्टिक हेल्थ सेमनेस होता है ठीक है सेमनेस मतलब हाँ चलिए नेक्स्ट स्टर्न क्या होता है स्टर्न का मतलब होता है कठोर हार्ड ठीक है एक होता है हार्स हार्स मतलब कठोर सर्वर सर्वे सर्वर जानते हो ना स्ट्रिक्ट होता है एक होता है अस्टियर होता है ग्रिम होता है काइंड इजी टॉलरेंट और चीयरफुल लेनियंट ये क्या हो जाएंगे ऑपोजिट हो जाएंगे मतलब कोई भी ऐसी चीज है जो आसान है एकदम नॉर्मल सी चीज है ओके okay. <coughs> सिटाडेल क्या होता है भैया ये होता है फोर्ट्रेस सिटाडेल का मतलब होता है फोर्ट्रेस यानी कि गढ़ जिसको कहते हैं मतलब गढ़ मतलब आप बोल सकते हैं किला बोल सकते हैं सिटाडेल मतलब होता है किला फोर्ट बोलते हैं ठीक है फोर्ट जो होता है ना इसको सिटाडेल कहा जाता है ये रिपीटेड वर्ड है कई बार पूछा गया है जैसे स्ट्रोंग होल्ड कास्टल होता है महल ठीक है ये महल होता है हाँ जिसको चार चारों तरफ से दीवारों से घेर लिया जाता है एक होता है बैस्टन 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 टावर होता है एक होता है केबिन मतलब छोटा सा घर है कुटिया जिसको कहते हैं केबिन मतलब होता है कुटिया अगर किसी की कुटिया है और किसी का महल है तो समझ सकते हैं ऑपोजिट मीनिंग हो जाएगा लॉज हो जाएगा हच हो जाएगा एक छोटा सा घर जो होता है ना उसको हच कहते हैं क्लियर सभी को चलो नेक्स्ट है आपका एरूडाइट देखो एरूडाइट होता है एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत बड़ा विद्वान होता है ठीक है ज्ञानी लोग बोल सकते हैं या फिर विद्वान बोल सकते हो अगर कोई व्यक्ति विद्वान है तो आप उसको क्या कहोगे एरूडाइट कहोगे ठीक है मतलब लर्नड है मतलब जिसको बहुत सारी चीजें सीख रखी है उसने एक होता है एजुकेटेड एजुकेटेड मतलब मैंने कहा ये व्यक्ति बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा है इससे बातें मत करना वरना ये तुझे हरा देगा ठीक है ऐसे करके एक होता है वाइज मतलब समझदार ठीक है अकेडमिक होता है अकेडमिक जिसने बहुत सारी नॉलेज ले रखी हो ठीक है एक होता है इग्नोरेंट जिसने कुछ भी नहीं सीखा है बैक वेंचर टाइप ठीक है वो आते तो हैं क्लास में लेकिन सब ऐसे सुन के निकल जाते हैं एक होता है अनएजुकेटेड होता है एक होता है सॉरी uh, होता है, ऐसा ही है, मतलब बुद्धिहीन आदमी बोल सकते हो आप उसको क्या कह सकते हैं बुद्धिहीन बोल सकते हो ठीक है हाँ चलो एक होता है रेवरी uh, रेवरी मतलब होता है इज्जत करना किसी को रेस्पेक्ट देना वेनरेट करना एडोर करना वर्शिप करना एडमायर करना आइडियोलाइज करना आइडियोलाइज मतलब किसी को बहुत ज्यादा इज्जत दे रहे हम ठीक है हाँ समझ गए <laughs> तो रेवरी मतलब होता है एक तो रेवरेंस मतलब रेस्पेक्ट होता है रेवरी मतलब इज्जत करना होता है रेस्पेक्ट देना होता है क्लियर हेट एब्यूज डिस्पाइज डिटेस्ट डिस्लाइक ये क्या है इसके ऑपोजिट मीनिंग्स हैं ऊपर वाले सिमिलर मीनिंग्स हैं वो मेन वर्ड है समझ पा रहे हो ठीक है भाई आगे बढ़ जाओ रिपीटेड uh, तो आप जानते हैं बार बार दोहराना ठीक है रिपीटेड मतलब रिटरेटेड देखो इस वाले वर्ड को जरूर पढ़ना ये इंपॉर्टेंट है रिटरेटेड रिटरेट करना भी रिपीट करना होता है सभी लोग सेशन को एक एक बार लाइक कर देना जितने भी लोगों ने नहीं किया है और एक एक बार शेयर कर देना तो जिससे कि बाकी के लोग जो अभी घूम रहे हैं कम से कम लास्ट की क्लास में तो आ जाए जिससे उनका भी उद्धार हो जाए ठीक है रिकरेंट करना अगेन अगेन रेगुलर रखना कंटिन्यूअल कंटिन्यूअल मतलब किसी भी चीज को कंटिन्यू रखना ठीक है एक होता है इनफ्रिक इन uh, फ्रीक्वेंट मतलब कोई चीज फ्रिक्वेंट नहीं है फ्रीक्वेंट तो इसका opposite, इसका सिमिलर हो जाएगा और इनफ्रिक्वेंट इसका ऑपोजिट हो जाएगा ठीक है हाँ एफो एफोमेंशन एफो एफोमेंशन मतलब कि कोई भी ऐसी चीज है जो एक के बाद एक छोड़ के दूसरी दू, तीसरी छोड़ के चौथी चोड़ पांचवी ऐसे करके इेगुलरली ठीक है ओकेशनल मतलब कभी कभार एक होता है डिराइव मतलब किसी का परिणाम निकालना ऑप्सटेन करना सॉरी ऑप्टेन करना किसी भी चीज को गेन करना प्राप्त करना ठीक है निष्कर्ष निकालना क्लियर है क्रिएट करना होता है बनाना ड्रॉ मतलब होता है निकालना ठीक है ड्रॉ करना ड्रॉ जानते हो ना इनफर करना डिड्यूस मतलब घटाना पैसों में अगर कमी करोगे तो आप ड्रॉ करोगे इनफर करोगे डिड्यूस करोगे एक्सट्रैक्ट करोगे एक्वायर करोगे एक होता है क्रिएट करना इन्वेंट करना है ना गिव ओरिजिनेट करना किसी भी चीज को आपने अगर ओरिजिनेट किया है ठीक है भाई अविनाश त्रिपाठी चलो नेक्स्ट एक होता है सेलेशियस। सेलेशियस होता अश्लील एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत ज्यादा अश्लील है कैसा है अश्लील है तो आप उसको कहते हैं ल्यूड लसिवियस है ना एक होता है लेचेरस लिचेरस ऑप्शन मतलब ऐसा व्यक्ति एकदम बाहिया टाइप का एकदम असलील है तो उसको कहोगे आप सेलेशियस लस्टफुल ल्यूड मोस्ट इंपोर्टेंट है सारे के सारे वर्ड्स रिपीटेड रिपीटेडली आस्क्ड इन एग्जाम्स कैटेगोरियल है कैटेगोरिकल कैटेगोरिकल मतलब कैटेगरी वाइज अलग-अलग हमने चीजों को कैटेगराइज कर दिया है एक होता है हां एक होता है आ, चास्ट जिसको कहते हैं डिसेंट कहते हैं और मैनरल कहते हैं जो तार्किक लोग होते हैं सभ्य लोग बोल सकते हैं सभ्य बोल सकते हो सभ्य भाई साहब पूछ रहे हैं सर पीडीएफ कहाँ मिलेगी पीडीएफ नहीं सिर्फ पीडीएफ नहीं मिलेगी इसकी प्रिंटेबल पीडीएफ मिलेगी टेंशन मतलब प्रिंटेबल पीडीएफ दूंगा आज उसकी आज इसकी और यहां पर तो मैं आपको जितने भी वर्ड्स करा रहा हूं पंद्रह सौ वर्ड्स या जो भी कराऊंगा लेकिन पीडीएफ में आपको तीन हजार से भी ज्यादा वर्ड्स मिल जाएंगे ठीक है तो पीडीएफ में पूरी की पूरी डाल दूंगा और उस पीडीएफ के लिए आपको ओपन स्टडी टेलीग्राम चैनल या इंग्लिश टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा लिंक आपके कॉमेंट बॉक्स में दे रखा है ठीक so देखो भाई आगे लिखा हुआ है मतलब illusion. Illusion मतलब भ्रम होता है इल्यूजन डिल्यूजन हेल्यूसिनेशन ये सारे के सारे सिमिलर मीनिंग्स है ठीक है डिल्यूशन भी और इल्यूजन भी ये होता है भ्रम भ्रम मतलब जाल हाँ जो चीज नकली है लेकिन दिखती असली है ड्रीम हो गया विजन हो गया इल्यूजन हो गया एक होता है मिराग ठीक है मिराग एक होता है भैया आपका अपरिशन एपरिशन जानते हो क्या होता है अपरिशन ठीक है हाँ आ, ये क्यों नहीं है अरबाज खान पूछ रहे सर ये क्या आ, काफी है एग्जाम के लिए तो क्या मैं बेवकूफ जो पढ़ा रहा हूँ एग्जाम के लिए पढ़ा रहा हूँ यार हाँ रियलिटी होती है सच्चाई रियलिटी क्या होती है सच्चाई होती है हाँ सच्चाई हो गया फैक्ट हो गया ट्रुथ हो गया एक्चुअलिटी हो गया एक्सपीरियंस हो जाएगा ये क्या हो जाएंगे इसके ऑपोजिट मीनिंग क्लियर वेरी गुड नेक्स्ट देखो लिबरेंथ क्या होता है देखो भाई लिबरिंथ बहुत बढ़िया सी चीज होती है ये होता है भूल भुलाइया टेढ़े मेढ़े रास्तों वाला स्थान मान लो आप चले गए कई ऐसी जगह जिनके रास्ते ऐसे घुमावदार हैं ठीक है थेके? हाँ घुमावदार हैं लिब्रिंथ, ऐसी चीज को बोला जाता है लिब्रिंथ जिसके रास्ते एकदम कैसे हैं घुमावदार डेवियस बोल सकते हैं मेज टैंगल पजल्ड ठीक है कॉम्प्लिकेशन जटिल बोल सकते हैं जटिल भूल भुलैया मैंने कहा यार ये कैसे रास्तों पर ले आया है आज एकदम भूल भुलैया टाइप

चाहे उसको कितना भी अच्छा कुछ भी दे देना लेकिन ज्यादातर चीजें हमारी नाइनटी नाइन परसेंट तक एकदम सिक्वेंसड है सारी की सारी एप्लीकेशन पे जाओगे तो आपको सारी चीजें प्रॉपर सिक्वेंस में नजर आएंगी अगर आप यूट्यूब पर भी जाओगे तो सारी की चीजें आपको जब भी कोई प्रॉब्लम होती है बच्चे कॉल करते हैं उनका इंस्टेंट रिप्लाई जाता है इंस्टेंट उनको जो है सर्विस दी जाती है कि भाई जो भी उनकी कमियां उनको तुरंत पूरा किया जाए एक तो होता है आसान एक होता है कुछ लोगों के एप्लीकेशन ऐसे होते हैं जो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होते हैं उसमें बच्चा घुसता ही जाता है ठीक है हाँ डेटा खत्म हो गया सर चलो आप जल्दी बंद कर देंगे क्लास थोड़ी देर और रुक जाओ टेंशन होता है भड़कीली सजावट करना जैसे मान लो कुछ लोग देखे होंगे शादी में एकदम चमक दमकते से कपड़े पहन के आ जाते हैं ठीक है हाँ द एंटीबायोटिक ऑफ इंग्लिश मिस्टर अनिल जादव भड़कीली सजावट वाला डेकोरेशन तो जानते हो लेकिन कुछ दो तरह की डेकोरेशन होती है एक लोग देखे होंगे चमकीले से कपड़े पहन के आते हैं रंग बिरंगे तो उनके बाल भी रंग बिरंगे होते हैं कपड़े तो छोड़ो गौड़ी भड़कीला फ्लैसी चमकदार टाउडी टाउडरी ठीक है गैरेज लाउड फाइनरी ये होता है प्लीजिंग होता है एकदम नॉर्मल सा शांत सा एकदम ग्लूमी सा उदाल डल थोड़ा सा फीका फीका सा फीका 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 सा जो होता है ना वही होता है गैरोल होता है एक ऐसा व्यक्ति जो हद से ज्यादा बात करता है आपको दस मिनट बैठने नहीं देगा इतनी बातें चपड़ 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 लगा रहा लगा रहता है उसको बोलते हैं टॉकेटिव है एक वर्बोस है चैटी है 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 चैटी बहुत ज्यादा चैट करता है। गैबी है, गवर गवर लगा रहता है वर्डी बहुत ज्यादा शब्द बोलता है वॉल्यूबल -वाल मतलब ये बहुत ज्यादा बोलता है ठीक है बात उन्हीं एक होता है टेसिटर्न अल्पभाषी कम बोलने वाला अल्पभाषी होता है ठीक है हाँ जैसे कंसाइज हो गया टेसिटर्न हो गया ब्रीफ कर्ट या रेटिसेंट ये दो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये सबसे ज्यादा ऐसे वर्ड्स हैं जो सबसे ज्यादा वन वर्ड्स में पूछे जाते हैं वन वर्ड में देखो मैं आपको वन वर्ड्स भी करा दो सौ चालीस की एक ही क्लास में दो प्लस वन वर्ड्स मिल जाएंगे जाकर के तीन से चार घंटे की वीडियो वो देख लेना इसी चैनल पर दो दिन पहले कराई है फिर मैं आपको ये 1500 वर्ड की क्लास कराई रहा हूँ 1500 वर्ड प्लस क्लास हो जाएंगे इसमें 1500 वर्ड्स प्लस हो जाएंगे आठ सौ ईडियम्स एंड फ्रेजेस की क्लास मैं आपको ऑलरेडी करा चुका हूं एक सौ बीस रूल्स वाली क्लास करा चुका हूँ ग्रामर वाली तो ये सारी की सारी क्लासेस आप लोगों को एग्जाम से पहले मैंने प्रोवाइड करा रखी है अगर अब भी आपका रिजल्ट खराब आया तो सच बता रहा हूं घर आके पीटूंगा तुम लोगों को कैटास्ट्रोफ होता है प्रलय तबाही तबाही ठीक है भगदड़ ये होता है डेकोरेशन नहीं यार डेकोरेशन होता है प्रलय तबाही ठीक है इसको हटा देना डिजास्टर कह सकते हैं ट्रजेडी कह सकते हैं मिस फॉर कह सकते हैं मेषअप कह सकते हैं लेकिन कुछ लोग आशीर्वाद जैसे मान लो किसी का भाग्य लिख सकते हो आशीर्वाद लिख सकते हो भाग्य हो गया आशीर्वाद हो गया ठीक है हम्म, आशीर्वाद हो गया भाग्य हो गया ब्लेसिंग ब्लेसिंग फोर्ट्यून सक्सेस ठीक है मिरेकल ये होते हैं इसके ऑपोजिट मीनिंग्स आगे चलते हैं हैप्पीनेस मतलब होती है खुलिस यानी सॉरी खुशी यानी कि ब्लिस डिलाइट प्लेजर ब्लिस एंजॉयमेंट और फैलिसिटी सैडनेस ग्लूम दुख होता है इसको लिख लेना दुख ठीक है भाई एंग्वेज और हार्ट ब्रेक एक आ जाते हैं फिफ्टी वर्ड होता है ग्रीट मतलब ग्रीटिंग्स हमारी तरफ से आपके लिए बहुत सारे ग्रीटिंग्स मतलब ग्रीटिंग कार्ड आप अपने दोस्तों को देते हो ना अभिवादन करते समय तो अभिवादन करना होता है वेलकम करना ग्रीटिंग्स तो आप सभी लोगों का वेलकम है ओपन स्टडी गुरुकुल में हेल होता है कॉस्ट होता है रिसीव होता है सैल्यूट होता है एक्नॉलेज होता है सैल्यूट करते हैं लोग है ना एक होता है इग्नोर अरे जाने दे कौन सा हमारा सगा है अवॉइड गुड बाय डिक्लाइन टाटा बाय बाय ऐसे करके बोल देते हैं तो ये इनके ऑपोजिट मीनिंग्स हो जाएंगे जितने भी मेरे प्यारे भाई बंधु हैं सेशन को लाइक कर दो मेरे भाई अभी तक हम लोगों कि ने कितने वर्ड्स पढ़ लिए डेढ़ सौ पहले डेढ़ सौ की कैलकुलेशन निकाल लें चलो सभी लोग डेढ़ सौ वर्ड की कैलकुलेशन समझ लो कि अभी तक डेढ़ सौ नहीं पढ़े हैं एक फॉर्मेट पे कितने वर्ड होते हैं भाई दस वर्ड होते हैं ठीक है दस वर्ड होते हैं तो टोटल कितने वर्ड हो गए अब तक एक फॉर्मेट में बारह भी होते हैं कभी कभी आठ भी हो जाते हैं तो हमने बीच का एवरेज ले लिया दस दस का अगर आप मल्टीप्लाई करोगे वन uh, फिफ्टी में तो हो जाते हैं पंद्रह वर्ड्स यानी कि अभी तक आप लोगों ने फिफ्टीन हंड्रेड प्लस वर्ड्स कवर कर लिए हैं टिल नाउ अप टू नाउ ठीक है अप टू नाउ आपने कितने वर्ड्स पढ़ लिए मेरे प्यारे भाई आपने पढ़ लिए पंद्रह वर्ड्स ठीक है पंद्रह वर्ड्स कंप्लीटेड मतलब एक क्लास में आपको पंद्रह वर्ड्स मिल गए अभी तक अगर आप अभी हम इस क्लास को बंद करते हैं और ऑब्वियसली अब इस क्लास को हम यहीं तक खत्म करते हैं उससे पहले मैं आपको दो चार बातें कुछ बच्चों का यहां पर डेटा खत्म हो चुका है कुछ लोगों की खुद की एनर्जी डाउन हो गई है कुछ लोगों की बैटरी डाउन हो गई है बहुत सारी चीजें हैं है ना और मुझे भी पता है कि आपके अंदर अभी भी थोड़ी सी एक्साइटमेंट है और मेरे अंदर भी है बट मुझे भी ठीक है दोनों तरफ से मतलब कर लेते हैं चलो कुछ बातें हैं ओपन स्टडी गुरुकुल के बारे में जानने वाली चीजें आपको पता ही है लेकिन अगर कोई भी स्टूडेंट है बीच में आया है जिसको नहीं पता है मैं उसको बता दूं ओपन स्टडी गुरुकुल चलता है दिल्ली में दिल्ली मुखर्जी नगर के लोकलिटी में जहां पर ये सारी की सारी फैसिलिटी एक ही जगह पर आपको प्रोवाइड कराई जाती है मैं वहां पर चौबीसों घंटे रहता हूँ है ना हम लोग साथ में पूरी कंप्लीट टीम है जो आप लोगों को तैयार कराएगी कस्टडी में रख के स्टूडेंट्स को तैयार करा रहे हैं एस का कोई एग्जाम है आप लोगों को स्पेशलिटी के साथ आपको तैयारी कराई जाएगी बाकी की चीजें भी अवेलेबल हैं। कांटेक्ट नंबर्स आपके पास दे रखे हैं सपने तुम सजा के आओगे उड़ान हम देंगे ठीक है ये गुरुकुल फैसिलिटी आपको एक ही जगह पर मिनिमम प्राइस में मिल जाती है दूसरी चीज किसी को भी ऑनलाइन कोर्स परचेस करना है तो ओपन स्टडी एप्लीकेशन है हमारा वहां जाकर के सबसे पहले गूगल पे जाओगे गूगल प्ले स्टोर पे रिव्यूज पढ़ना देखना सारी चीजें जो लोग ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं वो वहां पर अपने रिव्यू छोड़ सकते हैं ठीक है प्यारे प्यारे रिव्यू हैं फोर पॉइंट की रेटिंग है ठीक है और ये इंग्लिश फाउंडेशन बैच है जो कि लाइव प्लस बी है प्री प्लस मेंस पूरा का पूरा कंप्लीट बैच है जिसमें 200 से 250 वीडियो लेक्चर्स आप लोगों को मिला मिलते हैं लाइफ टाइम वैलिडिटी सारे कोर्सेज की किसी को रिकॉर्डेड बैच चाहिए तो ये भी मिल जाएगा आपको इसकी फीस है चार सौ लाइव बैच की जो है फीस आपको मिल जाती है पाँच सौ और सभी लोग सेशन को लाइक कर देना चैनल पर जितने भी मेरे प्यारे भाई बंधु हैं सब्सक्राइब कर लेना जिससे बाकी की क्लासेस भी आप लोगों को मिल जाए बाकी आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया आपने क्लास अटेंड करी बस आपको मैंने कंटेंट प्रोवाइड करा दिया अब रिजल्ट देना आपका काम है तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये क्लास आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगी सभी लोग क्लास के बाद कमेंट करना कमेंट करके जाना सभी लोग ऑफलाइन कमेंट करना ऑफलाइन कमेंट मैं तसली पूर्वक अच्छे से पढ़ता हूँ उनके रिप्लाई भी करता हूँ टेलीग्राम चैनल है ओपन स्टडी जहां पर आपको पीडीएफ मिलेगी जिसकी प्रिंटेबल पीडीएफ भी मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा इसके तुरंत बाद ठीक है प्रिंटेबल पीडीएफ मिलेगी कैसी भाई और ये जो प्रिंटेबल पीडीएफ होगी इसमें ना सिर्फ पंद्रह वर्ड होंगे प्रिंटेबल पीडीएफ में आपको वर्ड्स मिल जाएंगे कितने प्रिंटेबल पीडीएफ में वर्ड्स मिलेंगे आपको चौंतीस सौ प्लस वर्ड्स आप जाकर के कैलकुलेट कर लेना ज्यादा ही बैठेंगे लगभग चार वर्ड चार हजार वर्ड्स बैठेंगे मिनिमम ठीक है चार हजार वर्ड्स आपको मिल जाएंगे एक ही पीडीएफ में जे मैं अभी तुरंत क्लास के बाद आपको ओपन स्टडी टेलीग्राम चैनल है इंग्लिश टेलीग्राम चैनल दोनों ज्वाइन कर लेना लिंक दे रखा है कॉमेंट बॉक्स में देख लेना लाइक कर दो भाई सभी लोग सब्सक्राइब कर लेना बाकी काम आपके चलो थैंक यू सो मच आज की क्लास यहीं तक रखते हैं मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कुछ एक्साइटिंग सा लेकर के तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया धन्यवाद